करें तो गॉबलिन की बात की जाए गेम्स में, तो ये अपने आप को सेमी प्लस ग्रैंड फाइनल पे एमवीपी लिस्ट में सबसे ऊपर रखे हैं और 20,000 के धनराशि में जरूर से ट्राई करेंगे। लेकिन आज के डे पे आते के साथ जोनाथन उनके उनसे ऊपर जा चुके हैं, तो जरूर से प्रेशर यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर और जरूर देखने को मिलेगा कि उनको जरूर से ट्राई करना होगा, #1 में अपना सफर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से उस स्पॉट को होल्ड करके रखा था एंड कल के अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जोनाथन अपने आप को वहां पे लेके आ चुके हैं। तो गॉबलिन यहाँ पे आज की जवाबी कार्रवाई में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि यहाँ से अगर वो लीड बढ़ती चली गई तो उनको रोकना मुश्किल साबित होने वाला है। और अंगद चौंग देखिए कितना स्प्लिट है इन प्लेयर्स के बीच में, एक प्लेयर बिलीव की बात करें बहुत आगे जाके लूट रहा है, बाकी दो दो के रेशियो में फिलहाल यहाँ पे बढ़ने की जो स्ट्रेटजी रहती है वो देखने को मिल रहा है। और अंगद चौंग के पास बेहतर लूट में अपने आप को पाएंगे, मेरा मार है आप जितना बेहतर लूट करोगे मिड के भाग में आप उतना डोमिनेट करने की कोशिश करने में हर बार कामयाबी आपको प्राप्त होती है, लेकिन उस चीज को यहाँ पे जरूर से दोहराना पड़ेगा। और टर्न पिछले मैच में कमाल का परफॉर्मेंस पे रहा, सीधा अपने आप को टेबल में थर्ड पोजीशन पे लेके आ चुके हैं, यहाँ कुछ और गेम अच्छे इनके लिए साबित होते हैं, ये कैमेरी स्पोर्ट्स को भी चैलेंज करना यहाँ से जरूर से पसंद करें, क्योंकि अगर हम बात करें गेम्स हो तो ये दोनों टीम कमाल के फॉर्म में है कुछ आने वाले समय से, और ये हर जगह हर इवेंट पे एक दूसरे को टेबल टॉपर बनने के लिए टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे टेबल टॉपर के लिए जरूर से मुश्किल हुआ क्योंकि गॉडलाइक एक अलग दायरे में जा चुके हैं, लेकिन स्टिल वो #2 के लिए कैमेन ईस्पोर्ट्स और एकेडमी गेमिंग आज भी वो जगह यहाँ से जरूर से कंटिन्यू रह रही है। देखिए अभी तो यहाँ पर जरूर वो डिफरेंस है एंड गॉडलाइक को भी पता है यहाँ पर अगर वो बार बार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो नो डाउट यहाँ पर ओरेंगटेन हो गए या फिर कैमेन स्पोर्ट्स हो गया उनके काफी करीब आ जाएंगे और वो नहीं चाहेंगे यहाँ पर इस सिचुएशन में जाना। अगर कल सभी गेम्स में अगर देखा जाए सभी मैचेस में अगर 5 गेम में भी अगर बेस्ट दिखाते तो शायद 100 का भी बोल सकते हैं एक वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, बट हर चीज होना देखिए पॉसिबल नहीं होता, हर कोई अगर देखा जाए ना यहाँ पर हम बात करें कोई भी टीम से परफेक्ट नहीं गाइस, कहीं ना कहीं ऐसा एक फेस आता है टीम का कोई पर्टिकुलर मैच आता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन हर तरफ से अपनी टीम अपनी तरफ से बेस्ट देना जानती है यहाँ पर, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे स्टार्टिंग के जैसे ही स्टार्ट हुआ था मैच 3 खिलाड़ी गॉडलाइक के गेम से बाहर हो गए थे, जोनाथन ने कोशिश वहां पर अच्छी करी सोलो सर्वाइवर करने की यहाँ पर बनने की कोशिश करी, लेकिन हमें पता है मिनामार जैसे एक मैप में ना सोलो सर्वाइव करना एक बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन उनके उन्होंने अपना अच्छा एफर्ट वहां पर डाला और नहीं चाहेंगे आज वही सिचुएशन में जाना, एक अच्छा एक डिसेंट स्टार्ट भी उनके लिए देखिए अभी के लिए जो मैं यही बोलना चाहूंगा टास्क यही है, प्लेसमेंट पॉइंट भी अगर लेकर आएंगे विद डिसेंट फिनिश तब भी उनके लिए काफी रहेगा, वो टेबल जो टॉपर जो बने हुए हैं उसको अपनी पोजिशन बनाने में कामयाबी उनको मिलती रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे सारे मेंबर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। 8 मिनट की इस दौरान बात करें तो पहले 5 मिनट में इनके रोटेशन प्रारंभ हो चुकी है, सर्कल देखिए वेस्टर्न पार्ट को काफी फेवर कर चुका है, कुछ हिस्सा दिख भी नहीं रहा है, तो आप जितना वेस्टर्न अपने आप को लेके जा सकते हो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा इस मैच में, क्योंकि उतनी कम रोटेशन की चांसेस है, मीनामार की तो एक दस्तूर है कि जितने कम रोटेशन आप के लिए आएंगे उतने चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के, विदाउट अ सिंगल लूज आप अगर आप लास्ट सर्कल तक पहुंच रहे तो उससे बेहतर मीनामार में कुछ भी नहीं होता है। 8 मिनट वही यहाँ पे ट्राई करेंगे, बट इस बीच जीवसी की बात करें यूएमपी के साथ M4 यहाँ पे उनको मिल चुका है, स्टिल यूएमपी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उनको अपना सेकेंडरी वेपन नहीं मिला है या तो वो कुछ अच्छे यूटिलिटीज अपने साथ कैरी करने वाला है, या तो वो ग्रेनेड्स में रहेंगे या तो वो कुछ स्मोक्स के रूप में यहाँ पे पिक किए गए हो, क्योंकि मीनामार में आप जितनी स्मोक्स रख रहे हो जितने ग्रेनेड्स रख रहे हो आपके लिए उतना बेहतर रह सकता है उस 4v4 के स्टार्टिंग बैटल में। इसी बीच अगर वापस से कैमिन स्पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो गेम जो था इनकी परफॉर्मेंस कमाल की निकल के आ रही, ओमेगा प्रेडिक्शन के लिए जाने जा रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि इनके पास प्रेडिक्शन कमाल का चल रहा है पिछले कुछ दिन के अगर मैं यहाँ पे एनालिस्ट करूँ, क्योंकि ओमेगा 10 में से 8-9 बार अपने आप को अपनी टीम को सर्कल के एक अच्छे सेंटर हिस्से में लेके जा रहा है, जिसके कारण रोटेशन कम लग रही है, चारों प्लेयर बेहतर तरीके से लास्ट सर्कल तक सर्वाइव कर रहे हैं एंड उसके बाद गन गेम तो इनके पास है ही, एक कमाल के वहां पे असॉल्टर उनके साथ बने हुए, तो यही रीजन है यही बस एक रीजन है कि जितनी कम रोटेशन कैबिन स्पोर्ट्स लगा रहे उतने बेहतर पोजीशन में अपने आप को पा रहे और उसके बाद जब आखिरी वो मंजिल आ रहा है वहां पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, फिनिशर्स निकाल रहे हैं, चिकन निकाल रहे हैं एंड उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं, अगर यहाँ भी वो चीजें दोहराना स्टार्ट कर दिए #2 को तो डोमिनेट करेंगे ही, लेकिन #1 गॉड लाइक को भी कह रहे कि वो लास्ट में चैलेंज करना पसंद करेंगे, मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली गेम जो मैं चाहता हूँ कि ये चैलेंज करे, क्योंकि अगर वो एक तरफा यहाँ पे जीत रहेगी टीम गॉड लाइक की तो फैंस को भी यहाँ पे जरूर से थोड़ा मजा नहीं आएगा, बट वो लास्ट में जाके एक आखिरी मैच जो डिसाइडर मैच रहते हैं कि हाँ ये मैच जो जीता ये पूरा इवेंट उनके नाम हो सकता है #1 हो सकता है, तो वो जरूर से इन दोनों टीम्स के बीच में काफी इंटेंस रहेगा लास्ट का मैच। TSM पिछले गेम में एक शॉक वहां पर उनको मिला था जब सडनली एक स्लैमिन वहां पर आता है टीम एली स्क्वाड का, और
और सेम यहाँ पर ईस्पोर्ट्स एम्पायर ने करा टीम एक्सो, मतलब जो हमारी एक राइजिंग स्टार टीम है डोमिनेट, मतलब बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर मैच में डोमिनेट करती हुई नजर आई ओवर द बेस्ट टीम्स। तो इस गेम में क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे, क्षमता रखती है यहाँ पर टीम्स। इसीलिए अगर देखा जाए ना, जब भी इससे पहले भी जैसे हमने बातचीत करते हैं प्लेयर से, तो वो जरूर बोलते हैं कि चाहे वो टीम्स एक नई क्यों ना हो लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पता है कि ये भी चैलेंज दे सकते हैं, और वो चीज़ हमें पिछले गेम में देखने को मिलती है। स्काइलर्स की बात करते हैं, कल एक अच्छा शुरू, एक बोल सकते हैं वापसी हमें देखने को मिली थी, लेकिन ये फिर से वो इसी ट्रैक में आ रहे हैं। मतलब एक पिछला गेम उतना अच्छा नहीं रहा था, तो डोंट नो वो अभी उस रिदम को क्या हुआ है, लेकिन उस रिदम को वापस लाना पड़ेगा। एक गेम से बेशक आप थोड़े से लैग जरूर कर गए हैं, लेकिन वापसी आप करके दिखाते हैं। जोनाथन की बात करते हैं, एक मिनी 14 के टैप शॉट यहाँ पर सविटार के ऊपर यहाँ पर कंफर्म करते नजर आ रहे हैं F1LS की तरफ से, लेकिन रिच का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर। अगर देखिए कवर अगर आपके पास नहीं है, रिच का बेनिफिट है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और कल की बात की जाए, जोनाथन कितने ज्यादा खिलाड़ी, 2 से 3 खिलाड़ी आ गए, वो कार ब्लास्ट से उन्होंने यहाँ पर खिलाड़ी को यहाँ पर टेकडाउन करा था यहाँ पर रावण। बिल्कुल, वो ब्लास्ट तो मानो भूल से भूल नहीं पाए अभी तक, पूरी टीम को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए थे, और वो मुश्किल रहा था यहाँ पे। मेरी 14 के टैप 16 HP 16 HP 2 बार यहाँ पे लगभग यहाँ पे बात करें तो 44 HP डाउन कर दिया, बट स्लीर अप नहीं था, बट स्पीच यहाँ पे बात करें, क्लच गॉड को स्पॉट किया गया, बैकअप वहाँ पे चाह रहे थे मिलने पाया, क्लच गॉड को वापस से इस मैच में एलिमिनेट कर दिया जाता है। 2 मैचेस टीम गॉडलाइक के लिए स्टार्टिंग में ये पहला लूज होना, ये बेहतर नहीं हो पाया आज के 2 मैचेस, बट स्टिल अब काउंटर के जो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि वो ऊपर थे, उनसे भी ऊपर F1LS आ गए। मिरामार में हाइट आपके पास है तो थोड़ी सी एडवांटेज आपके साथ रहती है, उसी का फायदा यहाँ पे F1LS को मिला। मौका था कवर फायर के लिए, वो एंगल नहीं मिल पाया कि कुछ कवर फायर दे सके, अब फिनिश करने के बाद जानते हैं कि वहां से एक जवाबी कार्रवाई आ सकती है, तो अपने आप को यहां से निकालना F1LS ने एक बेहतर ऑप्शन जाना। बिल्कुल ये बेहतर है, आपने एक टीम यहाँ पे कुछ 9 मिनट में निकाल लिया, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से स्टंट ना करें, क्योंकि आपके आसपास टीम गॉडलाइक के अगर स्पॉट करेंगे ब्लास्ट करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि पिकअप की बात करें कुछ लिमिटेड बुलेट के साथ ही आप इस व्हीकल के साथ ब्लास्ट कर दिए जा सकते हो। देखिए स्टंट करेंगे तो स्टंट रह जाएंगे, क्योंकि ये हमने काफी बार देखने मिले, बट अभी ले चलते हैं डायरेक्टली गॉड लाइक एक पैर के ऊपर, और एक बदला रेवेज लेने का एक बढ़िया मौका, लेकिन देखते ही देखते हम क्या देखते हैं यहाँ पर, क्लच गॉड के यहाँ पर गंवाने के बाद जी गॉड ने भी यहाँ पर हो चुके हैं नॉकआउट। जोनाथन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, फिर से वही प्रेशर सिचुएशन यहाँ पर टीम गॉड लाइक फेस करी है। डोंट नो अब कॉल क्या आ रहे होंगे यहाँ पर जोनाथन के पास, क्या वो यहाँ पर बचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर आगे जाते तो मेंटेन स्ट्राइकर 1v2 सिचुएशन अभी के लिए जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड शायद यहाँ पर अब के लिए जो कॉल आई होगी जी गॉड के द्वारा पीछे ही रही है, अब सर्वाइवल गेम प्ले वही चीज अभी देखने को मिल रही है, तो ये एक फिर से सरप्राइज रहा यहाँ पर टीम गॉडलाइक के ऊपर, और ये देख ही सकते हैं इस चीज का फायदा बाकी टीम्स को मिलेगा नो डाउट। बिल्कुल यहाँ पे मुश्किल हो चुके हैं एंड वही टीम है, देखिए वापस से टीम तमिलास HH की बात करें, इनके ग्राउंड लेवल पे आ गए और सेम पनिशमेंट यहाँ पे वापस से टीम गॉडलाइक की तरफ हुई, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है टीम गॉडलाइक को। जोनाथन आखिरी सर्वाइवल है पोजीशन पॉइंट के लिए, तो वापस से वो कल वाली चीज यहाँ पे दोहरानी पड़ेगी, बट आज कितने बेहतर तरीके से कर दे, क्योंकि कल तो कामयाब नहीं हो पाए थे, कल उनको मिड के फासले में एलिमिनेट कर दिया गया था, तो आज कितने बेहतर तरीके से अपनी टीम को एक पोजीशन दिलाने में कामयाब होते, क्योंकि गन गेम तो हम जानते हैं गन गेम एक नेक्स्ट लेवल है टीम गॉडलाइक के पास, लेकिन पोजिशनिंग जब निकालने की बारी आती है जहां पे आपको थोड़ा पैसिव अप्रोच रखना पड़ेगा, तो क्या जोनाथन अपने आप को रुक पाएंगे, क्योंकि जब भी वो प्लेयर को स्पॉट करते हैं उनकी गन नहीं रुकने के नाम ली, वो बोलना चाहता है, वो स्प्रे करना चाहता है, बट आज उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट इसके बीच INDK के मेंबर्स को भी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, स्नैक्स को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया है, और रिवाइवल जल्द से जल्द वहाँ पे प्लान करना पड़ेगा, बट कैमेन ई स्पोर्ट्स भी इस बीच पे अगर बात की जाए तो थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहेंगे, आदि को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, सामने से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, ओमेगा भी यहाँ पे अपने साइड से जल्द से ग्रेनेड करना चाहेंगे, बट इस बीच अक्षित की तरफ से एक ग्रेनेड काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे थ्रो सामने डैमेज देंगे, एंड आदि को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो ही गए हैं, फिनिश इसके साथ यहाँ पे मिल जाएगा, एक फिनिश यहाँ पे जरूर से मिल चुका है, एंड वापस से ग्रेनेड की यहाँ पे बात की जाए तो परेड स्टार्ट हो चुकी है, इनसेन भी यहाँ पे बात करें तो ग्रेनेड के दायरे पे आ रहे, और मुश्किल हो रहा है एक एक करके अपने प्लेस पे यहाँ पे गवाते चले जा रहे, क्योंकि रैथ भी ओके इनसेन के रैथ यहाँ पे ज्वाइन कर चुके, तो फाइनली ये जो एक अनाउंसमेंट की तैयारी थी वो जरूर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है नाम के साथ, बट इसी बीच यहाँ पे नॉक की बात करें हो चुका है, बैक स्टैब यहाँ पे कैमेन ईस्पोर्ट्स को यहाँ पे ईस्पोर्ट्स एम्पायर ने बैक स्टैब किया, जवाब काफी अच्छी दी है, लेकिन 2 प्लेयर अक्षित और माइटी को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, टीम गॉडलाइक भी इस मैच में थोड़े से मुश्किल में आ चुके हैं, कैमेन ईस्पोर्ट्स भी यहाँ पे थोड़े से मुश्किल में आ चुके हैं, तो बाकी टीम्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर से निकल के आ सकते हैं। वापस से ग्रेनेड आएगा, ओमेगा को यहाँ पे डैमेज दिया गया,
डैमेज काफी ज्यादा हो चुके हैं, बट ट्राई कर ले काउंटर करना चाह रहे हैं टू टाइम के साथ वापस से सामने जाएंगे स्प्रे करेंगे एक प्लेयर को डाउन किया गया दूसरे प्लेयर को भी डाउन किया जाएगा लेकिन 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 गॉब्लिन इज नोवेयर मिड रेंज से यहां पे बात की जाए तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। ये जो थर्ड पार्टी स्प्रे थी इनसेन से उनका बैटल चल रहा था ई-स्पोर्ट्स अंपायर बैकस्टेप किए ध्यान उनकी तरफ लेके गए तो इनसेन पीछे से बोले हेलो हम लड़ रहे हैं आपसे आप हमें भूल नहीं सकते और रिस्क से थोड़ा सा वो पिक्सल मिल गया और इनफ था मैच से उन्हें एलिमिनेट करने के लिए। हम काफी बार बोलते हैं कि थर्ड पार्टीज आपके लिए नुकसानदेह होती है लेकिन यहाँ पर फायदा देती नजर आई लेकिन खतरा नहीं टला इनसेन अभी भी आपको आते नजर आएंगे एंड बेशक अभी के लिए तो आपको बेनिफिट जरूर मिला क्योंकि अगर आप देखेंगे वो चार में से तीन फिनिश निकाल के गए ईस्पोर्ट्स एम्पायर और अभी के लिए अगर देखिए एक फिनिश निकाले वहां पर गॉब्लिन है लेकिन इसी बीच सिचुएशन अभी के लिए यहां पर जो फाइट अगर होती है इनसेन के खिलाड़ी अगर वो आधी आगे जाते हैं तो 1v4 वहां पर करके दिखाना पड़ेगा जो अभी के लिए काफी मुश्किल है और साथ साथ वहां पर आईएनडी का भी खतरा बंधा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा पेशेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और इसी बीच आईएनडी के साथ साथ एक और टीम मुझे नजर आ रही लोअर रिच के नीचे जरूर नजर आ रही है वो ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के खिलाड़ी मार्कोस गेमिंग उस फ्रेम में आते पर आ चुके हैं एंड टीम सब वेट करती है यहाँ पर जिस तरह से आईएनडी और इनसेन वेट कर रहे तो बिल्कुल ऐसे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग और मार्कोस गेमिंग वेट कर सकते हैं और इसी बीच हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर इनसेन के ऊपर अटैक आ चुका है 7C का My God, back to back से यहाँ पे बात करें तो बैटल पे यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है टीम के यहाँ पे मुश्किलें बहुत ज्यादा है इसी बीच यहाँ पे वापस से नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है की बात करें कवर्स में लेकिन नॉकआउट फाइनली नियो की तरफ से यहाँ पे कर दिया गया फिनिश ऑफ करना क्या यहाँ पे अंजाम दे पाएंगे क्योंकि कवर्स पायर आने वाले बहुत जल्दी से एग्जैक्टली इनसेन के नियो किस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो कोशिश थी जो मंशा थी उसमें एक कामयाबी मिली बट उसके कारण आपको बाहर करना कर दिया जाएगा क्योंकि बैकअप 7C's के पास काफी उमदा था आदि यहाँ पे बाहर करें एलिमिनेट कर दिया गया सारंग को नॉक किया गया था सॉरी स्प्रे गॉड को यहाँ पे नॉक किया गया था लेकिन रिवाइवल यहाँ से काफी आसान होने वाला है। गाइज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा दर्शकों को जो भी लोग यहाँ पर YouTube पे देख रहे हैं गाइज तुरंत आ जाइए क्योंकि स्विच हो चुका है ऑलरेडी एंड हमने ये चीज हमने पहले ही बताई थी आपको कि पहले गेम के बाद आपको दूसरे जब हम मैच यहाँ पर विटनेस करेंगे कभी भी हमारा जो है मैच यहाँ पर स्विच हो जाएगा। अगर आपके दोस्त लोग देख रहे हैं उनको जरूर यहाँ पर बता दीजिए स्विच कर लीजिए और साथ साथ गाइज रॉयल पास जीतने का भी आपको एक जबरदस्त मौका यहाँ पर मिलेगा। वापस से आते हैं मैच और बैक ऑन ट्रैक यहाँ पर अभी के लिए टीम तमिलाज सामने की अगर देखा जाए 7C के एंड एक के बाद एक फाइट देखने को मिल रही है। इससे पहले टीम इनसेन के ऊपर धावा बोला जाता है 7C का और अब 7C के ऊपर धावा बोला जा रहा है टीम तमिलास का। ये रुकने का सिलसिला ये जो चेन रिएक्शन है ना ये बिल्कुल भी रुकेगा नहीं यहाँ पर अगर आप एक मीरामार का मैप खेल रहे हैं तो बिल्कुल रुकना भी नहीं चाहिए। ये एक असली बैटल ये पॉइंट्स की भूख है सारी टीम के पास जो कि वो भूख के साथ बहुत ज्यादा भूख लग चुका है क्योंकि अगर आप नजर डाल ले गेम्स तो ये टीम्स वो हैं जो कि अभी अपने आप को सेकंड चार्ट पे पा रहे बट इस बीच ग्रेनेड्स यहाँ पे आते हैं स्ट्राइकर पैटी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। रिवाइवल की बात की जाए तो जरूर से यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा मैटी को जल्द से जल्द यहाँ पे रिवाइवल देने की बारी आने वाली बट इस बीच अगर बात करें 7C क्या वेट कर रहे हैं ये वापसी करने का आप मौका दे रहे हो और ये स्क्वाड है ये आपको 100% मुश्किल में डाल सकते हैं क्योंकि मैन एडवांटेज फिलहाल HS के पास है। ग्रेनेड अब इनके तरफ से जवाबी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है और एक भी कनेक्शन यहाँ पे मिला तो आपके लिए डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है इस पॉइंट से। बिल्कुल गाइज यहाँ पर मैं फिर से बोलना चाहूंगा जितने भी दर्शक आपके जितने भी दोस्त लोग देख रहे हैं अभी भी YouTube में उनको लेके आइए क्योंकि मैच की इंटेंसिटी बहुत ही शानदार है। अभी भी अगर आप देखें 13 टीम्स यहाँ पर स्टिल अलाइव यहाँ पर रावण एंड सर्कल फिर से एक और हार्डशिप देता हूँ मैं ईस्टर्न साइड की तरफ ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है टीम तमिलास को भी निकलना पड़ेगा ज्यादा उनके पास समय यहाँ पर नहीं बच रखा दूर के स्प्रिट में यहाँ पर अभी के लिए नजर आ रहे हैं। एंड अगर बात की JTSM बस इस बार संभल कर नजर आ रही है सदर्न ईस्टर्न साइड की तरफ से अभी के लिए होल्ड करती हुई एंड ईस्पोर्ट्स एम्पायर की बात करें शुरुआत अभी काफी अच्छी हुई अच्छी बात ये रही कि कोई कैजुअलिटी नहीं खाए लेकिन चैलेंज है वहां पर टीम आईएनडी के रूप में। कल अगर हम बात करते हैं ईस्पोर्ट्स एम्पायर वर्सेस टीम आईएनडी का हमें फाइट देखने को मिल रही थी मिलिट्री बेस की तरफ और यहां पर अभी के लिए देखा जाए मीरामार में वो फाइट हमें फिर से विटनेस करने को मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पे बैक टू बैक ईस्पोर्ट्स एम्पायर की बात करें तो टीम्स को यहाँ पे मुश्किल में डालने की कोशिश में लगे 4 फिनिशर्स यहाँ पे आ चुके हैं और आईएनडी की बात करें स्नैक्स यहाँ पे बाहर कर दिए गए थे स्टार्टिंग ऑफ द मैच में तो मैन एडवांटेज फिलहाल उधर नहीं हो गए कंपेयर करें ईस्पोर्ट्स एम्पायर से तो इसको किस तरीके से अंजाम देते हैं ये देखने वाली बात है। अगर ग्राउंड में बात की तो दो ही प्लेयर फिलहाल है क्रिटोस और दलजीत आई थिंक दो नुकसान हो चुका है टीम आईएनडी को और उसके लिए उनको काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होगा क्योंकि अगेंस्ट में जो है वो काफी अच्छे फॉर्म में टीम्स को एलिमिनेट करते हुए तक यहाँ तक पहुंचा सबसे बड़ी बात है उस दौरान अपने ऊपर एक भी नुकसान नहीं होने दिए हैं और इसी के कारण
ये थोड़े से डेंजरस साबित होती है। इस पॉइंट पे वापस बात की जाती है इस ब्लैक की तरफ से, यहाँ पे एमिट पे कनेक्शन ढूंढी जा रही थी लेकिन ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया। नॉक की जो बारी थी वो देखने को नहीं मिला, बट काउंटर अटैक पे बात करते हो स्ट्राइकर को टेक आउट कर दिया गया, सूर्य को यहाँ पे टेक आउट कर दिया गया, दो प्लेयर्स को यहाँ पे इंस्टेंट नॉक कर दिया गया एंड स्ट्राइकर को तो मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। स्पोर्ट्स पर एक अलग यहाँ पे रवैये में इस मैच में देखने को मिल रहा है, ये होना चाहिए। आपके लिए ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उतने ही इंपॉर्टेंट समझ के आप इस मैचेस को खेलें उतना आपके लिए आसान रहेगा आगे का सफर। दो प्लेयर को नॉक करते के साथ फिनिश करते हैं एंड ये डिसबैलेंस हो चुके हैं इस ब्लैक, इस तरीके से डिसबैलेंस करेंगे तो कई आपके ऊपर इस प्ले आ सकता है और लकी रहे क्योंकि बाकी के साथ हम देखते हैं इस तरीके से आप डिसबैलेंस हो आपको मैच से बाहर होना पड़ सकता है ब्लास्ट के कारण। बिल्कुल, कभी कभी आप नॉकआउट भी हो जाते हैं, किस्मत अच्छी रही है, आप थोड़ा संभल के चलिए। इसलिए हम बोलते हैं ना जब भी एक फीचर की बात आती है ना एक मीरामार मैप में तो हम बोलते हैं इसलिए आपको परफेक्ट अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, बट कभी कभी ना थोड़ा सा आप फंबल कर देते हैं जब आपको पता है कि हर तरफ से हर दिशा से अगर आपके ऊपर बुलेट्स फायर हो रही तो आप फिर आपका एक्सीलेटर से पैर हटता ही नहीं है, वो ब्रेक शब्द उस व्हीकल से हट जाते हैं वहां पर, तब आप बिल्कुल चाहते हैं कि अपने आप को बचाते हुए नजर आए, बट थोड़ा सा आपको संयम से कायम लेना पड़ेगा। वापस से आते हैं इस फाइट के दौरान एंड गाइस जितने भी दर्शक यहां पर देख रहे हैं लोगों में सभी का स्वागत है एंड सभी को बोलना चाहूंगा 70K का फॉलोअर्स का आज हमारा टारगेट रहने वाला है, तो मेक श्योर गाइस अगर आप देख रहे हैं लोगों में अभी फर्स्ट टाइम आए फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अपकमिंग जो भी लाइव स्ट्रीम करेंगे तुरंत ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और साथ साथ आपको रॉयल पास जीतने का भी एक सुनहरा अवसर भी यहां पर मिल रहा है यहां पर रावण। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए रॉयल पास तो एक पार्ट रहता है, वहाँ पे तैयारी भी की जा रही है और ये भी तैयारी कर रहे हैं जॉनाथन सर्कल के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, हेल्थ रिकवर करने की बारी आई है, इस बीच अगर उन्हें स्पॉट किया गया तो मैच से एलिमिनेट भी हो सकते हैं क्योंकि उनके जस्ट सामने एक पूरी टीम उनका इंतजार कर रहे हैं, बट इस बीच यहाँ पे बात करें तो जीत को फिलहाल यहाँ पे टेक आउट कर दिया गया, रिवाइवल ढूंढना पड़ेगा जस्ट जल क्रिटॉस आखिरी सर्वाइवल होने वाले INT के तरफ से, तो मल्टीपल आकर से स्पॉट आ रहे हैं जिसके कारण काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, 6 फिनिशेस इनके पास अकेले है गेम जो टोटल 8 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं ईस्पोर्ट्स एम्पायर की तरफ से और यहां से बेहतर कर रहे हैं, काफी बेहतर कर रहे हैं। क्या इस मैच को सेकंड में कन्वर्ट कर पाएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा, टीम एक जो के लिए भी जिस तरीके से बोला गया था ये मैच इंपॉर्टेंट है एंड वो लगभग टॉप 11 तक आ चुके हैं, केवल 1 फिनिश है लेकिन अगर ट्राई किया जाए तो यहाँ से कुछ अच्छे फिनिशेस आपके लिए बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स टेबल में यहाँ पे साबित हो सकते हैं। चिकन तो जरूर सा टारगेट होगा माइंड पे क्योंकि आज के डे में बहुत कम मैचेस आपके पास बचे हुए हैं, सर्कल के सदर्न पार्ट में सर्कल के एक अच्छे हिस्से में अपने आप को टीम एक तो बना के रखा है, इसी मोमेंटम को आगे तक बरकरार रख पाए तो काफी इनके लिए आसान साबित हो सकता है। जॉनाथन के जस्ट सामने मार्कोस की पूरी टीम होने वाली है, जितनी जल्दी वो सर्कल में जाएगा उतना उनके लिए आसान हो सकता है, बट मार्कोस की टीम को ही यहाँ पे एलिमिनेट किया गया, एक तो 2 फिनिशेस फिलहाल निकाले जा चुके हैं। सामने से बात करें तो प्लेस की तरफ यहाँ पे ADS ओपन करेंगे, पंक की बात करें स्पॉट कर चुके हैं लेकिन टाइम की कमी होने के कारण अपने आप को सर्कल में भी लेके जाना एक अच्छे दायरे पर रखना टीम एक जो बेहतर समझ आ, यहाँ से अगर देखा जाए गेम जो तो ये टीम्स को गेट पे गेट कीप कर सकते हैं काफी आराम से। बिल्कुल, वापस से हम आ चुके हैं यहाँ पर एंड अभी के लिए एक्सो की बात करें उनको करना है कंपनसेट, पिछला मुकाबला जो 0 अंक में देखने को मिला था उनका वो इस बार कंपनसेट करते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर, होल्ड करेंगे पंख की अगर बात करें, रिच का एडवांटेज भी यहाँ पर मिल रहा है, हायर एडवांटेज का भी उनको अंदाजा मिल रहा है लेकिन मल्टीपल फुटस्टेप सुनामी उनके साथ और भी एक और खिलाड़ी और ये जो MG3 का प्रहार है जिससे बच पाना मेरे ख्याल से काफी मुश्किल टास्क अभी के लिए टीम एक्सो, और इसी बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 खिलाड़ी तो यहाँ पर नॉकआउट भी हो चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बात करते हैं एक करके यहाँ पे टीम एकदम मुश्किल में अपने आपको पाएंगे, सर इसको भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, सेंस से भी यहाँ पे बात करें तो फिनिश हो जाएंगे काफी जल्दी एंड क्राउनी आखिरी प्लेयर रहेंगे उस पॉइंट पे, उनकी तरफ बात किया तो ग्रेनेड करी कोशिश की जा रही है और सामने से अगर आप नजर डालें क्या जॉनाथन की एंट्री हो चुकी है राइट एंड फील्ड से, बिल्कुल वहां पे जॉनाथन आ चुके हैं अपने साइड से, वो ग्रेनेड करना चाह रहे हैं और अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गया सामने प्लेयर नॉक दे तो एक फाइनल पुश के साथ यहाँ पे जॉनाथन इस पूरे सिचुएशन को अपने नाम कर सकते हैं, दो स्क्वाड के बीच में एक सोलो सर्वाइवल आके इन दोनों ही टीम्स को यहाँ पे मुश्किल में डाल देते हैं, फिर इसके साथ टॉप 6 में आ चुके गेम्स ऑफ पोजीशन पॉइंट की हम बात कर रहे थे, देखिए पोजीशन पॉइंट भी निकाल चुके हैं टॉप 6 में अपने आप को लेके आ चुके हैं, यहां पे बस वेट कर रहे हैं कि 8 बिट की बैटल वहां से कंप्लीट हुए वो रिलैक्स होकर आगे बढ़े और उनको मुश्किल में यहां पे डाला जा सके, फिलहाल ग्रेनेड पिन आउट कर चुके हैं, सामने थ्रो किया जाएगा क्या ये ग्रेनेड यहां पे ऑन पॉइंट, एक अच्छी मेजरमेंट टाइमिंग साबित हो गई बिल्कुल यहां पे साबित हुई है, ह्यूमन राइट को यहां पे टेक डाउन कर दिया गया, चौथन क्या इसके पास रुकना चाहेंगे मौली फिलहाल उसी पॉइंट पे उसी डायरेक्शन पे वापस से दोहराएंगे, क्या ये मौली वहां पे डैमेज में काम कर पाएगी, नो फिलहाल ये मौली के डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं मिल पाया कंपेयर करें ग्रेनेड से, तो
साथ ही साथ गाइस मैं देख रहा हूँ 10,000 की लाइव वॉचिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर अपनी आईडीज आप करते रहिए स्पैम, ताकि हो सकता है कि आप भी एक लकी विजेता बनते हुए नजर आ सकते हैं। एंड गाइस मैं चाहूंगा इसको और इंक्रीज कीजिए, ताकि हम मैनेजमेंट से बात करके इसको नंबर्स को भी इंक्रीज कर सके। अभी के लिए जो टास्क है वो ये है कि 10,000 की वॉचिंग रहेगी तो बिल्कुल आपको रॉयल पास जीतने का एक मौका मिल सकता है। अपनी आईडीज आप यहाँ पर आप स्पैम कर सकते हैं, ताकि एक अगर लकी रहे तो क्या पता आपके पास आपको यहाँ पर रॉयल पास मिल जाए। और साथ साथ गाइस शेयर करते रहिए, यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग इवेंट आ रहा है, साथ साथ फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया रावण भी आपको बार बार गाइस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 70,000 का गाइस आज और यहाँ पर टारगेट रहेगा, बट अभी के लिए जॉनथन के ऊपर यहाँ पर धावा बोला जा रहा है टीम एडमिट के द्वारा, लेकिन इस बार नहीं कर पाए क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन आया था सुनामी के द्वारा, अगर ये चीज नहीं होता तो शायद जॉनथन वहां पर कोशिश जरूर कर रहे थे, वो चाह भी रहे थे अगर सामने से आते खिलाड़ी तब वहां पर थोड़ा सा इजी रहता उनके ऊपर उनके सामने। बिल्कुल से थोड़े से वहाँ पे जोर से मुश्किल, वो फ्लैंक पे फ्रंट साइड से बाकी प्लेयर्स का पे एक साथ आना बड़े साइड का भी, तो क्या बड़े बीच यहाँ पे बात करते इस वक्त सब कार्य काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रहे थे, लेकिन गोइंग स्ट्रॉन्ग के नजर पे आ गए और ये भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप इतनी आसानी से इनके रडार से निकल पाओ। पांच प्लेयर्स यहाँ पे इनके पास आ चुके हैं, बैटरीज का बैटल चलेगा यहाँ पे 8 बिट के साथ, अजय की तरफ यहाँ पे कुछ डैमेज आते हैं, सीधा हेड चेस करने में कामयाब, बट संभल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है गोइंग स्ट्रॉन्ग को भी, क्योंकि 8 बिट के पास काफी अच्छे नंबर है, उसका वो फायदा उठा सकते हैं। ग्रेनेड आएगा, डैमेज मिलेगा अजी को, ना वो ना चाहते हुए थोड़ा सा पीछे हटने का फैसला करेंगे, 35 से रिकवर करेंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम है। सर्कल एक और ग्रेनेड वहां पे आ गया, देखिए एक ग्रेनेड आपको डैमेज दिया, आपको यहाँ से अपनी पोजिशनिंग बदलने की आवश्यकता थी, जो कि आपने नहीं बदला, तो उसका सजा आपको वहां पे जरूर से यहाँ पे 8 बिट आपको देंगे। व्हीकल के काफी क्लोज है, ब्लास्ट होने की संभावना नहीं है, एग्जैक्टली ब्लास्ट कर दिए जाएंगे ईस्टबर्ड्स एम्पायर के फ्रैग ओपी, फिलहाल प्रोटी कंटेनमेंट इस बात का पता नहीं था, जब तक पता चला बहुत ज्यादा देर हो गया। टॉप 3 टीम्स बची है, कौन कौन सी वो 3 खिलाड़ी यहाँ पर है, कौन कौन से 3 टीम्स बच रखी है, ऑरेंगुटैन एक और प्रबल दावेदार फिर से यहाँ पर एक शिखर डिनर निकाल सकते हैं। 3 फिनिश है ये छोड़ दीजिए, लेकिन आप टॉप 3 में आ चुके हैं, साथ साथ ए टीम 8 बिट और साथ साथ टीम ईस्पोर्ट्स एम्पायर, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन था, कल एक भी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिला पाए थे और आज एक बेहतरीन और 12 फिनिश निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पर रावण आपके साथ। बिल्कुल यहाँ पे देखिए 12 फिनिशर्स निकालने का मतलब साफ है कि आप स्टार्टिंग से ही काफी बेहतर परफॉर्मेंस के साथ यहाँ तक पहुंचे। 8 बिट की भी बात करें तो 10 फिनिशर्स इनके पास भी आ चुके हैं, चिकन तक पहुंचे तो और बेहतर यहाँ पे फिनिशर्स इनके पास रहेंगे, तो वो जरूर से यहाँ पे 8 बिट करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी सेकंड चार पे पहुंच चुके हैं और एक बेहतर मैच तो यहाँ पे जरूर से ये ढूंढ रहे इस मैच के साथ, और हमें पता है कि ये फिलहाल करने की काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे कोशिश भी कर रहे हैं। ग्रेनेड वापस से यहाँ पे सुनामी की तरफ से पिन आउट किया जाएगा, ट्रैश के लिए बात की जाए तो थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, सामने से भी ग्रेनेड आएगा, डैमेज कुछ खास यहाँ पे नहीं मिला, बट एश के लिए थोड़ी सी मुश्किलें उस पॉइंट पे खड़ी हो चुकी है। अगर सुनामी की बात करें तो वापस से एक बेहतर ग्रेनेड होता तो शायद माइट बी वहाँ पे नॉकआउट कर सकते थे। मैन एडवांटेज यहाँ पे 8 बिट के पास है, स्मोक से यहाँ पे करना स्टार्ट कर चुके, स्लैमिन थोड़ा क्लोज जाके उस बैटल को कंटिन्यू करना चाहते 8 बिट की टीम, देखते हैं इसमें कामयाबी मिलती है किसको, क्योंकि थर्ड पार्टी स्प्रेज आने की भी चांसेस हो सकते हैं कि 3 टीमें अभी भी इस मैच में है। देखिए हर किसी ने किसी को एक एडवांटेज है, अगर आप देखें 3 खिलाड़ी इनके बच रखे तो उनके पास अच्छे खासे फिनिश है, नंबर की बात करें तो वो ऑरेंगुटैन के पास है, लेकिन उन्होंने ज्यादा फिनिश नहीं निकाले, उनका फोकस था प्लेसमेंट पॉइंट लाने का, वो अभी तक का बोल सकते हैं अचीव वो कर चुके, लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया मौका है कि 3 से भी ज्यादा अब यहाँ पर वो फिनिश निकाल सके, कॉन्फिडेंस से भरपूर है यहाँ पर टीम 8 बिट, जैसी जरूर आगे बढ़ रहे हैं। ईस्पोर्ट्स एम्पायर की बात करें, वो जो आखिरी खिलाड़ी बचा है वो वेट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रैगर और इंतजार कर रहे कि आपस में यहाँ पर टीम 8 बिट और टीम ऑरेंगुटैन भिड़ जाए और बिल्कुल सही वक्त आके कुछ फिनिश स्टेल यहां पर करते नजर आ जाए। देखिए अभी कुछ समय पहले वहां पे नंबर्स नहीं थे, बट अब वो नंबर्स आ चुका है, एश को फिलहाल इस बीच यहां पे नॉकआउट कर दिया जाएगा, जैसे तरफ से एक और ग्रेनेड का पिन आउट, मल्टीपल ग्रेनेड्स यहां पे हर एंगल पे थ्रो किए जा रहे हैं और इसी पीछे के ऊपर को स्पॉट कर सकते हैं काफी आसानी से, लेकिन सामने से वो ग्रेनेड को भी आपको देखना पड़ेगा, वो फिलहाल काफी अच्छी तरीके से देखे भी फिलहाल प्रोड हो गया, ट्रिगर को भी यहाँ पे बात करें तो नॉकआउट कर दिया गया। सुनामी अपने MG3 के साथ एक अलग ही रवैये में अपने आप कर गए, 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं, एक एक पे कुछ करेगा और हर एंगल पे यहाँ पे स्प्रे कर रहे थे, फ्रंट साइड यहाँ पे चेस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बिलीप के ऊपर यहाँ पे सुनामी कर रहे, तो ये कोऑर्डिनेशन अगर टीम के बीच में तो काफी अच्छी रिजल्ट हो सकते, लेकिन इतना ऑफ गार्ड मुश्किल हुआ, ह्यूमन राइट को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, सुनामी को भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, जैसे रहेंगे आखिरी सर्वाइवल अपनी टीम के लिए, स्प्रे कर रहे हैं करेक्शन यहाँ पे टूटे क्वेश्चन 8 मिनट, इस मैच से इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ एलिमिनेट कर दिया गया, ट्रैक के पास मौका रहेगा अगर सही टाइम पे ये सलामी ना आता बेटर हो सकता है, क्योंकि टीमों के भी एचपी कुछ खास अच्छी नहीं, एक एक लिए यहाँ पे 1v1 का बैटल और नो नो एके ने यहाँ पे मौका ही नहीं दिया और बैक टू बैक 2 चिकन
और इंगेजमेंट गेमिंग आज के डे में एक अपना वाह छाप छोड़ना चाह रहे हैं, पॉइंट टेबल में एक अच्छी बढ़त हासिल करना चाह रहे हैं, आई थिंक कामयाबी मिल रही, क्योंकि जो टेबल टॉपर्स है वो थोड़े से अर्ली एग्जिट किए इनके कंपेयर में। बिल्कुल, जैसा आपने बात करी ना, वहां पर थोड़ा सा फ्रैगर को जल्दी आ जाना चाहिए था वहां पर। एंड अगर हम बात करें, चार फिनिश रूट निकाले अगर जल्दी आ जाते, और दूसरे खिलाड़ी अगर आप देख भी रहे थे हम फ्रेम में वहां पर ओरेंगुटैन के, वो अपने आप को हील अप कर रहे थे ताकि वो एक खिलाड़ी जो डिस्ट्रैक्ट करते रहे, अगर नॉकआउट हो भी जाता तब तक वो हील हो जाएंगे और तब वो उनका ट्रेड यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी है, इन टीम्स ने अपना बेस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया, 8 फिनिश के साथ यहाँ पर टीम ओरेंगुटैन ये विनर विनर चिकन अपने नाम करके जाती है। ई स्पोर्ट्स एम्पायर की अगर मैं बात करता हूँ, 12 फिनिश के साथ यहाँ पर दूसरे पायदान में रहते हैं। एंड नो डाउट 12 फिनिश 12 अंक यहाँ पर प्लेसमेंट, यानी 24 अंक वो अपने खाते में ऐड करेंगे। और जो #9 की तरफ चले गए थे ना, वो अब ऊपर आते हुए नजर आ सकते, नो डाउट। 8 बिट की अगर बात कीजिए यहाँ पर, तो टोटल उनके भी हम बोल सकते हैं 11 फिनिश निकाले, तो 8 बिट भी अपनी अपनी तरफ से बोल सकते हैं आप, प्लेसमेंट पॉइंट भी उनका अच्छा खासा है, साथ साथ फिनिश पॉइंट भी अच्छे खासे हैं। तो अभी के लिए पॉइंट बोल सकते हैं चार्ट नंबर 2 में चल रही थी, तो उनको भी यहाँ पर जरूर इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन ओरेंगुटैन कितना ज्यादा अब यहाँ पर बफ लेके जाएंगे, लेकिन स्टिल मुझे पता है टीम गॉडलाइक से तो जरूर नीचे यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि गॉडलाइक की अगर मैं बात करता हूँ, जोनाथन टॉप 6 तक लेके आए हैं उनको यहाँ पर, ये एक अच्छी चीज नहीं यहाँ पर टीम गॉडलाइक के लिए, क्योंकि जिस तरह का लग रहा था सफर, फिर से वही लग रहा था कि वहां पर जोनाथन अगर मान लीजिए अगर फिर से आगे जाते हैं वहां पर टीम तमिलास के आगे, तो शायद वहीं पर ही मारे जा सकते थे, जब शायद प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट कुछ अंक मिले हैं प्लेसमेंट पॉइंट के, और अगर बात की जाए फिनिशेस की, तो एक ही फिनिश वो ऐड कर पाए हैं, तो इतना ज्यादा भी टेंशन की बात नहीं। लेकिन हाँ, ये अगर रिपीट होता रहेगा तो बाकी टीम्स के लिए तो फायदा होने वाला है, जिस तरह से ऑरंगटेन फायदा उठा रही है बैक टू बैक विना विना चिकन डिनर। बिल्कुल सही टाइम पे ये चिकन्स निकलना स्टार्ट हुए और अंगे टंगे तरफ से, और इसको यस इसी तरीके से बरकरार रखना पड़ेगा। देखिए टेबल टॉपर जो है वो थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, आप उसका किस तरीके से फायदा उठा रहे हो, वो ओरेंगुटैन ने यहाँ पे बिल्कुल जवाब दिया कि चिकन के साथ वो फायदा उठा रहे हैं। और इसको अगर बरकरार करेंगे तो वो जो 60-66 का एक लीड यहाँ पे बना के रखे हुए गॉड लाइक, वो धीरे धीरे कम भी हो सकता है, इसकी भी यहाँ पे जरूर से ध्यान रखना हो पड़ेगा। रहा है क्योंकि बराबर। आपके लिए मैचेस फिनिशेस के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, पोजीशन के लिए टीम गॉडलाइक यहाँ पे नहीं जाने जा रही है इस इवेंट में, पोजीशन बहुत लिमिटेड निकाल रहे हैं, वो बस फिनिश के लिए जा रहे हैं, मल्टीपल फिनिश निकाल रहे हैं, जितने आपके ओवरऑल पॉइंट है उतने सिर्फ और सिर्फ इनके फिनिश है, तो उसको बरकरार रखना पड़ेगा। आप जाइए वही एग्रेशन दिखाइए, स्टार्टिंग में 10-9 फिनिशेस आप वो 5वें सर्कल में आप निकाल लेते हो और उसी के साथ आप आगे बढ़ते हो, चिकन नहीं भी निकलता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो डोमिनेशन है वो जो लीड है वो बरकरार रहती है ओवरऑल स्टैंडिंग में। तो यप उसी चीजों को यहाँ पे कंटिन्यू करते रहे टीम गॉडलाइक तो उनके लिए बेटर रहेगा। बाकी अगर बात करें औरंगाबाद की तरफ से, ये मैच बहुत बेटर साबित हुआ, 2 मैचेस के कंपेयर में अगर बात करें तो 2 चिकन 30 पॉइंट ऐड, उसके बाद फिनिशेज भी बात करें बेहतर निकाल रहे, तो इस 2 मैचेस के साथ लगभग वो 40-50 पॉइंट का एक अच्छी शुरुआत आज के डे में की है। बट दूसरी तरफ एक और बात करें, वाह केमेन ई स्पोर्ट्स थोड़ा सा थर्ड पार्टी हो गए सैंडविच सिचुएशन में अपने आप को पाए, वरना काफी अगर एक 4v4 का एक्शन रहता तो केमेन ई स्पोर्ट्स को वहां पे रोकना मुश्किल साबित हो सकता था। आप जब फ्रंट साइड फोकस किए आपको पीछे से ई स्पोर्ट्स एम्पायर दिक्कत में डाली ग्रेनेड के साथ, आप जब सामने की तरफ फोकस करने गए तो पीछे से वापस से इनसेन ने आपको मुश्किल में डाला। तो इस चीजों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा केमेन ई स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि कुछ भी हो मैचेस आपके हाथ से निकल रहे हैं, और अगर इस तरीके से निकलते रहेंगे तो थर्ड टीम को मौका मिल जाएगा सेकंड तक आने का। होप सो, क्या क्या पता इस मैच के बाद और भी क्लोज फर्स्ट या क्रॉस करने की भी यहाँ पे बात की जाए तो कोशिश कर बिल्कुल रहे होंगे यहाँ पे औरंगाबाद। बिल्कुल, अगर यही चलता रहा सिलसिला, नो डाउट वो जो लीड है वो कम हो जाएगी, इक्वल भी, और हो सकता है उनको सरपास भी कर दे। लेकिन हमें पता है यहाँ पर वो किस, वो जो एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं इस समय पे काम आते हैं यहाँ पर, और गॉड लाइक को पता है यहाँ पर यहाँ से अगर पीछे रह गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट मैं दर्शकों से गाइस ये बोलना चाहूंगा, सपोर्ट बनाए रखिए, हर टीम को सपोर्ट कीजिए, काफी राइजिंग स्टार टीम्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ई स्पोर्ट्स एम्पायर हो गए, यहाँ पर हम बात करते हैं और भी नई टीम्स जो अभी बोल सकते हैं ओरेंगुटैन नई न्यू रिफॉर्म टीम, यहाँ पर और भी काफी टीम्स है गाइस जिनको सपोर्ट की जरूरत है। आप ऐसी सपोर्ट बनाए ताकि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है उसमें एक मेजर पिलर आपका भी यहाँ पर रोल रहता है। और साथ साथ यहाँ पर वंस अगेन हम थैंक्स कहना चाहेंगे लोगों का भी, और साथ साथ यहाँ पर अपथ्रा ई स्पोर्ट्स का भी, ताकि वो ऐसे जो इवेंट्स ला रहे हैं, ये जो मैसिव 10 लाख का जो रणभूमि सीजन वरना, इसको जिस तरह से आपने यहाँ पर प्यार दिखाया है, जल्द ही बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं पहले तो हमारा दिवाली बैटल होगा, हो सकता है कि सीजन 2 भी हमें देखने को मिल जाए। तो सभी जानकारी गाइस आपको अपडेटेड मिल जाएगी इंस्टाग्राम ऑफ अप्थरा सी स्पोर्ट, तो जाइए फॉलो कर लीजिए। और साथ साथ गाइज अगर रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कास्टिंग आपको पसंद आ रही तो जरूर आप हमें भी सपोर्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर रावण गेमिंग, तो जरूर उनको उनका इंस्टा हैंडल आप देख सकते हैं, उनके
वीडियो फेस कैम के नीचे ही, और मेरा भी गाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, गेम्स ऑफ टेक वाईटी सर्च कीजिए। एंड जब पॉज आता है ना, जब मैच का जो ब्रेक टाइम रहता है, तो आप जाके जरूर सपोर्ट दिखा सकते हैं, फीडबैक हमें दे सकते हैं। एंड जैसे हम बोलते हैं गाइज, हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प कर सके काफी, क्योंकि हम देख रहे थे 10 से 15 हज़ार की यहाँ पर वॉचिंग आ रही थी यहाँ पर रावण, और काफी अच्छा लगा कि मतलब इतना ग्रोथ आ रहा है, इतना शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं तो चाहता हूँ वो शेयर इसलिए भी कीजिए, रॉयल पास भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जितने भी बीचमआई लवर्स तक है ना, वहां तक ये स्ट्रीम पहुंचे, उनको भी यहाँ पर ये इंटरटेनिंग इंटेंसिव भरा जो गेम है ना, वो विटनेस करने को मिले। तो वो चीज आप करा सकते हैं भाई, शेयरिंग द स्ट्रीम। और साथ साथ गाइज, एक और चीज मैं बोल रहा था कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो ई स्पोर्ट्स रिलेटेड, या फिर कुछ भी अगर आपके मन में सवाल चल रहे, तो आप हमसे भी जब पूछ सकते हैं, फीडबैक हमें दे सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पर करेंगे। बट अभी के लिए रावण, इंतजार था हाईलाइट्स का, सो हियर वी गो, चलते हैं यहाँ पर हाईलाइट्स ऑफ मीरामार एक्शन। एंड शुरुआत किस तरह से होती है यहाँ पर टीम्स की, तो यहाँ पर आप देखते हैं 10वें मिनट में फाइस हमें देखने मिलती है, क्लच गॉड, फिर से एक बोल सकते हैं वो शुरुआत अच्छी नहीं हो पाई। एंड हम देख रहे थे यहाँ पर, जैसे हम जोनाथन के पीओ में आते, तब तक जी गॉड और नियो भी वहां पर उसी वक्त नॉकआउट हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम तमिलास के खिलाड़ियों को बेनिफिट मिला उस हाइट एडवांटेज पे रहने का। बिल्कुल, रोटेशन जा रही थी और स्प्रे आ गया, हाइट से व्हीकल छोड़ना पड़ेगा ना, आप व्हीकल छोड़ोगे तो आप स्प्रे पे आ जाओगे, मतलब एक तरफ कुआ था दूसरी तरफ खाई, आप में एक में तो आपको जंप करना ही पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली उन्होंने बुलेट से नॉक होना फैसला किया और वही वहां पे देखने को मिला। बट इस बीच इंसेन की बात करें, प्रो थी वहां पे फ्रंट साइड में इजी गए, स्प्रे किए, नॉक किए, लेकिन काउंटर अटैक में अपने आपको मुश्किलें पाते हैं। सेम अगर बात करें तो इंसेन वर्सेस सेवन सीज की बैटल प्रारंभ होती है, न्यू रहते हैं आखिरी सर्वाइवर, ट्राई कमाल कराता है लेकिन ज्यादा तक सर्वाइव नहीं कर पाते। प्रिंस ने यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, इनसेन को इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं 1v1 के बैटल में। फिर ग्रेनेड के आदान प्रदान स्टार्ट होते हैं, डैमेज दोनों ही तरफ से आए, नॉक्स दोनों ही तरफ, यहाँ पे बात करेगा काफी अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश में थे, लेकिन स्टिल इस बीच HH के ईस्ट ब्लैक भी आ जाते हैं, जो कि मिड रेंज में ई स्पोर्ट्स एम्पायर की तरफ यहाँ पे काफी ऑन पॉइंट्स पे रखते हैं, डैमेज उधर भी काफी ज्यादा उन्हें किया जाता है। बट स्टिल ये जो रनिंग व्हीकल से यहाँ पे स्ट्राइकर को डाउन किया गया, फिर सूर्या को भी यहाँ पे बात की, वापस से देखते हैं स्ट्राइकर को डाउन किए, सूर्या को डाउन किए, कितने अच्छे फॉर्म में थे यहाँ पे ई स्पोर्ट्स एम्पायर इस मैच में। आई डोंट नो चिकन कैसे मिस हो गया, बट स्टिल #2 में आने में ये कामयाब हुए थे इस मैच में जाते जाते। बट वो आखिर में अगर बात करें, आईएनडी को भी यहाँ पे पनिश करते हैं और मैच से बाहर करते हैं। बिल्कुल, रावण देखिए नंबर्स नहीं था उनके पास, आखिर हम देख रहे थे, अगर दो खिलाड़ी भी होते तो कोशिश करते यही जरूर कि जो सामने 4v3 सिचुएशन चल रही है ना अपोनेंट टीम्स की, वहां पर फायदा उठा सकते हैं। बट जब फ्रैगर अकेले बच जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो उनके आईजीएल भी है वो यही कॉल आउट दे रहे होंगे, या फिर अगर वो यहाँ पर बोल सकते हैं खुद के माइंडसेट्स पे, अगर जैसे कभी कभी होता है ना प्लेयर्स अपने ओन माइंडसेट खेलते हैं, तो उनका दिमाग में यही चल रहा था कि वेट करते हैं एंड पेशेंस रहने का उनको फायदा मिलता हुआ। #2 आए, और साथ साथ वो जो चिकन डिनर बेशक मिस जरूर हुआ, लेकिन 12 फिनिश के साथ आप रहते हैं तो एक अच्छा डिसीजन था उनका। लेट जरूर आए, लेकिन टाइमिंग के ऊपर रहता है हर चीज, वो मिली मिली सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर वो आते शायद दोनों को ही टेकडाउन भी कर सकते थे। एंड ये देखिए टीम एक्सो को भी अभी हमें एलिमिनेशन कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख रहा है, 8-bit सडनली अटैक वहां पर आते हैं एंड जोनाथन के ऊपर। देखिए उनको पता चल चुका था कि जोनाथन इस मिराडो ओपन एंड मिराडो के जस्ट बिहाइंड बैट रखे हैं, तो एकदम से सडनली सुनामी अपनी व्हीकल लेके वो ऊपर चढ़ जाते हैं, हल्की से रेज का एडवांटेज और डिस्ट्रैक्शन जो आता है, नॉकआउट मिला था नो डाउट, लेकिन उसके बाद रिकवरी करते हैं, देन वहां पर स्लैमिन डालते हैं, तब तक काफी देर होते हैं, जोनाथन कोशिश जरूर करते हैं लेकिन फायदा वहां पर नहीं मिल पाता। और जैसे हम बात करते हैं टॉप 6 तक पहुंचाया, ये एक अच्छी बात रही यहाँ पर एटलीस्ट, क्योंकि अगर एक और अर्ली एलिमिनेशन हो जाता तो वो जो अंक मिलने वाले थे उनको प्लेसमेंट पॉइंट के, वो नहीं मिलते फिर अगर। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए उसी के बाद अगर लिए कुछ आखिर के चल मोमेंट की बात की जाए, तो 8-bit की तरफ से भी ये मैच काफी अच्छा उनके हित पे रहा, 10 फिनिशर्स निकाले गए, बट लास्ट का वो मोमेंट इनके हाथ में जो लग रहा था कि कंट्रोल में है, एश को टेक डाउन किया गया, स्प्रे काफी कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन इसके बाद वो सब बदलती ही चली गई। कुछ ही समय बाद की बात की जाए तो जैसे आगे जाते हैं प्रोड कर लेते हैं अपने आपको, ट्रिगर को भी यहाँ पे नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं सुनामी, लेकिन जस्ट इसी फिनिश ऑफ के बाद 11 फिनिश निकालते के साथ मानो नजर से लग गया, 8-bit एक एक करके अपने प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट होते हुए देखने को पाते चले गए, और संभलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ और मैच से बाहर हो गया। आखिरी ये बैटल 1v3 1v2 बोल सकते हैं, क्योंकि एचपी कुछ खास थी नहीं, एश भी यहाँ पे नॉकआउट थे, तो ये 1v2 का बैटल था। बट AK 100 HP आर्मर बात की जाए तो लेवल 3 हेलमेट वेस्ट के साथ थे, तो वो उस 1v1 को मानो एक तरफा ही कर दिए, पहली स्प्रे में मैच से बाहर कर देते ईस्पोर्ट्स एम्पायर को। बट सर वेल प्लेड, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने भी अपने साइड से वो योगदान दिया। टॉप 2 देखिए कंटेनर में बहुत पहले से जाके अपने आप को प्रोन डाउन कर लिए थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि हमारे सारे प्लेयर्स मैच से बाहर हो चुके,
कर रहा है, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी एग्रेसिव हुए ओपन गए तो वो जो पोजीशन पॉइंट, आप जो 12 पोजीशन पॉइंट इससे निकाल के गए हो, वो शायद अभी आपको देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक और चीज है, टीम ओरंगुटैन 3 ही फिनिश थे उनके पास जब टॉप 3 में आ चुके थे। उनका एक वही मेजर टास्क था कि दोनों ही जो बचे हुए टीम्स हैं उनको एलिमिनेट यहाँ पर करें, और जी हाँ, 5 जो भी खिलाड़ी बच रखे थे उनको वहां पर एलिमिनेट करते हैं, और 8 फिनिश के साथ वो चिकन डिनर यहाँ पर लेकर आते हैं इस वाले गेम में। और अगर बात करते हैं यहाँ पर अभी के लिए जो 2 टीम्स मुझे अभी मैं अगर नाम लेना चाहूंगा जो आज के दिन में कंसिस्टेंट नजर आई है, वो एक होगी ई स्पोर्ट्स एम्पायर एंड नो डाउट टीम ओरंगुटैन। एंड मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पहले तो गाइज मैच स्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद ओवरऑल स्टैंडिंग का मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा कि कितना ज्यादा वो अब बोल सकते हैं डिफरेंस यहाँ पर लेके जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि बेनिफिट यहाँ पर 7 फिनिश है मेरे ख्याल से, मुझे लगा था 8 पर्ची नहीं, 7 फिनिश के साथ यहाँ पर उनको अभी दूसरा पायदान मिल रहा है, और वो इसलिए क्योंकि बेनिफिट में थे ईस्पोर्ट्स एम्पायर, खाली 2 ही अंक का वो फासला है, #2 जरूर रही थी लेकिन वो फिनिश पॉइंट की वजह से शायद ऊपर नजर आ रही है आपको। बिल्कुल, यहाँ उसके बाद अगर बात की तो इसी तरीके से ये पॉइंट्स टेबल काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए पॉइंट्स तो काफी अच्छे तरीके से निकाला गया, बट स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो एग्रेसिव थे उसके कारण 12 फिनिश, ये कम नहीं होता एक मैच के साथ, और वो यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया। आगे वाली टीम्स की बात की जाए, 8 बेट भी यहाँ पे एक अच्छी वापसी करे, 11 फिनिश उनके पास भी है, लेकिन और बेहतर यहाँ से उन्हें करना होगा। चिकन वो जरूर से इस मैच में मिस कर बैठे। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की बात करें तो केवल 13 पॉइंट रहेगा इस मैच में। TSM 8 पॉइंट के साथ 5वें पोजिशन, टीम गॉडलाइक के लिए पोजिशनिंग रही, फिनिशेस केवल 1 रहे, 5 पोजिशन है अब टोटल यहाँ पे बात करें, 5 पॉइंट के साथ 6वें पोजिशन में अपने आपको पाएंगे। 7 सीज ई-स्पोर्ट्स 4 पॉइंट, सेम एज मार्कोस के भी 4 पॉइंट, और टीम तबिलास के पास भी 4 पॉइंट में अपने आप को रखेगा। पोजिशनिंग के कारण 7, 8, 9 में फिलहाल यहाँ पर डिवाइड किया गया इन्हें। बिल्कुल 4 ही अंक वहां पर मिलते हैं। इसके नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्काईलाइट्स गेमिंग बैक टू बैक वो अभी के लिए परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा पा रहा है। रीग स्क्वाड की बात करते हैं, ये भी वही चीज फंबल करती नजर आ रही है। टीम एक्सो भी वही चीज सिमिलर फेस करती नजर आ रही है। मतलब इन टीम्स का अभी के लिए जो आज का दिन है उसका पहले मतलब 50% जो हमारे मैचेस हो चुके हैं शुरुआत अच्छी नहीं। FNLS की बात करें, 2 अंक के साथ आपको 14th पोजिशन में आपको नजर आएंगे। टीम इनसेन, एक बढ़िया शुरुआत मिली थी यहाँ पर नो डाउट, लेकिन अंजाम नहीं। सेकंड गेम में भी यहाँ पर अच्छा नहीं, सेकंड गेम में अच्छा नहीं कर पाए, फर्स्ट गेम में अच्छा था। कैमिन की बात करें, इनके पास भी एक अच्छी पोजीशन जरूर थी लेकिन इस गेम में एक अर्ली एलिमिनेशन हमें देखने मिलता है। राइवलरी एंड ऑरेंज रॉक को भी यहाँ पर कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। ओवरऑल की तरफ लेट्स सी गाइस, जैसे यहाँ पर ओवरऑल आएंगे थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हमें नजर आ जाएगी। जो एक बोल सकते हैं ना दिन का जो एक 66 अंक का जो डिफरेंस था वो कितना अब हमें देखने को मिलेगा। और फाइनली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कैमिन अगर यहाँ पर अच्छे खासे बोल सकते हैं इस वाले गेम में अगर कैमिन अच्छे खासे अंक लेके जाती, नो डाउट यहाँ पर जो डिफरेंस है अभी के लिए जो 66 था वो कंप्लीट 40 भी और 50 भी आ सकता है। बट जी नहीं, और एंगटेन ऊपर उठ के आती है यहाँ पर, 199 अंक हो चुके हैं, 200 के काफी करीब है, और 200 पहुंचने के लिए ना ईस्पोर्ट्स एम्पायर भी काफी करीब। और उछाल देखिए यहाँ पर, एक गेम पीछे अगर हम बात करते हैं स्कोर कार्ड की, इस पॉइंट टेबल की, ईस्पोर्ट्स एम्पायर 9वें पायदान में चल रहा था यहाँ पर रावण, और आप बोल रहे थे कि बहुत नीचे जा रही धीरे धीरे, लेकिन एक मैच अच्छा जाता है और Top 5 #4 में आ चुके, 190 अंक के साथ वो आ चुके यहाँ पर अब। बिल्कुल, एक मैच देखिए, ऐसा मैच तो आपको बार बार बनाने पड़ेंगे, और आपको इस तरीके के मैचेस अगर आपके पास रहे तो आपको रोकना मुश्किल हो सकता है। ओवरऑल स्टैंडिंग में अगर बात करें तो पॉइंट टेबल पे, बट देखने वाली बात रहेगी कि और कितने अच्छे मैचेस ये अपने साइड से निकालते हैं, क्योंकि आज का एक अच्छा मैच तो इनके लिए साबित हुआ है जो कि ये था। चिकन जरूर से मिस किया गया बट फिनिशेस कमाल के थे, और इस तरीके के कुछ और मैचेस शायद वो लीड और यहाँ पे अपने आप को ऊपर लेके जाए। बट उसके अगर आगे बात करें तो TSM 176 पॉइंट करके 5वें पोजिशन, मार्कोस गेमिंग भी केवल 1 पॉइंट यहाँ पे पीछे रहेंगे, 175, स्काइलेट के पास भी यहाँ पे 135 पॉइंट के साथ अपने आप को 6ठे और 7ठे पोजीशन पे रखे। लेकिन देखिए अगर गेम जो इस पूरे पॉइंट टेबल पे अगर हम नजर डालें तो वो 5वें से 9वें के बीच में बहुत भारी कंपटीशन होने वाली है। एक अच्छा बिल्कुल मैच, एक चिकन सीधा आपको इन सबसे पीछे छोड़ के आपको ऊपर लेके जाएगा, जो कि अभी ई स्पोर्ट्स एम्पायर के साथ हम देख चुके हैं। 4 अंक का ही फासला है। अगर आप #5 से अगर आप #9 तक, मैं एक बार जरूर हम #9 to 10 to 18 की तरफ भी हम जरूर बढ़ेंगे, वहां पर मैं वो डिफरेंस जरूर देखना चाहूंगा यहाँ पर। बट अभी के लिए तो जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं मात्र 4 अंक का। चलते हैं यहाँ पर सेकंड चार्ट की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पर कि किस टीम को के पास एक चांसेस बन सकते हैं यहाँ पर ऊपर उठने के। सो हियर वी गो गाइस, #10 to #18, एंड जी हाँ, यहाँ पर मैं ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के लिए बोलूंगा उनके पास ही मौका है, और मौका रहेगा टिल
टीम आईएनडी तक। लेकिन टीम आईएनडी ने देखिए कहीं ना कहीं कुछ जो मिस्टेक जो अभी 2 दिन तक जो चल रही है, जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप 5th में थे, एक दिन की अगर हम बात करूँ, एक दिन पहले T3 के एंड तक आप टॉप 5 में थे, लेकिन अब आप 11th पोजीशन में आ चुके हैं। और जो टीम्स 11th 12th 15th पोजीशन में भी थी वो ऊपर उठते नजर आई है, और यही उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं नो डाउट आप टॉप पे रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप लगातार आप बैक टू बैक अगर आप मैचेस अगर अच्छा नहीं खेल पाएंगे तो फिर नीचे जाने के लिए भी तैयारी कीजिए। लेकिन टीम आईएनडी हमें पता है वो क्षमता है ऊपर आने की, लेकिन समय कम है उनके पास। अगर अभी बचे हुए 2 गेम में और कल का अगर जो भी मुकाबला रहेगा उसमें अपना बेस्ट दिखाएंगे, नो डाउट यहाँ पर ऊपर आ सकते हैं। एक्सो की बात करते हैं, अभी भी डोंट नो क्या हुआ इस टीम को, एक बेहतरीन टीम है। एलीट स्क्वाड की बात करते हैं, 7C की बात करते हैं, टीम तमिलास की बात करते हैं, बेहतरीन टीम्स है, लेकिन डोंट नो वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ पा रहा है। एक एक बोल सकते हैं चिंगारी यहाँ पर जगानी है, एक मैच अगर अच्छा चले गया नो डाउट ये टीम्स कैपेबल है कि लगातार उसको कंटिन्यूस कर सके, जिस तरह से टीम ऑरेंगुटान ने करके दिखाया बैक टू बैक 2 चिकन डिनर इस महायुद्ध, इस बोल सकते हैं इस रणभूमि के, इस महायुद्ध में बोल सकते हैं सीजन 1 के निकाल के जा चुके इस डे 5 में। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पे बात की जाए तो इसी के साथ ये ओवरऑल स्टार्टिंग समाप्त होता हुआ 5वां डे है, 2 मैचेस यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। एंड अब बाकी के मैचेस के लिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले, क्योंकि अब लूप में मैप रहेंगे, इरांगल मिरामार वापस आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे पहले आपको इरांगल पे यहाँ पे बात करें बिल्कुल तो ध्यान देने की आवश्यकता होने वाली है। तो कुछ बेहतर तो करना पड़ेगा। सदन सर्कल जरूर से टीम्स के लिए मुश्किलें बढ़ाती है, लेकिन उस मुश्किलों के लिए जरूर से कुछ उपाय तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सदन पार्ट में हम देखते हैं कि 4 में से 1 गेम तो सदर पार्ट की तरफ हमेशा अपने आप को लेके चले ही अब नहीं जाता है। चाहते। तो अब राउंड मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये बोलूंगा अब नहीं चाहूंगा मैं। अब आपने काफी परीक्षा ले ली, आपने 2 मैच में काफी अग्नि परीक्षा ले ली यहाँ पर सर्कल ने। अब थोड़ा सा अब साथ दिया जाए, अब थोड़ा सर्कल जो है बिल्कुल बीचों बीच बने तो थोड़ा सही भी रहेगा। एटलीस्ट प्लेयर्स का जो एक प्रॉब्लम रहता है ना, एक जो इश्यू क्रिएट हो जाता है इस सर्कल की वजह से, वो उतना फिर ध्यान नहीं दे पाते। एटलीस्ट अब थोड़ा सा गन पावर में चीज में फोकस चला जाएगा, अगर ज्यादा रोटेशन पे ध्यान नहीं जाएगा तो। चलिए देखते हैं, वो तो सर्कल के साथ पता चलेगा कि वो वापस से सदन में जाता है यार, इस बार सेंटराइज सर्कल देखने को मिले। बट जो भी हो कंपटीशन कमाल के चल रहे हैं, और इसी की कंपटीशन की हम बात ही कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक टास्क रहेगा गाइस, आप लोग जरूर से सपोर्ट की तरह इसे लेना। अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे जो नजर है वो यहाँ पे गेम्स, अगर हम लोग वापस से कैमरा की तरफ नजर डालें तो आप जरूर से एक बार सामने की यस तरफ देखिए कि ओवरऑल जो बिल्कुल, फाइट है वो कमाल की मैं यहाँ राहुल पे ना चल चेक रही है कर रहा था, राउंड में चेक कर रहा था क्या। कि हमारे यहाँ पर जो आज का टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। गाइस ओके 66.5K फॉलोअर्स हो चुके हैं, 70,000 का मैं बोलना चाहूंगा इसकी हमारा आज का फॉलोइंग फॉलोअर्स गोल है। और आप लोग ये चीज करा सकते हैं, मैं देख रहा था 11 से 12 हजार यहाँ पर लाइव वॉचिंग चल रही थी, लेकिन कुछ कुछ होते हैं गाइस मैच इंटेंसिटी की जी वजह से ना देखते ही नहीं कि उन्होंने फॉलो कर रखे रखा है कि नहीं। तो गाइस फॉलो हाँ करके जी रखिए, ऐसे सपोर्ट अगर आप करेंगे ना यहाँ पर इन रिटर्न, अभी के लिए जितने आपको यहाँ पर रोल पास देखने को मिल रहा है, आगे चल के और भी ज्यादा इसका इंक्रीमेंट मतलब डबल ट्रिपल भी आपको देखने मिलेगा, जस्ट आपको सपोर्ट दिखाना है अपने सैन लोगों को। देखिए, सपोर्ट की बात की जाए गेम्स जो जनता सब जानती है, जनता एक लाइन से यहाँ पे बात करे तो स्लोली स्लोली फास्ट, कोई आ रहे बहुत जल्दी से कर रहे, कोई एक दो दिन देख रहे उसके बाद कर रहे, तो इन द एंड अगर यस बात करें सपोर्ट यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट दिखाते यस जाओ गाइस, क्योंकि 70,000 का गोल सेट है। देखिए 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और वो एक सब सारे यस ऑर्गेनाइजेशन सारे का एक माइलस्टोन होता है, तो आप लोग उस आप लोग को ही हेल्प करते हो उसमें, कोई दूसरे नहीं आते, आप ही लोग के कारण हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया एक बार जरूर से आप लोग फॉलो कर दो, फटाफट से ट्राई करते हैं कि आज इस 2 मैचेस के साथ ही हम लोग 70 के आसपास यहाँ क्रॉस भी करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, और अगर वो होता है गैस तो जरूर से यहाँ पे अपतरस की तरफ से और भी सरप्राइजेस आपका यहाँ पे इंतजार करें, क्योंकि जो अपतरस के ऑर्डर है वो सरप्राइजों से भरे हुए हैं। वह सपोर्ट को देखते हैं, सपोर्ट के यस साथ इतने सरप्राइज ला के आते हैं कि आप लोग फिलहाल यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कितने सरप्राइज उनकी तरफ से आपके लिए रहते हैं। बिल्कुल इंतजार है। पहले तो यहाँ पर 30 लाख का जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी गाइस अपथ्रस के द्वारा ओहो हो चुका है दिवाली बैटल का, मैं तो उसके जी नेक्स्ट पोस्ट का इंतजार कर रहा हूँ गाइस। इसीलिए बोलता हूँ कि आप फॉलो करके रखें यहाँ पर इंस्टाग्राम में भी, एटलीस्ट आपको ही पता चल सके कि अपकमिंग इवेंट्स क्या आ रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होना है। तो बस इंतजार चल रहा है हमारे नेक्स्ट पोस्ट का, इवेंट जैसे ही खत्म होगा शायद उसका भी अनाउंसमेंट जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा कि किस तरह से प्रोसेस है, रोड मैप कैसे रहने वाला है। जनता से बोलना चाहूंगा जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर गाइस, मैप स्टार्ट होने में थोड़ा सा यहाँ पर देरी जरूर है, लेकिन हाँ तब तक डिस्कस जरूर करेंगे क्या हो सकता है इस मैप में, क्योंकि अभी के लिए अगर बात की जाए फिर से रैंगल वो डिफॉल्ट मैप में हम वापस आ चुके हैं। एंड एज वी सेड एज पर द शेड्यूल गाइस 4 मुकाबले आज आपको देखने को मिलेंगे, रैंगल मिरमार रैंगल, और जिसमें से अगर आप देखा जाए दबदबा
पूरा कंप्लीटली अभी तक ओरैंगुटैन की तरफ से बना हुआ है. एंड लेट्स सी कि बचे हुए जो दो गेम है उसका उसमें ऑन टॉप बोल सकते हैं कि डोमिनेशन किस टीम का यहाँ पर रहेगा. अभी तक का जो दो टीम्स मुझे देखने को मिली है वो यहाँ पर ईस्पोर्ट्स एम्पायर एंड साथ साथ यहाँ पर टीम ओरैंगुटैन ही देखने को मिली है. बाकी टीम्स का अगर देखा जाए जो डे फोर तक अच्छा चल रहे थे वो आज काफी ज्यादा फंबल होते नजर आए यहाँ पर रावन एंड डोंट नो द रीजन काफी ज्यादा मात्रा में. और ऐसी टीम्स बोल सकते हैं उनके फैंस भी यहाँ पर बिल्कुल सरप्राइज है कि आज क्या हुआ यहाँ पर टीम को. लेकिन मैं उन फैंस को ये बोलूंगा इसकी अगर आप अच्छे वक्त पे भी उनका साथ दे रहे हैं तो बुरे वक्त पे भी उनका साथ दीजिए. अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं अगर नहीं आ पा रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट दीजिए, हार्ट स्पैम कीजिए अपने टीम के नेम के साथ, सो दैट की उनकी आपकी टीम को भी एक अलग से ना एक एनर्जी है. बोलते हैं ना कि हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि टेक माई एनर्जी, तो बिल्कुल आप वो उसका फायदा जरूर मिलेगा. और साथ साथ बाकी टीम्स को भी आप चेयर करते रहिए, चेयर करेंगे तो उनको भी जरूर सपोर्ट मिलेगा. जी हाँ, उनको भी सपोर्ट दिया है कम्युनिटी के द्वारा. तो यही चीज है, हमारी कम्युनिटी इसी तरह से फिर एक दूसरे का हेल्प करेगी ना, कम्युनिटी ग्रो होती नजर आएगी यहाँ पर. बिल्कुल सही, यहाँ पे ग्रोथ तो उसी के साथ होता है, जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे उतना आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कास्टर्स हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब आपके सपोर्ट के ऊपर कि आप कितने अच्छे तरीके से उन्हें सपोर्ट कर रहे हो. फिलहाल अगर बात करें तो वापस से हम लोग इनांगल की दुनिया में वापस आने वाला डिफॉल्ट मैप रहेगा, तो आइलैंड के बीच में यह बटा हुआ 8x8 का साइज रोटेशन पार्ट जरूर से उस मिलिट्री की तरफ जाना जब सदन पार्ट होता तो मुश्किल होता, बट एक हो चुका है जिस तरीके से आपने बताया गेम जो वो एक मैप हम लोग क्रॉस कर चुके हैं उस पार्ट से. लेकिन अब क्या वापस से इस वक्त तो चलिए वो तो चांसेस बहुत कम है, आपने मना ही कर दिया तो शायद वो मैप भी ना सुने इस बार मेरी. लेकिन अगर उसके बाद भी होती तो देखिए वो अब मैप की गलती होने वाली, सर्कल की गलती है, क्योंकि मेरा मार में भी जब हम लोग गए तो वो वेस्टर्न सर्कल देखने को मिला जहाँ पे 10-20% विजिबल नहीं था पार्ट. तो अब अगर वापस से वो सदर पार्ट आता तो आज के डे पे आप मान लीजिए कि सर्कल थोड़ी अगली परीक्षा इन टीम्स का कुछ लेना चाहते हैं, एंड कभी कभी ये हो तो काफी अच्छा लगता है गेम के पार्ट में. मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड आज कुछ ज्यादा ही मतलब तेज है वहां पर, सदर्न साइड को पे तरफ ही खींचता नजर आ रहा है. लेकिन एक अच्छा था, देखिए इरेंगल में बेशक वो सदर्न साइड की तरफ जरूर गया था लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंग वो हमें जोन देखने को मिलता है. मैं काफी देर से मुझे लग रहा था कंफ्यूजन की चांसेस बन सकते हैं कि वो ब्रिज की तरफ वो जोन बने, और जी हाँ ब्रिज की तरफ ही बनता है लास्ट में, बेशक वो सेंट्रल आइलैंड की तरफ चला जाता है. लेकिन जो टीम्स ब्रिज को काफी देर से होल्ड कर रही थी, क्योंकि ब्रिज में जो भी टीम्स रहती है ना वो वेट करती है कि हम क्रॉस करें या फिर बोल सकते हैं सेंट्रल आइलैंड की तरफ रहे या फिर सेंट्रल आइलैंड की बजाय सीधा क्रॉस करें ब्रिज को सदर्न आइलैंड की तरफ चले गए. और काफी टीम्स हमें शायद स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गई थी कि जो सदर्न आइलैंड मतलब मिलिट्री बेस वाली साइड की तरफ जाते नजर आए थे, बट जब श्रिंकिन उनकी तरफ नहीं आता तो वो बोलते मेहनत में मतलब एक तरह से पानी फेर दिया यहाँ पर जोन ने, और काफी टीम स्ट्रगल करती है यहाँ पर नजर आती है. बट लेट्स सी वो स्ट्रगल यहाँ पर रहेगा कि नहीं, क्योंकि मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कभी कभी होता है ना बोल सकते हैं लक भी आपके साथ यहाँ पर देगा, तो मेहनत कीजिए. और जिस तरह से ओरैंगुटैन ईस्पोर्ट्स एम्पायर और जितनी भी टीम्स यहाँ पर खेल रही है उन्होंने मेहनत करी तो आज बोल सकते हैं ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन अगर फंबल करेंगे, अगर बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो नीचे जाने के लिए भी रेडी रहिए. यही एक पॉइंट टेबल में गाइस आपको देखने को मिल भी रहा है. गॉड लाइक की अगर बात करें नॉट एट दैट लेवल जो अभी तक का हमें डे 3 डे 4 का जो परफॉर्मेंस रहा था, डे 4 की मैं बोलना चाहूंगा इसकी सेकंड फेज जो बचे हुए लास्ट गेम थे उसमें अपना बेस्ट दिखाया उन्होंने, तो वो परफॉर्मेंस अभी नहीं आई है. लेकिन अगर वो सिचुएशन में फंस जाते हैं कभी, क्योंकि हमने ये चीज बोला था गाइस देखिए कभी कभी ऐसा दिन आएगा, कभी कभी ऐसा फेस आएगा टीम्स थोड़ा सा दिक्कत में यहाँ पर सामने करेगी, लेकिन जो प्रीवियस गेम की जो मेहनत है ना यहाँ पर टीम गॉड लाइक की हम बात करें वो कहीं ना कहीं उनको फायदा प्रोवाइड कर रही है. कैमिन ईस्पोर्ट्स की बात करें उनके भी जो मेहनत उन्होंने जो प्रीवियस डेज में जो उन्होंने अच्छे खासे फिनिश पॉइंट्स अच्छे खासे प्लेसमेंट पॉइंट जो लेकर आ रखे हैं इसी वजह से ज्यादा नीचे नहीं जा रहे. वरना जो टीम्स आपको लगातार टीम आईएनडी का मैं जिक्र करना चाहूंगा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर टॉप 5 से 11 पोजिशन तक आ जाएगी, क्योंकि लगातार अगर आप एक दो पॉइंट या फिर 5 पॉइंट इस तरह से लेके जाएंगे तो फायदा नहीं है यहाँ पर. बाकी टीम्स आपको इस चीज का फायदा उठा रही है और वो उनसे ऊपर नीचे निकल चुकी है. टीम इनसेन बिल्कुल थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट चल रहे थे लेकिन अब टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं यहाँ पर. देखिए वही तो बात रहती है जैसा हमेशा दोहराते हैं कि अगर आप बेहतर नहीं करोगे तो आपसे कोई बेहतर करेगा और वो आपको पीछे करके यहाँ पे आगे अपने आप को पीछे कर लेके देंगे. जाएंगे. यस बिल्कुल यहाँ पे और तो गेमिंग अभी ये करते हुए दिखा भी रहे, सिचुएशन को संभाल रहे. लीड जो कैमेन स्पोर्ट्स के पास भी थी, देखिए कैमेन स्पोर्ट्स दूसरे पोजिशन पे जरूर है लेकिन उनके पास भी लीड थी. ये मैच उनका उतना अच्छा साबित नहीं हुआ, सैंडविच होने के कारण मैच से बाहर हुए, जो भी रीजन रहा बट आप मैच से बाहर हुए ये मेन मुद्दा रहेगा. उसके कारण मुद्दा वो जो यस लीड थी वो केवल अब यहाँ पे आई थिंक 10 पॉइंट या 9 पॉइंट की यहाँ पे लीड उनके पास बची. औरंगाबाद के लिए एक अच्छा गेम, एक और एक चिकन,
वो सीधा अपने आप को सेकंड स्पॉट पे लेके आ जाएंगे, एंड ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात यहाँ से नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए दो मैचेस आपके हित पे रहे, आपको उससे एक अच्छा कॉन्फिडेंट मिल चुका होगा, वो मोमेंटम आपके पास आ चुका होगा। अगर चिकन नहीं भी निकलता है तो ये अपने आपको एक बेहतर पोजिशनिंग प्लस फिनिशर्स के साथ इस मैच में एंड जरूर से अपने आपको करना चाहेंगे, एंड अगर इसमें कामयाब होते हैं आज के डे पे ये ओवरऑल स्टैंडिंग में हमसे टू में पाएंगे। लेकिन कैमेन स्पोर्ट्स इतनी आसानी से उन्हें जाने तो नहीं देना चाहेंगे। कैमेन स्पोर्ट्स के पास बात करें तो सर्विस हुए थोड़ा सा थर्ड पार्टी हुआ, जिसके कारण टफ हो जाता है किसी भी टीम्स के लिए। 4v4 के एक्शन में आप 4v8 फाइट कर रहे हो तो किसी के लिए भी वो बैटल आसान नहीं होता, सारी टीम्स के लिए मुश्किलें वहां पे बढ़ जाती है। तो बस केवीन स्पोर्ट्स को ध्यान रखना है कि जब वो फ्रंट साइड फाइट जा रहे हैं तो इस तरीके से उस फाइट को जल्दी से जल्दी या फिर कुछ ऐसा ट्रिक तो लगाया जाए जो कि आपके लिए थर्ड पार्टी उस पॉइंट पे ना आए, या तो फाइट डिसंगेज कर दीजिए या फिर वो लास्ट में जाके आप बैटल करिए, या कुछ तो ऐसा प्लानिंग यहाँ पे आपके लिए लाना पड़ेगा जो कि आपके लिए वहां पे अर्ली एग्जिट ना होने का कारण बने। यहाँ पर बोलना चाहूंगा इसकी इंतजार की घड़ियां होती है खत्म, सीधा चलते हैं हम इस मैच नंबर 3 के फ्लाइट पाथ में, एंड देखते हैं हमारा फ्लाइट पाथ किस डायरेक्शन से यहाँ पर गुजरता है। वन नोवो रिपनॉय, पिछली बार भी अगर देखा है तो कहीं ना कहीं आपका मिलिट्री बेस के आइलैंड से ही पास से वो फ्लाइट पाथ हमारा गुजरा था, एंड अभी के लिए नोवो रिपनॉय। यहाँ पर अगर बात कीजिए आजकल मुझे टीम 8-bit जंप करते हैं यहाँ पर नजर आ रही है, बट क्या कोई टीम का चैलेंज हमें देखने को मिलेगा? कोई साथ साथ ई-स्पोर्ट्स एम्पायर नो डाउट आपको यहाँ पर उतरते नजर आएंगी, टीम गॉड लाइक नो डाउट अपने प्राइमरी लोकेशन की तरफ ही प्राइमरी ड्रॉप की तरफ ही जाते हुए नजर आएंगे या स्नैप ऑनलाइन की तरफ। एंड बात कीजिए यहाँ पर हमारे TSM की हम बात करते हैं तो मौका है उनके पास हॉस्पिटल की तरफ भी बढ़ सकते हैं, बट अगर दूसरे ड्रॉप की अगर हम बात करें तो स्कूल के आसपास भी हमें काफी बार वो देखने को मिले हैं। बिल्कुल, अभी RNT बात की जाए तो इस मैच में नहीं है तो 8-bit के लिए नोवर अपने नाम कर चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से स्पॉट पे जाके अपना शुरुआत लेते हुए पसंद करते हैं। INT के लिए भी यहाँ पे कुछ चैलेंज फिलहाल इस मैच में नहीं रहेगा, स्टार्ट काफी बेहतर यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेंगे। HS की भी यहाँ पे बात की है, फाइनली जंप आ जाएगी, सिटीज डीप अपने आप को लेके जाएंगे, काफी अच्छी शुरुआत उनके लिए भी इस मैच में रहेंगे। टीम गॉडलाइक की बात करें तो यप यास्ना पुलियाना उनके लिए भी सेफ रहेगा। देखिए स्टार्ट में वो क्लैश तो नहीं है ज्यादा, काफी अच्छे तरीके से टीम्स अपने फर्स्ट पार्टी अपने फर्स्ट ड्रॉप की तरफ पे ध्यान दे रहे हैं, अर्ली कंटेस्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, ये बहुत बेहतर है। लेकिन सर्कल इस बार भी कोई बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं, मैं बोलूंगा क्योंकि आप देखिए जो ऑलमोस्ट 30% से भी ज्यादा का एरिया वो वाटर बॉडी है, लिमिटेड स्पेस आप करेंगे और रोटेशन चलिए उतनी जिनकी भी कवर हो रहा है, तो FNLS भी यहाँ पे जल्द से जल्द आगे जो एक अर्ली रोटेशन की बात आती है वो नहीं करते हुए देखने को मिलेगा। डाउन साइड यहाँ पे 8-bit भी चाहेंगे तो थोड़ा टाइम अपने आप को होल्ड करके रख सकते हैं नोवर अपना में फर्स्ट सर्कल तक, लेकिन उसके बाद का सर्कल उनके अगेंस्ट रहेगा उस टाइम वो रोटेशन जरूर से करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरुआती दौड़ के जो झटके एंड जो रोटेशन क्लैश है वो शायद इस मैच में थोड़ी सी कम देखने को मिले। सूर्या अभी भी आपको नजर आ, देखिए रॉसॉक की तरफ मोस्टली है वो यहाँ पर उतरते नजर आ रहे, लेकिन स्कूल की तरफ अगर आप देखें चैलेंज यहाँ पर स्काइलर्स की तरफ से रह सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें साम्राज्य मैक्लेरन, ये कुछ एक स्पोर्टी एडिशन मुझे यहाँ पर नजर आता था, पहले मुझे लगता था कि यहाँ से आप व्हीकल पिक कर सकते हैं, बट जी नहीं, वो एक शोरूम पार्ट है, वहीं पर ही वो गाड़ी स्टिक रहेगी। लेकिन उस दिन हम बात करते हैं मिस्टर की क्लीन की अगर हम बात करते हैं फाइट अंजाम स्टार्टिंग में लेते हैं, और अभी तो 2 या 3 मिनट ही हुए शुरुआत हुए। बिल्कुल, स्टार्टिंग में बात करें काफी स्लो स्टार्ट ले रही है, बेटर रहेगा। जैसे मैंने बोला कि इस मैच में वार्डली फाइटें शायद लिमिटेड रहे, लेकिन जब फाइट एक बार स्टार्ट हुए तो शायद यहाँ पे मल्टीपल फाइट्स भी हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना ही होने वाली है। मार्कुस की बात करें तो बहुत टाइम से, काफी अरसे से अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप को इसी पॉइंट पे लाना पसंद करते हैं और शुरुआत बहुत बेहतर करते हैं, हर बार एक बेहतर शुरुआत की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं, लेकिन वो अंजाम तक जाते जाते बहुत मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है। टीम गॉडलाइक मानो एक अलग लेवल का यहाँ पे लूट होती है, चारों प्लेयर चार कोने पे, मानो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के बीच में जो डिस्टेंस गैप है वो 100+ से भी ज्यादा है कि आपके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, बेहतर लूट में अपने आपको पाओ और इन जब आप यहाँ से रोटेशन के लिए जाओ आपको ना तो स्कोप की यहाँ पे टेंशन हो ना तो आपके लिए एमोस का कोई प्रॉब्लम हो, सारी चीजें आपके लिए परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लूट में आ जाए, जो कि यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे टीम गॉडलाइक। मैचेस आज की डे में टीम गॉडलाइक के हित में रहे नहीं है, दोनों ही मैचेस अर्ली नुकसान यहाँ पे बात करें हुई है, स्टार्टिंग में क्लच गॉड को गवा रहे, फिर एक एक करके बाकी प्लेयर को गवा दे रहे। चौथा यहाँ पे बात करें लास्ट मैच पोजिशनिंग के लिए खेले, एक पोजिशनिंग की बात की ठीक ठाक सा पोजिशनिंग उनको वहां पे दिलाने में कामयाब हुए, लेकिन उसको और बेहतर करना पड़ेगा इस मैच में अच्छे फिनिशर्स के साथ। अच्छे यहाँ पे बात की जाए पोजिशन जरूर से टीम गॉडलाइक के लिए मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दोनों मैचेस इनके खिलाफ रहे हैं।
मैं व्यूअर्स को बताना जरूर चाहूंगा इसकी, देखिए यहाँ पर फॉलोअर्स ओनली चैट है, 10,000 जैसी टच होगा इस, एक और यहाँ पर बोल सकते गिव वे स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आपको अपनी गेम की जो आईडी है वो आपको यहाँ पर स्पैम करनी है, और लकी जो भी यहाँ पर रहेंगे वो पिक कर लिया जाएगा यहाँ पर, और अनाउंस भी कर दिया जाएगा जल्द ही आपको ऑन इंस्टाग्राम ऑफ अप्थ्रा सी स्पोर्ट्स। तो मेक श्योर गाइज आप वो चीज भी करते रहे, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा चैट सेक्शन में। और साथ साथ फायदा क्या है, आप अपने व्यूज यहाँ पर रख सकते हैं, स्टिकर स्पैम कर सकते हैं अपनी फेवरेट टीम के लिए। लेकिन हम बात करें टीम एक्सो के लिए, 2 मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, एक टीम कैपेसिटी रखती है टीम काफी अच्छी आगे तक आगे जाने का, लेकिन डोंट नो आज क्या हुआ है इस टीम को, क्या ये बचे हुए 2 गेम्स में अपना एक बेस्ट एफर्ट डाल के एक बढ़िया पोजीशन लेके आ सकती है। देखिए टॉप 10 में अगर रहेंगे तो मैं बोलूंगा क्वाइट डिसेंट एक रिकवरी करी इन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं एक टास्क है उनके लिए, चैलेंज है यहाँ पर, क्योंकि राउंड यहाँ पर अगर मान लीजिए टॉप 3 में भी रहेंगे लेकिन उनको फिनिशेस पॉइंट भी अच्छे खासे यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल, फिनिशर्स की तरफ तो यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। फिलहाल अगर हम नजर डालें टीएसएम के निंजा, टीएसएम के बाकी मेंबर्स, चैलेंजेस यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स अंपायर की कल आई थी टीएसएम को काफी यहाँ पे भारी पड़ी थी, लेकिन आज वो चैलेंजेस यहाँ पे नहीं है, काफी वेरिएशन हो रही है इस पूरे इवेंट पे। अगर हम बात करें कोई चीजें नई निकल के आ रही है, कोई टीम को सरप्राइज किया जा रहा है, फिर वो जाके उन्हें सरप्राइज कर रहे हैं, तो ये चीजें गेम का पार्ट है, ये फिलहाल बीच बीच में हो रही है। टीएसएम के लिए फिलहाल इस मैच में बेहतर स्टार्ट है, कुछ नुकसान कुछ यहाँ पे बात करें प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, 0 फिनिशेस, लेकिन काफी बेहतर लूट में पा रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे करके। एम4 का मार्क हुआ है, शैडो जल्द से जल्द अपने उस M4 के तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि वो गन तो फिलहाल आपके पास होना ही चाहिए। एंड आप असल्टर हो, आप स्नाइपर हो, आप बात कीजिए सपोर्टर हो, कुछ भी हो आप M4 तो एक गन अपने साथ रखना ही चाहते हो। सीमा स्नैक्स अर्ली एग्जिट रहा पिछले मैच में स्नैक्स के लिए, ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाई टीम आईएनडी का, लेकिन इस मैच में जरूर से आईएनडी को भी एक बेहतर रिजल्ट की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लूट कम कमाल का हो चुका है, क्रिटॉस ने यहाँ पे अच्छे यहाँ पे साथ दी थी यहाँ पे दलजीत की, लेकिन वो अंत में जाके मैन एडवांटेज ना होने के कारण नंबर थोड़े से कम थे, अगेंस्ट स्क्वाड थे, टीम आईएनडी को उस मैच से बाहर किया गया। लेकिन इस मैच में ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, एंड वो कितनी जल्दी करते हैं टीम आईएनडी वो तो जरूर से देखने वाली बात होगी। ईस्टर्न साइड की तरफ एक हार्ड शिफ्ट मिला है यहाँ पर, अभी अगर आप देखेंगे वाटर बॉडीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अगर कोई बोट रोटेशन करना चाहे तो आराम से आप कर सकते हैं, कामेश की भी अगर आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं बोट रोटेशन के जरिए। टीम गॉड लाइक के लिए काफी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, काफी बेहतरीन, क्योंकि जो जोन है वो यासनव कवर कर रहे हैं और काफी देर तक कवर करता रहेगा नो डाउट, बट कहाँ आपकी तरफ ये एंड करेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी के लिए जिस मुझे लग रहा है कि जो जिस डायरेक्शन में अभी श्रिंकिन हुआ है शायद क्वाइट सिमिलर ही श्रिंकिन हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट सर्कल का भी। एंड कितनी सारी टीम्स हैं अगर आप देखें, टीएसएम की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, टीम तमिलाज हो गए, टीम और एंगोटेन हो गया, साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टीम कैमन स्पोर्ट्स अभी भी वेस्टर्न साइड की तरफ बनी हुई है, 4 से 5 टीम्स अगर जितना जल्दी अगर पहुंचेंगे उतना बेनिफिशियल रहे, क्योंकि श्रिंकिन होना स्टार्ट हो चुका है। आप नहीं चाहेंगे कि आपने जितना भी यहाँ पर इतना जो लूट एकत्रित इतना लूट जो कलेक्ट करा है अपने अपने हीलिंग एड्स वगैरह आप उसको यूटिलाइज करते उसी श्रंकिन में ही दौरान। बिल्कुल, इसी के बीच बात करें तो बैटल के सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, टीम्स अब एक एक करके एक दूसरे को यहाँ पे चैलेंज करना पसंद करेंगे, और ये काफी जल्दी यहाँ पे आप बात करें तो पहले सर्कल का संख्या यहाँ पे कंप्लीट होते के साथ ही यहाँ पे लगभग आधी से ज्यादा यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो चुकी है, बात करें लाइट स्क्वाड वर्सेस ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, दो राइजिंग स्टार एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे एक टीम को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एलिमिनेट करने में कामयाब भी किसे मिल पाती है वो जरूर से एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन ट्राई तो करेंगे वो हर मुमकिन। यहाँ पे व्हीकल की जद बात करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस आ गए और फाइनली अच्छी बात रही, एक फिनिश करके वापस आते हैं, नुकसान इनके तरफ देखने को नहीं मिला, ये काफी अच्छी बात रही। एलीट स्क्वाड पहले गेम में एक लॉन्ग रोटेशन जो उनका एक बोल सकते हैं विद द बोट रोटेशन जो हमें देखने मिला था काफी सरप्राइजिंग बन रहा था, 4 फिनिश निकालते लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट अर्जित नहीं कर पाए, खाली एक ही मात्र प्लेसमेंट पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला था। बट इस गेम में लेट्स सी किस तरह से यहाँ पर उनका गेम स्टाइल रहेगा। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, एज बिल्कुल शोर के किनारे अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं, उस शोर साइड की तरफ होल्ड कर रहे हैं अभी भी। टीम गॉडला की अगर हम बात करते हैं मेंशन साइड की तरफ बढ़ चुके हैं यहाँ पर, देखिए ये खासियत है यहाँ पर टीम गॉडला की, बेशक उनका जो यास्ना पुल है जो अपार्टमेंट्स है जोन के अंदर है, लेकिन वो कोशिश करते हैं और भी ज़्यादा सेंट्रल जाने की, तो और जिस कंपाउंड में है कोई भी टीम का चैलेंज अभी के लिए देखने को नहीं मिला। क्लच गॉड फिर से एक फ्लैंकिंग में निकल चुके हैं, आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि बैक टू बैक 2 बार
सबसे अर्ली एग्जिट यहाँ पर क्लच गॉड का ही देखने में फ्लैंकिंग एज आईसीएल तो फ्लैंकिंग का रोल अभी के लिए निभाते हुए नजर आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पर, एक तरह से स्काउटिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन से कंपाउंड की तरफ बढ़ा जा सकता है। दूसरे अगर बात करें सेवन सी और ये एक गेम को अगर ओवरऑल एनालाइज हम करते हैं प्रीवियस से अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं रावन, इस गेम में फाइट्स बहुत ही कम देखने मिली, स्टार्टिंग में थी जो थी लेकिन उसके बाद तो बहुत ही रेयरली फाइट्स होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर हमें। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी आपके लिए जैसा मैंने बोला था कि ये सर्कल जैसा पहला सर्कल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है मैक्सिमम टीम सर्कल के अंदर है, वो लूट करके अपने आप को होल्ड करेंगे और कुछ लिमिटेड टीम्स की रोटेशन आएगी जो कि थोड़ा लेट रोटेशन करना पसंद करते हैं। टीम तमिलास एचएच की बात करें ये हमेशा आपको लगभग यही चीजें दोहराते हुए देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा लेट एंट्री लेना पसंद करते हैं सर्कल में। और उसके बाद औरंगजेब यहाँ पे बात करें थोड़ा सरप्राइज कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे थोड़ी सी डिले जरूर हुई, सेम कैबिन स्पोर्ट्स की तरफ से भी वही चीजें दोहराते हुए, मतलब कैमेन स्पोर्ट्स की तरफ से तो ये चीजें बहुत लिमिटेड देखने को मिलता है कि ब्लू जोन में ये अपने आप को रखे, सर्कल में जाने में ये डिले करे, ये कभी कभी देखने को मिलता है। बट स्टिल ओमेगा की तरफ से जरूर कुछ नया डिसीजन होगा क्योंकि थोड़ा लेट सर्कल की तरफ जाते हैं, लेट फाइट की तरफ जाएंगे, अपने आप को पोजिशनिंग के साथ फिनिशिंग के अभी एक लास्ट में फिनिशिंग की तरफ जाएंगे जो कि कैमेन स्पोर्ट्स की तरफ से शायद शायद इस बार वही देखने को मिले। बट सदर्न पार्ट की बात करें टीम एक्सो बिल्कुल होल्ड करके रखे, उनको भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एंड सेम एज टीम गॉडलाइक की रोटेशन की अगर हम बात करें गेम जो ये अक्सर उसी छोर से होके गुजरते हैं, याशना प्लेना से वो सीधा डाउन साइड आते हैं, स्क्वाड हाउस हाइट एडवांटेज होने के कारण आपके पास जो व्यू रहती है वो कमाल की रहती है, क्लियर पिक्चर आपको वहां से दिखता है कि अगर आपके तरफ कोई स्लाबिन करेंगे तो आप वहां पे इजीली उनको वहां पे डाउन कर सकते हैं। मतलब बहुत बार देखा हो कि टीम गॉडलाइक उस स्क्वाड हाउस में जाके होल्ड करे, देखिए इस बात की जिक्र कर रहे थे वही होना स्टार्ट हो चुका है, जॉनथन नॉकआउट कर देंगे एक प्लेयर को काफी अच्छे तरीके से। और इस बीच अगर बात करें मार्कोस के मैडमैन यहाँ पे स्टंट बाजी यहाँ पे चल रही है गेम के दौरान, और अब इस व्हीकल को निकालना आई थिंक आप ऊपर तो पहुंच गए, चलिए आपकी वहां पे व्हीकल पहुंच चुके लेकिन उसे निकालना वहां से वो थोड़ा डिफिकल्ट है। जॉर्डन की तरफ से नॉक जरूर निकलने का देखने को मिला था लेकिन मिड रेंज का बैटल है गेम जो अभी ये अनजान तक पहुंचने में थोड़ा और वक्त लगेगा। हाँ बिल्कुल, प्लस कंपाउंड का उनके पास कवर था तो आराम से वो अपने प्लेस को वहाँ पर हाइड कर सकते हैं और कोई भी टीम ना नहीं चाहिए, जब अगर वो यहाँ पर दूसरा नॉकआउट निकालते नो डाउट वहाँ पर स्लैमिन आ सकता था लेकिन जी नहीं। बट अभी के लिए टीम ओरंगुटान वर्सेस टीम तमिलास का भी हमें फाइट हमें देखने को मिल रही है एंड ये जो फाइट अगर बात करें बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ ही हो रही होगी नो डाउट। और टीम गोरला की बात करते हैं, गए जरूर थे वहां पर अभी के लिए और भी ज्यादा सेंट्रल साइड की तरफ शेल्टर के जो अगर आप बात करते हैं प्रिजन वहां की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए वॉच टावर को होल्ड जरूर करके रखा हुआ है, एक कवर क्रिएट कर रहे हैं लेकिन थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ देर के बाद देखिए गाइस तीसरा चौथा सर्कल स्टार्ट होगा ना, बहुत सारी मल्टीपल फाइट एट अ सेम टाइम हमें यहाँ पर विटनेस करने को मिलेगी इस वाले मैच में। बिल्कुल वही तो वेट कर रहे हैं हम, वही तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि वो स्टार्टिंग फाइट ना हो, आखिर में चल के वो बैटल स्टार्ट हो। और मल्टीपल बैटल्स जब होते हैं थर्ड पार्टीज आते हैं तो टीम के लिए जो चैलेंजेस वहां से निकल के आते थे कि हर मैच में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चैलेंज यहाँ पे टीम्स को मिले, प्लेयर्स को मिले, तभी जाके वो यहाँ पे कुछ उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। बट इसी बीच पीक एंड स्टैप शॉट ऑन पॉइंट यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिला एंड रिएक्शन के साथ यहाँ पे बात करें तो व्हीकल की तरफ यहाँ पे दौड़ के चले गए, मानो लगा जैसे कुछ डैमेज के साथ यहाँ पे उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, कुछ डिसीजन है, कुछ प्लानिंग चल रही है उनके बीच में और देखते हैं उसको सामने ले हमें शो करने में कितना वक्त लग सकता है। बट सर्कल का एक नॉर्दर्न स्टेप देखिए, अभी कुछ समय पहले जहाँ पे मार्को से वहाँ पे टीम गॉडलाइक थी, गॉडलाइक अब आ चुके हैं बिल्कुल डाउन साइड सदर्न पार्ट में, थोड़ा सा अपने आप को लेके चले गए एंड अब जिस रफ्तार से वो जा रहे सीधा लग रहा है कि मार्कोस को वहां पे चैलेंज बहुत जल्दी से देखने को मिल सकता है क्योंकि या तो वो मेंशन के कंपाउंड में होल्ड करने का इरादा होगा या तो वो मार्कोस की तरफ जाने का इरादा होगा, दोनों में ही एमआरए तो फिलहाल यहाँ पे मेंशन की तरफ गए, ये अच्छी बात रही, वहां पे अभी बैटल उनका इंतजार नहीं करने वाला है। बट सदन में सेवन सीज प्लस यहाँ पे लेफ्ट एंड वेस्टर्न शोर की तरफ बात करें तो इनसेन वर्सेस स्काइलेट की भी बैटल स्टार्ट होते हुए, इनसेन की बात करें जम करके यहाँ पे स्प्रे और कुछ लिमिटेड टाइम पे यहाँ पे स्काइलेट के तीन प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया। बट लेकिन वो ज्यादा देर तक आपके लिए यहाँ पे नहीं होने वाली, थोड़ी सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, इनसेन के आदि को मानो कुछ लिमिटेड सेकंड्स में ही एलिमिनेट कर दिया गया और टेस्ला को सेफ रखना चाहते हैं, महंगा है ना इसलिए थोड़ा सेफ रखते हैं।
बिल्कुल साथ साथ देखिए कवर और प्रस रोटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वो व्हीकल यहाँ पर रह सकता है। एंड जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया गाइस, तीन खिलाड़ी वहां पर स्काइलाइट्स के डाउन कर दिए जाते हैं। अभी भी आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं यहाँ पर पुकार एंड लस्सी। पुकार अपनी टीम को कौन से पायदान तक लेके जा सकते हैं? शुरुआत देखिए डिसेंट रही थी, सर्वाइवल गेम प्ले हो गया था, 13 मिनट तक वो सर्वाइव जरूर कर रहे थे, लेकिन स्लैमिंग जो यहाँ पर आता है टीम इनसेन का वो काफी शानदार। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आदि को भी यहाँ पर गवा दिया, F1LS आती है, उनका भी एक खात्मा, उनका एक प्लेयर का खात्मा यहाँ पर करके चली जाती है। TSM की बात करते हैं, जहाँ की तरफ वो आए हैं वहां पर ऑलरेडी टीम तमिलास के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और टीम तमिलास की अगर बात करें, दो खिलाड़ी अभी के लिए मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। और इसी बीच क्यों ग्रेनेड वो एस ब्लैक के द्वारा था, निंजा को भी वो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, जिस तरह से निंजा के द्वारा भी हमें इस तरह ग्रेनेड्स देखने को मिलते हैं ना। चलो सिचुएशन अभी के लिए बराबर है, अगर आप देखेंगे 3v3 की सिचुएशन है, लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पर निंजा को सबसे पहले देवाल देने की है। बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे शेडो आ चुका है रिवाइवल के लिए, लेकिन एस ब्लैक अगर यहाँ पे पीछे ब्रोकन वॉल में जाते हैं तो मुश्किल में डाल सकते हैं। बट ये फाइट चाहते हैं, ये अपना फिनिश चाहते हैं, बट इस दौरान सामने से इनके टीममेट ने ही इन्हें उड़ा दिया। ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, क्योंकि इस तरीके की कोऑर्डिनेशन आपको भारी पड़ सकती है। एक अच्छी मोमेंटम थी, एक अच्छा यहाँ पे तालमेल था, अब यहाँ पे प्रेशर इनकी तरफ आएगा कि फिलहाल मैं अपने प्लेयर को उड़ा दिया हूँ ग्रेनेड से, और इसके कारण इस ब्लैक भी यहाँ पे एलिमिनेट होंगे। एंड जो एक अच्छी तालमेल एक मोमेंटम था वो शायद इस ग्रेनेड के साथ ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। रिवाइवल जरूर से सूर्य रूप में पहुंच चुका है, फॉलबैक करते हुए यहाँ पे TSM के ऊपर, लेकिन सामने कुछ और चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। रिवाइवल यहाँ पे जल्द से जल्द करने की कोशिश है, पीछे स्ट्राइकर आ चुका है एज अ सपोर्टर, की कुछ गलतियां ना हो सके, बट एस ब्लैक को इस बात का जरूर अफसोस होगा कि वो फिनिश पॉइंट जिसके लिए मैं 1v1 करना जा रहा था वो शायद इस ग्रेनेड के साथ हमको नहीं करने मिलेगा। TSM के बाकी खिलाड़ी चले गए, निंजा का बेशक वहां पर एक कैजुअलिटी जरूर उठाई, लेकिन इसी बीच इवल सूर्य, आई डोंट थिंक वहां पर सूर्य उनको मौका देना चाहेंगे। इससे पहले भी काफी शानदार वो 1v1 जो यहाँ पर करा था जोनाथन के अगेंस्ट, काफी क्वाइट बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस से भरपूर है। एंड जब आप उसके इस तरह के क्लच अगर आप निकालते हैं यहाँ पर 1v1, बिल्कुल चाहे आपके सामने और कोई भी आ जाए, कोशिश रखते हैं कि वो 1v1 अपने फेवर में कर सके। TSM की अगर बात करते हैं, बेशक अभी भी जोन के अंदर जरूर है, लेकिन नहीं चाहते वो यहाँ पर और भी फाइट लेना। बात करते हैं यहाँ पर, मैं एक बार चीज बताना चाहूंगा, स्काइलाइट्स वो फाइनली उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। स्काइलाइट्स के जो आखिरी खिलाड़ी पुकार जो जरूर नजर आ रहे थे, उनका भी एलिमिनेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है, और एक भी पॉइंट वहां से यहाँ से वो अर्जित नहीं करेंगे, ना फिनिश पॉइंट है उनके पास, और ऊपर से अगर 16वें 17वें पायदान में अगर वो एलिमिनेट हुए हैं तो उसके भी 0 अंक यहाँ पर, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा उनको तो इस गेम में। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो पॉइंट्स टेबल आपके लिए मुश्किल है, काफी ज्यादा बढ़ सकती है। स्ट्राइक की तरफ से एक और ग्रेनेड का सॉरी स्मोक का यहाँ पे नॉट, अपने व्हीकल को पाकर यहाँ पे जल्द से जल्द लेके निकलना चाहेंगे। 15 टीम है, 14 सर्कल यहाँ पे, बात करें पांचवे के लिए सिंकिंग होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टीम एक्सो के मेंबर्स फिलहाल यहाँ पे फिनिशमेंट में आना स्टार्ट हो चुका है। इनसीन के नियो को टेक डाउन किया गया है, रैथ जो कि कुछ से पहले हमें कई और से देखने को मिलते थे वो अब फिलहाल यहाँ पे इनसीन की तरफ से देखने को मिले। बट मॉली का यहाँ पे कनेक्शन आ जाएगा, काफी यहाँ पे लॉन्ग मॉली कनेक्शन आया, मैच से बाहर होने के पूरे चांसेस आ सकते थे, लेकिन हेल्थ रिकवर कर लिया। लेकिन एक और ग्रेनेड इनके जस्ट राइट इन साइड में, रैथ को यहाँ पे बात करें तो निकल गए सही टाइम पे, लेकिन टीममेट जो अपोनेंट थे, जो एनिमी थे, वो यही चाह रहे थे कि आप निकले, आप या तो ग्रेनेड से ब्लास्ट हो या तो आप हमारे स्प्रे से यहाँ पे बाहर जाए। बट यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे कोशिश थी, बट इस बीच 7C की तरफ भी ये नजर आएगा, स्प्रे गॉड नॉक आउट हो गया, प्रिंस को भी यहाँ पे बात करें टेक डाउन कर दिया गया, सारंग आखिरी सर्वाइवल रहेंगे 7C की तरफ से, और जल्द से जल्द अपने हेल्थ को यहाँ पे रिकवर करेंगे। रिवाइवल की तरफ किस तरीके से प्लान करने वाले वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से रिवाइवल की तरफ जाओगे तो आपके लिए मुश्किलें सामने से आ चुकी, जो कि 8 मिनट के रूप में होने वाली पूरी टीम आपकी तरफ यहाँ पे स्लैमिंग के ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे बात करें तो 4 प्लेयर एक साथ, एक और ग्रेनेड का पे नॉट पोजीशन पता है, एक बढ़िया ग्रेनेड सारे के लिए यहाँ पे मुश्किलें खड़ी कर सकते, पीछे भी यहाँ पे सर्च करेंगे, लेकिन इनको एग्जैक्ट पोजीशन फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया, और इसके कारण क्या सरप्राइज देंगे उस पॉइंट पे सामने पे होने और एग्जैक्टली सरप्राइज दिया गया। यहाँ पे गन स्विच वन अप, फिनिश शॉप की तरफ जाने से पहले हिमराइट ने बचा लिया, दो प्लेयर को यहाँ पे नॉक आउट करने में कामयाब हो गए थे, और ये क्लोज कॉल हो सकता था यहाँ पे। देखिए अब 8-bit को पता है यहाँ से गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, काफी धीरे धीरे करके नीचे वो जा रहे हैं यहाँ पर, तो 5 फिनिश निकाल चुके हैं, 4th सर्कल का डैमेज मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सके लूट कीजिए क्रेट को और अपनी व्हीकल्स को पकड़ के जोन की तरफ बढ़ जाइए। और अगर बात की जाए जोन की तो वो भी जरूर आपको यहाँ पर हम शोकेस करेंगे। ईस्टर्न साइड मेंशन की तरफ हमें काफी टीम्स देखने को मिले, जिस लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम गॉडलाइक और साथ साथ ईस्पोर्ट्स एम्पायर, क्या हमें टीम गॉडलाइक वर्सेस ईस्पोर्ट्स एम्पायर यहाँ पर देखने मिलेगा। अभी अगर बात की जाए ईस्पोर्ट्स एम्पायर की, शुरुआत डिसेंट है, मतलब कोई भी फिनिश नहीं निकाला उन्होंने, लेकिन अच्छी बात यह कि चारों खिलाड़ी उनके यहाँ पर जीवित है यहाँ पर। दूसरी हम बात करें ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, ये भी अगर आप देखेंगे
डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का दो गेम में, लेकिन फिनिशेस भी निकालने पड़ेंगे। प्लेसमेंट पॉइंट से अभी के लिए काम नहीं चलने वाले, क्योंकि बचे हुए जितने भी दिन यहाँ पर हैं इस इवेंट के, इस रन भूमि सीजन वन के, मैं यही बोलूंगा कि उन टीम्स को अगर ऊपर उठना है, जो बॉटम टीम्स है या फिर जो सेकंड चार्ट में जो टीम्स चल रही है, उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, आप प्लेसमेंट पॉइंट भी अच्छे खासे निकालिए और साथ साथ प्लेसमेंट पॉइंट के अगर फिनिश पॉइंट भी रहेंगे तो आपके लिए बोल सकते हैं बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनसेन क्यों ऊपर उठते आई यहाँ पर, चिकन डिनर भी निकाल रहे थे, अगर चिकन डिनर नहीं निकाला तो फिनिश पॉइंट के साथ प्लेसमेंट पॉइंट निकाले थे, इसी वजह से वो टॉप 10 में भी आ चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम।
बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम।
बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर स्विफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम।
बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर चुकी है यहाँ पर टीम। बिल्कुल 11 टीमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्कल का एक सेंटर शिफ्ट वापस से मार्कोस, देखिए मार्कोस बहुत बहुत टाइम से वहां पे होल्ड करके थे और उनको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब चारों प्लेयर स्ट्रांग है, गेट के भी यहाँ पर यहाँ पर मैच स्टैंडिंग की क्या रहा है, यहाँ पर मैच का स्टैंडिंग्स तो एक बार चलते हैं वहां पर देखते हैं करते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात करें गोइंग स्ट्रॉन्ग, एक ही पॉइंट का यहाँ पर उनको बेनिफिट यहाँ पर मिला और टीम FNLS क्या ही शानदार यहाँ पर तीसरे पा अगर आप देखें चौथे पायदान में आए थे FNLS, लेकिन बेनिफिट मिला उनको यहाँ पर कहीं फिनिश पॉइंट का 20 अंक के साथ वो #2 यहाँ पर आ चुके हैं इस ओवरऑल इस वाली मैच की स्टैंडिंग में। टीम गॉडलक की बात करते हैं, 6 फिनिश पॉइंट 12 यानी #2 में आए तो 18 अंक के साथ आपको तीसरे पायदान में। ई स्पोर्ट्स एम्पायर की बात करते हैं, वो आज टॉप 5 में बने हुए हैं और यही उनका एक बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट रह सकते हैं आज के दिन में, जो एक कमबैक करा उन्होंने काफी शानदार। ओरेंगुटेन की बात करते हैं, बेशक इस बार बोल सकते हैं टॉप 3 में नहीं आ पाए लेकिन टॉप 5 में भी रहना काफी अच्छा उनके लिए अचीवमेंट है यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद बात की जाए तो फिलहाल बाकी टीमों की तरफ भी अगर नजर डाले तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छे तरीके आ सारे। 11 पॉइंट यहाँ पे ऑरंगुटन गेमिंग टीम 8 पे, यहाँ पे 7 टीम तबलास मार्कोस गेमिंग 6 6 पॉइंट करके यहाँ पे 7वें और 8वें पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। टीम इनसेन की बात की जाए तो केवल 5 पॉइंट यहाँ पे 9वें पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। एंड फर्स्ट चार्ट की बात की जाए तो काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है, बट सेकंड चार्ट की तरफ नजर डाले हम कैमेनी स्पोर्ट्स केवल 4 पॉइंट रहेंगे इस मैच में और 10वें पोजिशन पे अपने आप को पा रहे हैं। लाइट स्क्वाड की बात करें तो केवल 3 पॉइंट यहाँ पे 11वें पोजिशन पे, TSM IND EXO दो दो पॉइंट्स निकालेंगे और 12वें 13वें और 14वें पोजीशन पे अपने आप को रखे हुए। तो ये बहुत साधारण परफॉर्मेंस फिलहाल अभी तक 7C ई स्पोर्ट्स केवल 1 पॉइंट और 5वें 15वें पोजीशन पे अपने आप को रखे हुए। ऑरेंज रॉक ई स्पोर्ट्स, स्काईलाइट गेमिंग, राइवलरी ई स्पोर्ट्स शून्य रखेंगे इस मैच में, 0 पॉइंट यहाँ पे उनके पास है और ये आपके लिए मानो मुश्किलें यहाँ तो हो ही रही है, ये बढ़ती चली जा रही है इस तरीके के परफॉर्मेंस के साथ जो कि हम लोग ओवरऑल स्टैंडिंग में देखेंगे। तो एक बार जरूर से यहाँ पे ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ भी यहाँ पे नजर लेके चलते हैं और एग्जैक्टली इस परफॉर्मेंस के साथ टीम्स अपने आप को कहाँ पा रहे ये जरूर से हम लोग देखने देखने वाले हैं। एंड देखिए लीड जो था
केविन स्पोर्ट्स वर्सेस ओरेगन गेमिंग के बीच में, वो पिछले मैच में 10 पॉइंट के था और अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। और अब केवल 3 पॉइंट की लीड ही यहाँ पे बची हुई है केविन स्पोर्ट्स के पास। तो यहाँ से अगर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ये जो #2 की जो एक टैग है उससे आप सीधा नीचे गिरते हुए देखने को मिले, जो कि शायद मुश्किल हो सकती है। बट टीम गॉड लाइक 288 पॉइंट यहाँ पे निकाले जा चुके हैं #1 पे, एक अच्छा अपने यहाँ पे परचम लहराते हुए। यानी स्पोर्ट्स एम्पायर ने भी काफी अच्छी रिकवरी, आप देखिए 202 का वो भी अब यहाँ पर 200 की लाइन में आ चुके हैं, और एक बेस्ट परफॉर्मेंस उनको #2 में लेके जा सकता है। बट वो बाकी डिपेंड करना पड़ेगा केमिनी स्पोर्ट्स का कैसा स्कोर रहा और एंगटेन का कैसे यहाँ पर स्कोर रहा। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एक बेस्ट मैप #5 में लेकर आते हैं, 192 अंक के साथ वो #5 में नजर आएंगे। मार्कोस गेमिंग की बात करते हैं, वो कंसिस्टेंसी आज नजर नहीं आई, इसी वजह से आपको 181 अंक के साथ, और सेम टीम 8 बिट की बात करें, 8 बिट ने आज इम्प्रूवमेंट दिखाया, इसी वजह से वो टॉप फर्स्ट चार्ट में अभी के लिए यहाँ पर आते हुए। TSM की बात करें, डिसेंट एक रहा है मैच, इसी वजह से अभी भी टॉप 10 में बने हुए यहाँ पर। एंड टीम इनसेन एक अच्छा मैच जरूर गया था, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिली, 177 अंक के साथ वो यहाँ पर 9वें पायदान में। और जो मैं चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ गाइस, टीम गॉड लाइक यानी #1 और #2 में जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 75 अंक का, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और वो फायदा क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो केमिनी स्पोर्ट्स है अगर वो आज बेस्ट परफॉर्मेंस निकालती, नो डाउट ये जो 75 का जो स्टार्टिंग का अगर हम बात करें, दिन का जो शुरुआत हुई थी 66 अंक का जो लीड था वो कम हो सकता था, वो 30 से 20 तक या 40 तक भी आ सकता था, लेकिन जी नहीं, केमिनी स्पोर्ट्स का वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस ना निकलना उनके लिए बेनिफिट दे रहा है टीम गॉड लाइक के लिए। बिल्कुल। उसके बाद बात की जाए फ्लस आखिर साथ के तरफ, तो यहाँ पे मुश्किल तो है काफी ज्यादा अगर बात की जाए तो, बट ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट किया, पे कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं ये 5वें डे के बाद तीसरा जो मैच था, ओवरऑल स्टैंडिंग इसका यहाँ पे निकल के आ चुका है। एंड बिल्कुल से अब यहाँ पे कंपटीशन की बात की जाए, गेम जो मैचेस अब आपके पास लिमिटेड बचे हुए, आज के डे में 1 मैचेस, कल के डे में बात करें 4, और उसके बाद वाले डे में 4, मतलब 9 मैचेस का ही यहाँ पे अब गेम आपके पास बचा हुआ है। 9 मैचेस में कुछ टीम्स के लिए तो पॉसिबल अभी भी है, चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी टीम्स भी मौके नहीं दे रहे, वो अपने तरफ से वो हर एफर्ट डाल रहे हैं, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये हमसे आगे ना निकल पाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल गाइस, ओवरऑल स्टैंडिंग्स भी आप यहाँ पर देख चुके हैं, अंदाजा लगा चुके हैं कि कौन सी टीम का सफर अभी के लिए अच्छा नजर आ रहा है। कदम बोल सकते हैं प्रबल दावेदार ऑलरेडी गॉड लाइक ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अभी से यहाँ पर हम फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि और भी टीम्स हैं यहाँ पर जो दमखम रख रही है। केमिन हो गए यहाँ पर, साथ साथ हम बात करिए ओरेंगोटेन, जिन्होंने आज लगातार सिकंडे निकाल के, शायद अगर ये चीज देखे एक ही सिकंडे रहता तो माइट भी ओरेंगोटेन इतना ऊपर नहीं आ पाती, लेकिन बैक टू बैक सिकंडे निकाला, उसके बाद तीसरे मैच में भी #5 आए हैं। तो ये तीनों का अगर जो कंबाइंड जो स्कोर अगर आप देखें ना, आराम से मतलब 50+ क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से काफी बड़ी उछाल हमें देखने को मिल रही है। और एक मैच है यहाँ पर, अगर केमिन फिर से यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो नो डाउट यहाँ पर #2 में आपको नजर आ सकती है, और साथ साथ टीम ईस्पोर्ट्स एम्पायर वो भी यहाँ पर #3 में आ सकते हैं एक बेस्ट परफॉर्मेंस से। देखिए चांसेस तो काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, और जो लीड थी वो पहले बहुत ज्यादा थी 20-25 की केमेन और ओरेंगेटो की, वो फिल 9 हुई और अब 3 हो गई, और अगर एक और अच्छा मैच यहाँ पे साबित हुआ तो वो 3 भी यहाँ पे अब 0 के बाद अब आपके ऊपर वो लीड यहाँ पे रखी जाएगी, और आपके लिए फिलहाल #3 की तरफ अपने आप को पाओगे। तो केमेन स्पोर्ट्स के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने मैचेस हुए हैं वो बहुत अच्छे भी साबित थे उनके लिए, सिवाय अगर पहले मैच को अगर हटा दे तो पहले मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे लगभग देखने को मिली, #3 में अपने आप को रखे, कुछ अच्छे फिनिशेज रखे, बट उसके बाद 2 मैचेस में बैक टू बैक यहाँ पे डाउन रहे, बट इस मैच में एक अच्छी वापसी यहाँ पे उनके तरफ से हम लोग को उम्मीद भी है और वो करना भी पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें कुछ टीम्स के बारे में, तो फिलहाल ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के लिए भी ये मैच काफी अच्छा रहा, एक और अच्छा मैच यहाँ पे शायद उनको भी यहाँ पे धीरे धीरे करके वो वापसी, जो एक #1 और #2 पे तो राइजिंग स्टार थे, उसके बाद मैचेस जैसे आगे बढ़ते चले गए वो अपने आप को नीचे ही पा रहे, लेकिन ये कुछ मैचेस अगर आप बात की जाए तो बैक टू बैक उनके अगर हित पे रहते हैं तो वापस से राइजिंग स्टार हमें #5 पे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक तो आ चुके हैं, और देखते हैं बाकी वो जो 2 है वो कब तक आते हैं, जो कि लाइट स्क्वाड एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग होने वाले। चांसेस तो काफी आए क्योंकि मैचेस यहाँ से उनके अच्छे होने लगे और बेहतर किए, तो शायद यहाँ से 9 मैचेस में अगर आपके पास कुछ 4-5 मैचेस भी अगर आपके हित पे रहे तो चांसेस काफी ज्यादा है कि आप इस ओवरऑल #5 में आके अपने लिए कुछ यहाँ से रिवॉर्ड प्लस वो टैग, जो कि सबसे अच्छी बात है, टैग अपने साथ आप लेके जाओगे इस पूरे इवेंट में।
बिल्कुल गाइस, अगर मैं आपको इन समराइज में बताना चाहूंगा, 35 मैचेस यहाँ पर मिलेंगे सभी टीम्स को, और उन 35 मैचेस के बाद ही यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगी, कौन सी टीम ऑन टॉप नजर आ रही है, कौन सी टीम #2 यहाँ पर रहेगी, कौन सी टीम #3। एंड जिस तरह का प्राइस पूल था, तो हमें आपको पता ही गाइस, #5 तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब #5 तक आपको एटलीस्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर प्राइस पूल। बिल्कुल से। लेकिन अब बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पे यस काफी जल्दी हमारा आज का आखिरी मैच भी यहाँ पे स्टार्ट यस होगा, जो कि मिरामार के ऊपर है गेम जो। एंड फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कि कितना जल्दी से हम उस मैच की तरफ पे आपको लेके जाते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आज के लिए डिसाइडेड डे, डिसाइडर मैच आज के डे पे, क्योंकि इसके बाद आज के डे में कोई चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि अब इसके बाद जो चेंजेस होंगे वो हम लोग को डे 6 में ही देखने को मिलने वाला है। एंड उस डे 6 के लिए हाँ यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बहुत ज्यादा यस एक्साइटेड यहाँ पे है, और मेहनत भी करना पड़ेगा टीम्स को, क्योंकि वो तो पार्ट रहेगा ही। और चिंता मेक श्योर यहाँ पे एक बार जरूर से आप लोग शेयर कर देना इस स्ट्रीम को, एक बार जरूर से यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू कारण हम लोग को देखने को मिला, वो लास्ट स्ट्रीम बंद हो गया, बट इस स्ट्रीम को एक बार आप जरूर से अपने फ्रेंड सर्कल फिर में से शेयर शेयर कर दीजिए, यस और ट्राई कीजिए कि वो जो यहाँ पे एक क्राउड थी, वो जो एक जोश था चैट पे, उसे हम लोग वापस से चैट में यस लेके आए। बिल्कुल गाइस, शेयर कीजिए बीच में लवस तक स्ट्रीम पहुंचाइए, बताना जरूर चाहूंगा। मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा स्पॉन आइलैंड का जो टाइम है वो तो उसमें हम बात कर यहाँ पर अच्छी बातचीत करेंगे। लेकिन मैप कौन सा रहेगा गाइस? मैप रहेगा यहाँ पर एज पर द शेड्यूल मीरामार का, तो तैयार रही यहाँ पर मीरामार के एक्शन के लिए। एंड लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ पर डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि पहले जो दो मैच रहे थे इरेंगल मीरामार, वहां पर ओरेंगोटेन का ही जलवा यहाँ पर देखने मिला था, लेकिन ये तीसरा जो मैप रहा ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लेके जाती है, क्या हमें आज वैसी टीम देखने मिलेगी? ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मीरामार में भी अच्छा डोमिनेट दिखा सकती है कि नहीं, वो तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन दर्शकों से ही बोलूंगा कि स्ट्रीम को शेयर कीजिए, जैसे यहाँ पर रामन रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर कीजिए। और साथ ही साथ वो जो 10K जैसे हम वॉचिंग अचीव करेंगे, तो 10 रॉयल पास हुए यहाँ पर गिव अवे यहाँ पर दी जाएंगे। अपनी आईडीज जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्पैम कर सकते हैं, नो डाउट, यहाँ पर तो कोई टाइम आउट का खतरा भी नहीं है। और साथ ही साथ गाइज, अगर कास्टिंग पसंद आ रही तो जरूर आप हमें भी सपोर्ट दिखा सकते हैं, अपना वैल्यूएबल सपोर्ट। कल काफी गाइज काफी अच्छे डीएम्स मुझे यहाँ पर आके फॉलो यहाँ पर करा था, सपोर्ट कर रहे हैं। एंड क्वेरीज भी काफी आ रखी थी मेरे पास रिगार्डिंग द योर ई स्पोर्ट्स क्वेरी, तो काफी अच्छा लगा, रिप्लाई सभी को मिल चुके हैं। और साथ साथ गाइज मेरे साथ रावण भी बैठ रखे, तो उनसे भी आप कोई बेझिझक पूछ सकते हैं, रिप्लाई सभी को करेंगे, इंतजार बस करना पड़ता है, पेशेंस आप भी रखा करें, क्योंकि इवेंट के जस्ट तुरंत बाद थोड़ा सा रेस्ट भी हमें लेना पड़ता है, उसके बाद गाइज सभी को हम जो रिप्लाई है हम करते हुए नजर आते हैं। और साथ साथ मेक श्योर गाइज, अपथ्रस्ट ईस्पोर्ट्स को भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर, ताकि अपकमिंग जितने भी इवेंट्स रहेंगे आप अप टू डेट रहेंगे यहाँ पर, उससे रूबरू रहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अप टू डेट तो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब चीज भी आपको यहाँ पे अप यस टू डेट रहना पड़ेगा ना। अप टू डेट रहने के लिए आप लोगों जैसे @ ई स्पोर्ट्स को आप फॉलो कर लेना, एंड नथिंग एल्स गाइस, स्क्वायर स्टोरी पोस्ट के माध्यम से आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आप अपने ई स्पोर्ट्स को काफी अच्छी एक राह दे सकते हो, जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो अपने ई स्पोर्ट्स करियर के लिए। लेकिन इसके लिए आप लोग को जरूर से @ ई स्पोर्ट्स को फॉलो करके रखना पड़ेगा। एंड मिरामार का मैच है डिसाइडर डे आज के लिए होने वाला है ये मैच के साथ, तो क्या माइंडसेट होगा गेम्स, क्या लगता है वो पूरी टीम इस बार एक पैसिव रख अप्रोच यहाँ पे रखेंगे, या फिर थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सीन्स के लिए तो यस वो होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। देखिए होना पड़ेगा, लेकिन उसके हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले गाइस हम लेके चलते हैं आपको फ्लाइट पाथ की तरफ, क्योंकि ये फ्लाइट पाथ काफी सरप्राइज से भरा है, बिल्कुल एक सदन साइड को फेवर करता हुआ इम्पाला से होता हुआ बेल डेनमार्क की तरफ जाकर ये एंड करेगा लॉस्ट न्यूज़ कंप्लीटली, आप बोल सकते हैं इसके ऊपर से ही लॉस ने उसके ऊपर से निकल, लाल बेंडेटा की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, पिकार्डो सैन मार्टिन की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, कि पिकार्डो तो एक्सेसिबल है, लेकिन सैन मार्टिन, हेसल डेल पेट्रॉन, अल हजर यहाँ पर पहुंचने के लिए अर्ली पैराशूटिंग के साथ साथ अगर आप चाहते हैं अर्ली व्हीकल पिकअप, तभी वो चीज पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि गॉड लाइक किस तरह से यहाँ पर अप्रोच करे, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर भिड़त हमें अर्ली देखने को मिल जाए, क्योंकि वहां तक पैराशूट से ग्लाइड करना काफी एक मुश्किल टास्क है। बाकी आप जो बात कर रहे थे कि टीम्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखेगी, तो बिल्कुल जो बॉटम टीम है, आप थोड़ा सा यहाँ पर आप गे चेंज करना पड़ेगा, आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे वो गे चेंज नहीं करेंगे आप, बाकी टीम्स आप देख सकते हैं कितने ऊपर आपसे ऊपर उठती नजर आ रही है। फिर जब लिमिटेड आपके पास मैच बचेंगे, फिर वहां से रिकवरी करना, और आपके ऊपर वो प्रेशर आ जाएगा कि आपको हर गेम में ही 10+ फिनिश और टॉप 3 में आना है, और वो इतना इजी नहीं, टास्क नहीं होता ऐसी अमेजिंग लॉबी के अगेंस्ट में। बिल्कुल, यहाँ पे आसान तो रहेगा नहीं, फाइनल बात की जाए तो स्प्लिट हो चुका है, एंड सर्कल फिर से यहाँ पे इंतहाल सा ले रहा है, सदन पार्ट को काफी ज्यादा फेवर कर रहा है। और
अब तो मैं कुछ नहीं किया हूँ गेम जो। अब इसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सर्कल का आज कुछ एक अलग लेवल का यहाँ पे मन है। डे यहाँ पे बात करें 5 चल रहा है, तो टीम्स के लिए यहाँ पे मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके लिए यहाँ पे सर्कल इस तरीके से हो रहा है, इससे मल्टीपल फाइट्स अर्ली फाइटें हमारा बहुत अच्छे से इंतजार करने वाले। इसी बीच M16 का एक बस मार्कोस की रौनक की तरफ से देखने को मिला, नॉकआउट कर चुके हैं, इंस्टेंट फिनिश ऑफ भी करेंगे, ट्राई कर रहे थे वो कवर फायर इनकी तरफ से, बट किफायती साबित नहीं हुआ, उतना इफेक्टिव साबित यहाँ पे नहीं होता हुआ देखने को मिला। वापस से बात किया तो यहाँ पे थ्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने बात किया तो रोनक यहाँ पे जाने की कोशिश ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पे रोनक को भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा, इंस्टेंट फिनिश अप भी कर दिया जाएगा। काफी जल्दी ये चीजें यहाँ पे होती हुई देखने को मिली दोनों साइडों से, ये जो काउंटर अटैक आ रहा है कमाल का। आप हमारे प्लेयर को फिनिश अप करेंगे चलिए कोई बात नहीं, बट आप क्या तैयारी, आपके पास तैयारी है? नो, फिलहाल यहाँ पे सामने से हुआ है क्योंकि दोनों ही साइड से एक एक प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। ये शुरुआत देखिए बिल्कुल किसी भी के लिए भी अच्छी नहीं है। जी यहाँ पर राउंड मैं बोलूंगा कि ये शुरुआत ना यहाँ से किसी के लिए भी अच्छी नहीं हुई है, बट हाँ मैं यही बोलूंगा कि यहाँ से अब आप नंबर मत कहिए। तीन प्लेयर के साथ भी आप सर्वाइव कर सकते हैं एंड तक, लेकिन दो प्लेयर के साथ दो सर्वाइवर काफी एक मुश्किल टास्क यहाँ पर हो जाता है। तो थोड़ा सा संभलिए यहाँ पर और कोशिश कीजिए कि अब एडवांटेज आप उठाएं। अब अगर आप नॉकआउट कर रहे हैं तो खुद का यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट मत करवाइए। आप अगर स्लैमिन अगर देना चाहते हो तो परफेक्टली वो टीम वर्क के साथ स्लैमिन वहां पर दीजिए, अदरवाइज अगर नहीं कर पाए बहुत लेट हो जाएगा। और हर मैच बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक पॉइंट अभी आपके लिए कीमती है, स्पेशली मार्कोस गेमिंग। शुरुआत आज के दिन में अच्छी नहीं हो पाई है, सेम अगर बात की जाए कल अच्छा दिन जा रहा था इसी वजह से वो रिकवरी कर रहे थे, #2 तक थे, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज का दिन वो अच्छा जा ही नहीं रहा यहाँ पर। बिल्कुल सही, यहाँ पे वो मैचेस यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से करने की कोशिश में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टफ टाइम इनके लिए जरूर से होता हुआ। लाइट स्क्वाड देखिए एक नुकसान इनके तरफ भी आ चुके हैं, और स्टार्टिंग में जरूर से आप एक फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं, लेकिन आप अपने एक कीमती प्लेयर को इस मैच से गंवा चुके हो जो कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपके लिए रिवॉर्ड आएगा लेकिन उसके साथ आप नुकसान भी ले आ रहे हो, तो उसको यहाँ पे जरूर से संभालने की आवश्यकता है। केवल 3 मिनट का गेम, मार्कोस के लिए भी ये चीजें अप्लाई होती है। मार्कोस की बात करें तो जरूर से गन फाइट में एक सरप्राइज रहा उनके लिए, जवाबी कार्रवाई भी आई, लेकिन अगर उस पॉइंट पे अपने आप को संभाल लेते तो शायद वो काफी बेहतर मैं बोलता, लेकिन आप अपने प्लेयर को अभी उस बीच यहाँ पे गवा लेते हैं। और लेट्स सी अब यहाँ पे आगे के जो प्लानिंग से किस तरीके से इनके तरफ से जाने वाले प्रो ने यहाँ पे रखेंगे M249, मार्कोस की तरफ नजर डाले, विस्कॉट काफी अच्छे फॉर्म में थे सेमीफाइनल पे एंड फिनिशर्स भी निकाले थे उस लेवल का, लेकिन विस्कॉट की बात करें फिलहाल UMP45 एंड थॉम्सन लेके फिलहाल यहाँ पे आप प्रोन डाउन अपने आप को करके रखे हुए। यूटिलिटीज भी अगर बात थे तो 5 बैंडेजेस, एक हेलकेट, एक एनर्जी ड्रिंक के यहाँ पे उनकी तरफ देखने को मिलेगा, तो लिमिटेड लूट है, कुछ बहुत चीज नहीं है। सेम अगर बात करें तो बैटमैन की तरफ AKM एंड Mini-14 रहेगी, तो देखिए लूट काफी बेहतर है, एंगल्स लेना स्टार्ट कर चुके, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे एक टीम को तो जल्द से जल्द यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि अगर मार्कोर भी यहाँ पे एक्रेस करेंगे तो राइट स्क्वाड भी यहाँ पे काउंटर जरूर से करना चाहेंगे, और उस काउंटर पे किसी एक टीम को तो एलिमिनेट वहां से होना ही पड़ेगा, और वो पहली टीम कौन सी रहेगी जरूर से एक बड़ा सवाल रहेगा। पहले 4 पे थे, एक फिनिशर्स दोनों निकाले एंड दोनों ही समझ गए थे आप थोड़ा सा होल्ड यहाँ पे रहना एक बेटर ऑप्शन रहेगा, एंड बिल्कुल से फिलहाल यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने को मिले, ट्राई कर रहे हैं अपने आप को उस फाइट से थोड़ा देर रोक सके, क्योंकि अगर वापस से ये फाइट स्टार्ट हुई तो शायद टीम का यहाँ पे एक टीम का तो एलिमिनेशन यहाँ पे जरूर से होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी टीमों की तरफ अगर हम बात करें, टीम F1 एक अच्छी शुरुआत रखे हुए, कोई नुकसान नहीं है, बेटर स्टार्ट है, और भी बेहतर करने के लिए अपने आप को इस मैच में ट्राई करेंगे। डिसाइडर डे है, डिसाइडर बात करें 5वें डे की दी है, आज का ये मैच डिसाइडर होने वाला है, क्योंकि 5वें डे के बाद पॉइंट टेबल में और MVP लिस्ट में कोई भी चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाला है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखें, उसी तरीके से इस मैच को यहाँ पे एंड करने का प्लान किया जाए, क्योंकि अगर उस तरीके से आपके लिए मैच उस फिनिश नहीं होती है दिक्कतें होने वाली। फिलहाल बात करें प्रोन डाउन M249 विस्कॉट की यहाँ पे बात की जाए, जरूर से उनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है, ग्रेनेड पिन आउट किया जा चुका है, ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छी यहाँ पे ओपनिंग आने की चांसेस हो रहा है, ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो कर चुके हैं, मैडमैन उसी एंगल पे डैमेज हुए वहां पे, नॉकआउट भी यहाँ पे किया जा सकता था लेकिन कुछ मीटर का फासला रहा, वरना एक नॉक के साथ यहाँ पे स्लैमिंग करना बिल्कुल यहाँ पे प्लान करते, क्योंकि रिवाइवल पे एक प्लेयर जाते तो आपके जो सपोर्टर का रोल होता है माइंडसेट के अनुसार वो एक ही होने वाला था, तो इसी माइंड के सेट के साथ लास्ट स्क्वाड यहाँ पे स्लैमिंग कर सकते थे। लकी रहे काउंटर ग्रेनेड क्या यहाँ पे मैडमैन की तरफ से देखने को मिल सकता है, अगर जवाबी ग्रेनेड उनकी तरफ से आए तो इजी नॉक निकल सकता है, लेकिन अब सिंपल भी आ चुके हैं ग्रेनेड के साथ, और अगर ग्रेनेड यहाँ पे सही तरीके से कामयाबी मिली तो देखिए वो जो पहला नॉक अगर इस पॉइंट पे कोई ढूंढ रहा है तो वो ग्रेनेड के साथ हो सकता है, सामने से भी आते पिन आउट किया गया, सिंपल ने इस चीज का अंदाजा लगा लिया और अपने आप को पीछे हटा लेते काफी सही टाइम से, अगर पीछे नहीं हटते
शायद यहाँ पे नॉकआउट हो सकता है, बट सिंपल की तरफ से वापस एक ग्रेनेड एंगल यहाँ पे लॉक द थ्रो, क्या डैमेज वहां पे होने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे नॉकआउट निकाला जा चुका है सिंपल की तरफ से इस बार, और एक सामने यहाँ पे करना बिल्कुल से बनता है क्योंकि एक प्लेयर यहाँ पे रिवाइवल पे जाएगा तो सपोर्टर एक ही यहाँ पे आपके रहने वाले एंड लाइट स्क्वाड। इसके बाद कमबैक होने देना मार्कोस को, बिल्कुल होने देना नहीं चाहते। एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक करने के साथ यहाँ पे सामने आ चुका है, बात की जाए MD49 के साथ जा रहे हैं सामने, बात करें तो वेस्टगार्ड यहाँ पे सरप्राइज कर सकते थे लेकिन वो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। बैटमैन को इस मैच से एलिमिनेट करेंगे। वेस्टगार्ड की पोजीशन अभी तक यहाँ पे बात की जाए तो पता नहीं चल पाई है, और अच्छे तरीके से पता चला वो बेटर रहेगा क्योंकि अगर आपको सरप्राइज किया गया आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इस बार सिंपल की तरफ से ग्रेनेड का यहाँ पे पेन आउट रहेगा, ट्राई करेंगे यहाँ पे कुछ अच्छे व्यूज मिल सके। वेस्टगार्ड क्या इस ग्रेनेड के लिए तैयार होने वाले, डैमेज अगर कुछ पिक्सल का भी कुछ HP की भी होती मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सूर्या राइट साइड से यहाँ पे कॉल आ चुका है कि राइट फ्लैंक से यहाँ पे एंट्री लेने की बारी आएगी, एंड अगर एक प्लेयर यहाँ पे मार्कोस के नॉक एंड फिनिश ऑफ करने में कामयाब हुए तो ये 2v2 का बैटल रहेगा, तो फाइट थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड पे वापस जा सकती है लेकिन लाइट स्क्वाड को इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण थोड़ा वेट कर रहे हैं। गन्स कमाल के M249 75 एमओ आप नॉन स्टॉप अपने एंड से स्प्रे कर सकते हैं, और उसके लिए एक यहाँ पे बात रहेगी एंड वेस्टगार्ड का नॉक यहाँ पे गॉडविन की तरफ से, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया गया था फिलहाल न तो मार्कोस की साइड ना तो फिलहाल हमारी साइड, बट इसी बीच यहाँ पे वो ऑफ गार्ड पाया गया यहाँ पे गार्ड गार्ड इसी बीच में ही फिनिश ऑफ भी कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे फिनिश जा रहे हैं, आप नॉक्स निकाल रहे हो, आप सिचुएशन को कंट्रोल पे रख रहे हो लेकिन नुकसान को आप होने देने से नहीं रोक पा रहे हो, जो कि दोनों ही टीम्स के लिए ये मैच फिलहाल यहाँ पे खराब साबित हो सकती है। 1v1 का तो नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों प्लेयर एक साथ आए बेटर रहेगा, लेकिन इस बीच अगर सूर्या विस्गार्ड को रिवाइव देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ पे मार्केट। बिल्कुल बराबरी पे अगर आप लाएंगे सिचुएशन को तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जी नहीं, टीम वर्क यहाँ पर काफी फायदा देता नजर आएगा री स्क्वाड का। लेकिन दो खिलाड़ी भी यहाँ पर गवाह हैं, ये नहीं भूल सकते वो, अगर तीन खिलाड़ी सर्वाइव करते इस बैटल से नो डाउट मैं यहाँ पर एक प्लस पॉइंट दे सकता था। बट अभी चलते हैं यहाँ पर टीम INDB कैमिन ईस्पोर्ट्स के साथ यहाँ पर भेटती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें दोनों टीम्स का, गेमिंग की बात करें एक मैच अच्छा गया जरूर था लेकिन उसके बाद बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। टीम INDB तो आज बोल सकते हैं शुरुआत डीजन एक कर तो रही है लेकिन अंजाम तक वो एंड रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल पा रहा, और वही फाइट जिस तरह से अभी ये फाइट हमें देखने को मिली थी टीम मार्कोस और टीम एली स्क्वाड की, वही फाइट एक गुजारा यहाँ पर भी देखने को मिलता हुआ गेमिंग वर्सेस INDB की तरफ से। बिल्कुल INDB की बात करें तो ग्रेनेड्स यहाँ पे पिन आउट करके थ्रो कर रहे हैं, वो वापस से वही सिलसिला है यहाँ पे स्टार्टिंग का, एक पहला ग्रेनेड किसका यहाँ पे कनेक्शन उठेगा वो देखने वाली बात होगी, उसी के साथ डिसाइडर भी हो सकते हैं। खड़ास को फिलहाल यहाँ पे टेक आउट कर दिया गया अक्षित के तरफ से, यहाँ पे नॉक आउट कर दिया गया। स्लैश की बात की जाए तो काफी ऑफ गार्ड यहाँ पे पाए गए, भारत के साथ स्प्रे क्राउड पे ग्रेनेड आ जाएगा लेकिन इफेक्टिव साबित नहीं कर पाए, नॉक आउट किया गया। स्नैक की तरफ से अक्षित को भी यहाँ पे डैमेज करने चाह रहे थे लेकिन अपर साइड से माइटी ने सिचुएशन को यहाँ पे संभाला और ये जंग कमाल की चल रही है। फिलहाल यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन इस बीच दलजीत को भी डाउन किया गया एंड कंप्लीट टीम INDB इस मैच एलिमिनेट करते, साथ ही साथ स्कारलेट गेमिंग भी यहाँ पे बात करें तो एलिमिनेट हो जाएंगे ईस्पोर्ट्स अंपायर की तरफ से। तो कुछ ही सेकंड के अंदर दो टीम का एलिमिनेशन देखने को मिला गेम से, वाओ शुरुआत कुछ इस तरह की हुई थी। आज अगर हम बात कर रहे हैं एंगल के मुकाबले में वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, टॉप फाइव हर गेम में हमें यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। बात हुई थी मेरे इनके खिलाड़ियों के साथ तो कि कल क्या हुआ था, कल थोड़ा सा बोल सकते हैं दिन अच्छा नहीं था, इन्होंने बोलता कि आज रिकवरी जरूर करेंगे और रिकवरी करते हुए नजर भी आ रहे हैं यहाँ पर ये खिलाड़ी, एंड किस तरह से एग्रेशन भी है थोड़ा सा पैसिवनेस भी है लेकिन उनको पता है कि आज पांचवा दिन है, आज अगर ओवर एग्रेस कर देंगे तो हो सकता है कि वो जो पकड़ है वो भी छूटती हुई नजर आ जाए। लेकिन आज एक बैलेंस गेम प्ले और जिसकी वजह से वो टॉप थ्री में आ चुके हैं, टॉप फाइव में आ चुके हैं, तो इससे बेटर क्या चाहिए आपको। अभी छठा दिन बच रखा है, अभी सातवां दिन भी बच रखा है, तो उसके लिए इंतजार कीजिए यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आप मैच यहाँ पर खेलिए फिर। बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे बैटल वापस से एक जंग यहाँ पे प्रारंभ होगा, TSM वर्सेस गॉड लाइक, हाइट एडवांटेज TSM के पास है, वेट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक ओपनिंग निकाला जा चुका। आज आई थिंक डे नहीं है यहाँ पे क्लच गॉड की बात करें तो पहले दो मैच में अर्ली एग्जिट होते हैं टीम गॉड लाइक से, और उसके बाद इस मैच में भी आके फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट अपने आप को पा रहे, तो शायद आज का यहाँ पे डे उनका अच्छा नहीं जा रहा है। कमबैक यहाँ से करना जानते हैं टीम गॉड लाइक, कमाल का कमबैक उनके तरफ से हम लोग को बैक टू बैक देखने को मिलता है। जोनाथन मेरिफोन के साथ यहाँ पे रेडी हो चुके, स्पॉट करना चाह रहे, व्यू फ्लावर पिक्चर कुछ खास उनके पास क्लियर नहीं। क्लच गॉड को इस बार रिवाइवल मिला जो कि पहले दो मैच में इंस्टेंट उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया गया था, रिवाइवल वो देखने को नहीं मिल रहा था, बट वापस से यहाँ पे नॉकआउट होना बिल्कुल आज का यहाँ पे मुश्किल हो रही है। बट जॉनाथन के सामने आप उनके प्लेयर को मुश्किल में डालो ये बहुत कम देखने को मिलता है, शैडो को नॉकआउट किया गया एंड अब इंस्टेंट फिनिश ऑफ भी किया जाएगा उन्हें।
मुश्किल टास्क लगा रहा है वहां पर, लेकिन क्या स्लैमिन दारा जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। क्लच गॉड, आज सबसे पहले अगर देखा जाए क्लच गॉड का ही हमें एलिमिनेशन देखने में था फर्स्ट टू गेम में, लेकिन पिछला गेम में जो एक वापसी करी है ना वो काफी शानदार रही है, उसको कंटिन्यू जरूर यहाँ पर करना चाहेंगे। चैलेंज काफी टफ है, टीम गॉड लाइक वर्सेस टीम TSM, और जब भी ये मेटल हमें देखने मिलते हैं एक बोल सकते हैं बेशक अभी के लिए गॉड लाइक का एक पलड़ा भारी, लेकिन TSM भी कम नहीं है यहाँ पर, TSM भी काफी अच्छा एक कंपटीशन यहाँ पर देती हुई नजर आती है। क्लच गॉड तैयार है यहाँ पर, उनको पता है इक्विनॉक्स के एग्जैक्ट लोकेशन का, तो फ्लैंकिंग ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल के फ्लैंक करना पड़ेगा, यही एकमात्र कवर है। इस चेक के बाद पूरी तरह से ऑफ गार्ड वो नजर आएंगे एंड केवी को नॉकआउट हमें देखने को मिलता है उनकी तरफ से, लेकिन मोलोटोव की टाइमिंग रावण काफी परफेक्ट थी यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा। बिल्कुल से, आप देखिए यहाँ पे चीजें कितनी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल में आती है वो तो यहाँ देखने वाली बात होगी, बट टीम गॉड लाइक की बात की जाए तो यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज है इनके पास, वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वापस से बात किया तो एक स्मोक का यहाँ पे पिंट आउट किया गया, एंड ट्राई करेंगे यहाँ पे कि जल्द से जल्द अपने अपने टीममेट को वापस से रिवाइव कर सके, क्योंकि चौहत्तर के यहाँ पे गवा चुके हैं। एंड चौहत्तर की बात बात की जाए तो क्लच गॉड कंसर्न होना, टीम कंप्लीट यहाँ पे बैकवर्ड में जाते हैं, मिड में फेस पे किया जाएगा कनेक्शन। फिलहाल यहाँ पे कुछ खास देखने को मिला नहीं है, ट्राई कर रहे हैं संभालने के, अपने आप को संभालने की पूरी पूरी कोशिश। स्लैमिन TSM की तरफ से इंस्टेंट आ रही है टीम गॉड लाइक की तरफ, पढ़ तो जरूर रहे हैं, देखिए ऑलरेडी दो यहाँ पर झटके मिल चुके हैं, बट जोन के बाहर ही फाइट करना TSM के लिए भी सही फायदा नहीं देगा, या ना कि यहाँ पर टीम गॉड लाइक। लेकिन क्या अंदाजा है उनको कि ब्लेज आगे बढ़ चुके हैं, शायद सरप्राइज देने आ चुके हैं। तीन, देखिए तीसरा जोन है तो उतना डैमेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप डैमेज वहां पर टीम गॉड लाइक को दे सकते हैं। जाता भाई की परफेक्टली ग्रुप ग्रेनेड, लेकिन डैमेज कुछ नहीं दे पाएंगे अभी भी वो खिलाड़ी जो है शैक की बैंड पे, लेकिन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर निंजा के द्वारा क्लच गॉड को यहाँ पर नॉकआउट करेंगे, एंड मेरे ख्याल से शायद वो एक रेवेंज के लिए आ रखे हैं क्योंकि उनके भी दो खिलाड़ी यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं, लेकिन न्यू के द्वारा क्या ही परफेक्ट लेजर जेट वहां पर स्प्रे आते हैं एंड ब्लेज को वहां पर निकालते हैं। अब जो बचे हैं वो है निंजा, अब उनको निकालना बहुत एक एक मेजर टास्क है उनके लिए। बिल्कुल यहाँ पे बात किया तो मेजर टास्क होने वाला है, टीम गॉडलाइक की बात की जाए बहुत मुश्किल में अपने आप को पा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, ट्राई करेंगे यहाँ पे जल्द से जल्द सिचुएशन को पूरा यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल में लाया जा सके। ग्रेनेड का पिन आउट रहेगा निंजा की तरफ, यहाँ पे हैक लॉक इन किया गया ये ग्रेनेड, एंड क्या ये ग्रेनेड यहाँ पे डिसाइडर हो सकता है TSM के लिए वो देखने वाली बात होगी। सिकॉर्ड की तरफ से फिलहाल यहाँ पे स्लैम इन जाता हुआ स्पॉट करेंगे, स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे स्प्रे कुछ लिमिटेड, फाइनली मैच से यहाँ पे उन्हें बाहर किया जा चुका है, और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सिचुएशन को यहाँ पे संभाला गया। बिल्कुल, चलिए अब यहाँ से अभी के लिए अगर देखा है टीम गॉड लाइक ने यहाँ पर अब बोल सकते हैं तीन खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाल ली है। बेशक जोनाथन की अगर हम बात करते हैं वो एलिमिनेट जरूर हो चुके हैं, लेकिन साथ जरूर देंगे हर किस खिलाड़ी के POV में जरूर यहाँ पर देखते रहेंगे, अपने टीम को यहाँ पर हेल्प करेंगे। अभी भी अगर आप देखेंगे इस 12 टीम्स यहाँ पर बच रखी है, एंड बात कीजिए यहाँ पर लॉस न्यूज के बिल्कुल ईस्टर्न साइड की तरफ जहाँ पर टीम 8-bit बात की जाए टीम पहले अगर देखते हैं उनका लोकेशन बिल्कुल आसपास ही है, एंड मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पर एज पर द रूट जो वहां पर वो उतरे थे और काफी अच्छी जगह पोजीशन भी उन्होंने होल्ड करी है, बट क्या टीम चैलेंज देने आएगी वहां पर ये एक बड़ा सवाल है। कैमिन ईस्पोर्ट्स के माइटी को उन्होंने स्पॉट आउट कराए थे, कैमिन की बात करते हैं उनका पिकाडो ड्रॉप रहता है अभी के लिए, जिस तरह से जोन श्रिंकिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, बट सेंट्रल में अभी के लिए टीम 8-bit है नो डाउट। आप जोन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मैप आपको शोकेस किया जा रहा है, इम्पाला में मुझे यहाँ पर एक स्क्वाड के खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे, दो ही खिलाड़ी है तो थोड़ा सा पैसिव नेचर के साथ वो खेलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। चार खिलाड़ी यहाँ पर अगर आप देखें चार फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चारों के चारों खिलाड़ी अभी भी जीवित हैं यहाँ पर। कैमिन के लिए एक इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पर ताकि एटलीस्ट वो एक अच्छा बफ यहाँ पर क्रिएट कर पाए, लेकिन क्या क्रिएट करने देंगे कि नहीं, क्योंकि ओरेंगुटेन की अगर अब मैं बात करता हूँ टीम ओरेंगुटेन वो भी अभी यहाँ पर अलाइव है, और उनकी अगर लोकेशन की अगर हम बात करें बिल्कुल सदन साइड की तरफ अभी के लिए यहाँ पर नजर आते हुए हर खिलाड़ी अगर आप देखेंगे जोन के बाहर है, और ये एक हार्डशिप टीम के लिए बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पर देखो कि ऑलरेडी देखिए इनसेन नो डाउट अभी जोन के अंदर है, लेकिन कितनी सारी टीम गाइस आप ईस्टर्न साइड की तरफ देखिए एक बड़ा क्लस्टर यहाँ पर आ सकते हैं। टीम गॉड लाइक रोटेशन लेने स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है फनलिस्ट का सामना होता नजर आएगा कि नहीं, और साथ ही साथ एक और टीम यहाँ पर है 7C वो यहाँ पर गेट कीप कर सकते हैं आराम से, तो उनका भी यहाँ पर इंतजार चलता रहेगा। साथ साथ यहाँ पर कैमिन की अगर हम बात करते हैं वेट कर रहे हैं, कंपाउंड का कवर है नो डाउट आप वेट करेंगे जरूर यहाँ पर, लेकिन कितनी देर तक आप होल्ड करेंगे, क्योंकि जोन के अंदर है, जोन के अंदर वो कंपाउंड है बट चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपको बहुत ही रेयर कंपाउंड देखने को मिल जाता है, टीम स्लैमिन डालती है नो डाउट, बट स्लैमिन डालने से पहले वो नॉकआउट जरूर करती है। ओपन में फाइट कोई नहीं करेगा नो डाउट, लेकिन 7C की बात करते हैं अभी के लिए रिच का उनको बेनिफिट जरूर यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ओमेगा इंटेल प्रोवाइड करते हैं अपने टीममेट्स को, वेट कर रहे हैं सही समय पर आने का, एंड
साथ साथ ये डीपीपी का जो एक आपके पास अगर इतना एडवांटेज है तो फायदा उठाइए आप। पीक नहीं करेंगे इतना मुझे पता है यहाँ पर, लेकिन हाँ जब आपको उठना पड़ेगा, जब आपको जंप लगा के आगे जाना पड़ेगा दूसरे विंडो की तरफ, तब तो आपको पीक यहाँ पर मतलब तब आपको स्टैंड वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं टीम तभी आपकी तरफ आ चुके हैं। एंड ये देखिए मेंटी हल्का सा वही पीक, एंड उनको नहीं अंदाजा था कि जो खिलाड़ी है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की, पिछले गेम का चैंपियन टीम रही है यहाँ पर, वो कॉन्फिडेंस से भरपूर है, तो थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन ले, क्योंकि पांचवा सर्कल का स्ट्रेंथ वहां पर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सेम विद लफी ओपी, उनको भी यहाँ पर नॉकआउट किया गया, तो शायद कोई भी उनको रिवाइव करने के नहीं जाएगा। व्हीकल्स कहाँ है इनके, व्हीकल्स नहीं होंगे तो फिर शायद पहुंचना काफी मुश्किल टास्क हो जाएगा। ऊपर से तीसरा ही जोन है आप, सॉरी तीन ही यहाँ पर उनके पास, यहाँ पर फर्स्ट एड किट मुझे नजर आ रही है। और व्हीकल्स की अगर बात करें तो स्पार्की के पास व्हीकल है, लेकिन वो निकलने क्यों नहीं आ रहे, उनको कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और स्ट्राइकर को इसी बीच वो भी व्हीकल से ही नॉकआउट वहां पर निकाला गया, और ये एक काफी अच्छा स्प्रे, लेकिन क्या कन्वर्ट कर पाएंगे किल पे? जी हाँ, फिनिश पे वो यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं वो चले गए हैं जोन के अंदर। जोरो की बात की जाए काफी मुश्किल लगा यहाँ पर अभी के लिए, लेकिन अगर तीन खिलाड़ी अगर बचे हैं तो बहुत ही जबरदस्त गेट कीपिंग मुझे नजर आ रहा था, शायद गेट कीपिंग टीम तो मिलास करेगी, बट ये तो बिल्कुल एक उलटफेर यहाँ पर कर दिया गया है उनके द्वारा। भी अगर आप देखें कवर फायर प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोनों खिलाड़ी के द्वारा, व्हीकल्स को बस करना पड़ेगा, स्मोक जरूर क्रिएट किया गया है, लेकिन नो डाउट ये व्हीकल को बस किया जाएगा। अंदाजा नहीं था वहां पर स्मोक क्रिमिनल बनते हुए यहाँ पर नजर आए खिलाड़ी। अभी भी अगर हम चलते हैं यहाँ पर 7C की तरफ, अलादीन प्रोन हो गए एक एक करके सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर टीम गॉड लाइक करते हुए गेम से बाहर। बट अभी मैं बताना चाहूंगा इसके, देखिए आफ्टर जोनाथन फिनिश यहाँ पर क्लच गॉड भी, उनके IGL भी अब गेम से बाहर हो चुके हैं। अब जी गॉड एंड नियो की जोड़ी इतना कारगर यहाँ पर साबित हो गई, टॉप 10 अभी पहले फोकस रहेगा टीम गॉड लाइक का, देन उसके बाद रहेगा टॉप 5 में आना, देन टॉप 3। एंड ये टीम ये दोनों क्षमता रखते हैं यहाँ पर। अभी भी कुछ सर्कल अगर हम बात करते हैं, पांचवा सर्कल यहाँ पर स्टार्ट होने ही वाला है, टीम्स के लिए काफी दिक्कत बढ़ने वाली है नो डाउट। कितनी सारी टीम्स जब गाइस बच जाती है, 11 टीम्स बचती है, तो बहुत ही सेम टाइम में काफी फाइट्स भी होती है यहाँ पर नजर आती है। इंतजार कर रहे हैं हर खिलाड़ी गाइस, देखिए एक एक एंगल चेक कर रहा है, एक एक एंगल चेक करना बनता भी, क्योंकि हमने काफी बार देख रहा है अगर आपका फोकस एक ही जगह पर सामने की तरफ है, आप बैक स्टैबिंग चेक नहीं कर रहे हैं, कभी भी आपको सरप्राइज अटैक करके गेम से बाहर कर जाएगा। नियो की बात करते हैं, उस ग्रास बंडल के बिहाइंड पे अपने आप को होल्ड करते हुए आर्टिमस को उन्होंने यहाँ पर स्पॉट आउट जरूर करा है, बट क्या फायर लेंगे, क्या फाइट लेंगे? नहीं, कभी कभी गाइस आप एक के चक्कर में, एक फिनिश के चक्कर में आप अपना भी यहाँ पर बोल सकते हैं पोजिशन गवा देते हैं, लेकिन रियलस गेम प्ले है, हमें पता है टीम गॉड लाइक वो यहाँ पर डरने वालों में से नहीं है, उनको पता है कि ऑलरेडी अच्छी खासी लीड है, जो होगा देखा जाएगा, बट अपनी तरफ से जितने भी अगर अपॉर्चुनिटी है तो फायदा उठाए यहाँ पर। एक्सोसाइरस इस गेम को अगर कंपेयर करता हूँ गाइस बाकी तीन जो पिछले तीन गेम से, ये एक बेस्ट स्टार्ट यहाँ पर मिला है। सेंसी को बचा लेते तो अच्छा रहेगा, लेकिन साइरस के ऊपर ग्रेनेड को ओके आ रखा था ओरेंगोटैंड, आज मेरे ख्याल से रमने का नाम नहीं लेने वाले, साथ साथ टीम ईस्पोर्ट्स एम्पायर भी आ सकती है यहाँ पर फाइट लेने। पंक एंड पंक अगर मैं बात करूं आगे जरूर बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सेंसी को अगर बचा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। साथ साथ तीन इनसे की बात करते हैं, उनके सामने 7C का चैलेंज, एक सैंडविच सिचुएशन में अभी के लिए टीम 7C यहाँ पर कभी भी आ सकती है। एक स्पेक्टेटर ग्लिच गाइस यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, POV ग्लिच यहाँ पर भी इस खिलाड़ी का यहाँ पर हो चुका है, तो स्विच जरूर करेंगे दूसरे खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि 7C के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। ग्रेट कुक होके आएगा, और ये ग्रेट कुक जो बस्ट होगा तो प्रिंस का भी यहाँ पर खात्मा होता नजर आता है। अभी भी आखिरी उम्मीद यहाँ पर अलादीन बचे हुए हैं, उनको पता है उस ट्री के बिहाइंड पे अगर आप ग्रेनेड फेंक देंगे तो नो डाउट आपको वो फिनिश मिलता नजर आएगा। बट आगे बढ़ते हैं, वो सॉलिड कवर अपने बीच में यहाँ पर लेके आते हैं, रिस्की मूव था यहाँ पर अलादीन के द्वारा, लेकिन रेत पहले इनको आप ही रिवाइव कीजिए यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर अलादीन के ऊपर, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। और ग्रेनेड ऑफ मेरे ख्याल से गॉबलिन नहीं है फिनिश निकाला, साथ साथ नियो का भी साथ जरूर मिला, एंड अभी के लिए रेड हो चुके गेम से बाहर। गॉबलिन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी के सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पांच अभी के अगर देखा है, पांचवा सर्कल यहाँ पर श्रिंक इन हो चुका है, अब छठे सर्कल की बस यहाँ पर तैयारी चल रही है। इसी पीछे जी गॉड उनको यहाँ पर कर दिया जाएगा नॉकआउट, एंड पंक की बात कीजिए वो 8-bit के साथ भी यहाँ पर फाइट लेते हुए, नियो की बात करें सभी डार्को यहाँ पर करा उन्होंने नॉकआउट, लेकिन क्या नियो बचा पाएंगे? व्हीकल नहीं होती है, शायद ये मुश्किल होता। और जी गॉड को भी फाइनली कंफर्मेशन दिया गया, पहले कॉल आउट जरूर दी गई कि आप यहाँ पर आ जाइए, लेकिन यहाँ पर रावण अगर आप देखेंगे जैसे ही वापस जी गॉड हो गए थे नॉकआउट, तो कॉल आउट थी जरूर ये थी, आप आ सकते बचाने, व्हीकल था उनके पास, लेकिन
शायद वो एक एडवांटेज पे था, अपोनेंट के हाइट एडवांटेज पे से था कि क्लियर पिक्चर उनको दिख रही थी। तो अब अकेले खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए टीम गॉडला की तरफ से नहीं हो, मतलब जी गॉड का भी खात्मा हो चुका है ऑलरेडी, हम देख चुके हैं जोनाथन भी गेम से बाहर चुके, उसके बाद क्लच गॉड, देन अभी के लिए जी गॉड का भी। अब नियो के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कि अपने टीम को टॉप फाइव तक लेके आना, और एक ही बस पोजिशन दूर है यहाँ पर टॉप फाइव से। बिल्कुल, टॉप सिक्स की टीम फिलहाल यहाँ पे बात की जाती है हम लोग को देखने को मिल रही है। ये मैच जैसा बोला गया था आज के लिए कैमिनी स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड वही समझ के फिलहाल यहाँ पे खेला भी गया, क्योंकि अगर ये मैच भी यहाँ पे कैमिनी स्पोर्ट्स की खराब होती तो ये इस हैशटैग टू से अपने आपको नीचे गिरते हुए देखने को मिलते, और वो फिलहाल इनके तरफ से होने नहीं दिया गया। ये काफी अच्छी बात है, बैट पे यहाँ पे बात की जाए तो बिल्कुल अब तो चांस ही नहीं बन रही है कि वो अपने आपको हैशटैग टू से यहाँ पे नीचे लेके आए, यहाँ से और बेहतर करेंगे तो शायद हैशटैग टू में अपने आपको बहुत लंबे समय तक यहाँ पे पाएगी, क्योंकि अब ज्यादा लंबा समय भी नहीं है, सॉरी बट केवल दो दिन का इवेंट बचा हुआ है, और एक भी गलती आप यहाँ से अब तो करना बिल्कुल से नहीं चाहूंगा, एंड वही यहाँ पे फिलहाल करते हुए कैमेनी स्पोर्ट्स के हमारे इनसेन की बात की जाए तो रात को गवा चुके हैं, लेकिन स्टिल ट्राई की जोड़ी अभी भी स्ट्रॉन्ग इस मैच में रखे। नेक्सो की तरफ से भी बात करें तो दो प्लेयर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बट दो प्लेयर लास्ट सर्कल, लेट्स सी यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आ सकते हैं उनके तरफ से। नियो में देखिए हलचल उनको पता है, वहां पर हलचल हो रही है, नियो की प्रेजेंस है वहां पर, इंतजार करेंगे कब वो वहां से स्मोक के थ्रू आते हैं, और नियो के पास भी देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, व्हीकल जरूर था बट आई डोंट थिंक वो व्हीकल का वो सारा वहां पर ले सकते हैं। गॉब्लिन की बात करें, हर खिलाड़ी अगर आप देखें टीम इंसेन का वो नियो के ऊपर ही अभी के लिए, वो क्रॉस एयर पर ले जाके जा रहे हैं वहां पर उनका एम। देखिए यहाँ से स्पॉट कर चुके हैं नियो को, और गॉब्लिन के लिए यहाँ से नॉकआउट करना काफी ज्यादा आसान हो सकता है अगर वहाँ पे एक पीक आता है, बट इसी बीच यहाँ पे सेंसे को टेक डाउन कर दिया गया, फिनिश ऑफ करना चाहेंगे यहाँ पे गॉब्लिन जल से, और स्मोक्स के साथ ये तो मुश्किल होगा बट थोड़ा और उसके साथ यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे करना चाहेंगे। इसी बीच यहाँ पे स्प्रे और इटपिट के एमएस की तरफ यहाँ पे कुछ रैंडम स्प्रे गॉड लाइक नियो को भी यहाँ पे एलिमिनेट आई थिंक इस मैच से कर दिया गया। आखिरी सर्वाइवल जिस तरीके से हमने बताया था आखिरी सर्वाइवल थे इस मैच में, और अब केवल चार टीम्स के बीच ये बैटल है, 9 फिनिशेस केमिनी स्पोर्ट्स के पास है और एक भी प्लेयर का नुकसान नहीं हुआ है, तो ये होती है एक अच्छी परफॉर्मेंस आई थिंक यहाँ पे मेरा नजर लग गया, क्योंकि इसी बीच यहाँ पे को फिलहाल टेक डाउन कर दिया गया, रिवाइवल देना पड़ेगा लेकिन जूसी प्लेस उनके बाहर ही हम लोग को बाहर शायद होते हुए देखने वाले, एग्जैक्टली मैच से यहाँ पे बाहर हो जाएंगे जूसी 8-8 की तरफ से। अब ये दो टीमें जरूर से बैटल की तरफ जाएंगे, इनसेन की तरफ से बात करें तो यहाँ पे ट्रायो की जोड़ी केमिनी स्पोर्ट्स की तरफ से पूरी स्क्वाड है जिनको जल्द से जल्द अपने आखिरी मेंबर को भी यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा गेम जो अगर इनसेन के पास जाती है केबिन को यहाँ पे पनिश किया जाएगा, अगर केबिन की तरफ आया तो इनके पास ऑलरेडी कंपाउंड का एडवांटेज है। वाह, शायद अगर कैमिन अगर आज ये शुरुआत से ही अगर ये परफॉर्मेंस रहती बेशक इसका तो हम तारीफ करना चाहेंगे कि आखिरी गेम में उन्होंने वापसी करी है, बहुत एक मुश्किल टास्क रहता है कि तीन गेम अच्छे जाने के नहीं गए और आप चौथे गेम में वापसी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम रहता है लेकिन ये करके दिखाया कैमिन ने। बट मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ पहले से दो मैचेस या तीन मैचेस में अगर स्टार्टिंग में देखने को मिल जाती कैमिन के द्वारा तो शायद अभी जो एक फासला ये जो अभी 75 अंक का जो फासला में नजर आना भी कैमिन और गॉडलाइक के बीच में ये काफी कम होता नजर आता, और अभी के लिए अगर देखा जाए कम होगा जरूर लेकिन स्टिल अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि 60 प्लस शायद मेरे ख्याल से 50 प्लस अभी भी वो जो है यहाँ पर फास्टर रहने वाला डिफरेंस रहने वाला है। दो टीम्स गाइस अब यहाँ पर आपको फ्रेम में नजर आ रही है, इनसेन ईस्पोर्ट्स की तरफ से तीन खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए हैं, 4v3 का सिनेरियो है यहाँ पर बट अभी के लिए वो कन्वर्ट हो चुका है 3v3 में, 3v3 केविन के पास एक नंबर्स था लेकिन वो नॉकआउट होते हैं खिलाड़ी और तुरंत ही वहां पर फिनिश भी कर दिया जाता है, लेकिन गॉब्लिन के इस ग्रेनेड से माइटी हो जाएंगे नॉकआउट, और मेरे ख्याल से गॉब्लिन देखिए इनसेन किस चीज पे बिलीव रख रही है, वो नॉकआउट करे तो इंस्टेंटली फिनिश भी कर रही है और ओमेगा कवर प्रोवाइड तो जरूर कर रहे हैं उनकी, अगर आप देखें उनकी लोकेशन भी स्पॉटेड हो चुकी है यहां पर गॉब्लिन के द्वारा। बिल्कुल ये आखिरी बैटल यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे स्पॉट काफी अच्छा डैमेज यहाँ पे ओमेगा को किया गया, एंड मजबूर अगर अब यहाँ पे पीक आता तो स्टिल अल्टीमेट काफी नॉक काफी आराम से यहाँ पे किया जा सकता था, बैटल जो कि एक तरफा था वो फिलहाल यहाँ पे खींचा गया है, एंड अब देखने वाली बात रहेगी कि ये केविन स्पोर्ट्स गेम में जाता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि चिकन केविन के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक यहाँ पे बात करें स्प्रे जो कि यहाँ पे एक के बाद एक चलता हुआ देखने को मिल रहा है, वो कहने के यहाँ पे ओमेगा के लिए यहाँ पे मुश्किल होगा, कान बढ़ सकते हैं प्लेस उनका भी डैमेज उनकी तरफ आ जाएगा, गॉब्लिन के पास एडवांटेज रहेगा, एग्जैक्टली ओमेगा फिनिश पॉइंट नहीं देंगे प्लेस जोन से नॉक होना, उन्होंने बेहतर ऑप्शन समझा लक्षित की तरफ जाने की फैसला यहाँ पे कर चुके हैं, गॉब्लिन चाहेंगे इसको तो एटलीस्ट फिनिश पॉइंट पे सिक्योर करे ही और एग्जैक्टली वो करेंगे भी, केविन स्पोर्ट्स को इस मैच से एलिमिनेट किया जाएगा, एंड इनसेन टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स की तरफ से विनर विनर चिकन डिनर आज का ये डे 5 का आखिरी मैच जाता हुआ। हार्ट फिनिश के साथ ये चिकन डिनर, और कल भी अगर हम बात करते हैं इससे कुछ दिन पहले भी अगर हम बात करें इनसेन कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई थी, आखिर में चिकन डिनर और वो मोमेंटम उनके पास आ जाता है।
अब अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो 9th पे पोजीशन में चल रही थी, बट मुझे लग रहा है कि फिर से शायद ये इस परफॉर्मेंस के बाद वो #5 या फिर उससे भी ऊपर आ सकती है, फिर अराउंड मतलब नियर बाय #5 नो डाउट यहाँ पर वो नजर आएगी जब हम ओवरऑल स्टैंडिंग देखेंगे। कैमिन की जरूर तारीफ करना चाहूंगा, बहुत जरूरी था उनके लिए गेम, 9 फिनिश निकालते हैं, ये चिकन डिनर तो नहीं आ पाया लेकिन ये 9 फिनिश के साथ ही जो 12 अंक यानी 21 अंक जो यहाँ पर लेके गए हैं, बहुत ज्यादा फायदा इनको मिलने वाला है। और साथ साथ ऑरेंगोटेन के ऊपर नजर आती है, ऑरेंगोटेन की अगर मैं बात करता हूँ 7वें पायदान में यहाँ पर वो फिनिश हो जाते हैं, तो ज्यादा फायदा उनको नहीं मिल पाएगा, 2+3 जो उनके पास फिनिश पॉइंट है यानी 5 ही अंक वो ऐड कर पाएंगे। तो मतलब अभी भी चांसेस सबसे ज्यादा है कि टीम कैमिन ईस्पोर्ट्स यहाँ पर #2 में रहने वाली है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं टीम गॉडलाइक टॉप 5 में, मतलब आज जो यहाँ पर पहले दो गेम्स थे उतने अच्छे नहीं गए थे लेकिन रिमेनिंग जो दो गेम गए हैं उस पर उस बोल सकते हैं उस टॉप नॉच तो नहीं, लेकिन हाँ इस परफॉर्मेंस से भी काफी खुश रहेंगे क्योंकि उनको पता है लीड अभी भी बरकरार है यहाँ पर। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। और कैमेन ईस्पोर्ट्स जिस तरीके से आपने बताया एलिमिनेट जरूर से हो गया, बट उनके पास फिनिशेस थे, जिस तरीके से आपने बताया कि फिनिशेस काफ़ी कमाल के थे और थे भी काफ़ी अच्छे, यहाँ पे 9-10 के आसपास उनके फिनिशेस पहुंच गए थे। और पोजिशन पॉइंट भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 पोजिशन पॉइंट लेके गए, तो कहीं ना कहीं 2021 का एक अच्छा यहाँ पे वॉइस क्लच करके इस मैच से यहाँ पे बाहर हुए। तो ये अच्छी बात हुई कि जो टीम ऑरेंजर उनके काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, केवल 3 पॉइंट का फासला था, वो इस मैच के साथ उस फासले को थोड़ी से यहाँ पे बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरीके के परफॉर्मेंस उनके तरफ से आज के डे पे नहीं मिलते तो थोड़ा सा जरूर उनको भी लगता कि क्या कुछ कमी तो आज के डे में हुई जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट इस मैच के बाद थोड़ी सी कॉन्फिडेंट वापस वो अपने आप को पाएंगे। एक चीज में जरूर से चिकन डिनर जरूर से वो मिस कर गए, बट स्टिल #2 नॉट बैड डे इन में, आज के डे इन में आप अपने आप को #2 पे पा रहे हो, तो ये भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, बाकी तो गाइज जो भी टीम्स हैं उनको पता है अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो नीचे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी टीम्स हमें देखने को मिलती है। IND से आज उम्मीद थी कि ऊपर वापसी करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जब हमारी स्ट्रीम हुई थी मैंने जिक्र करा था कि काफी टीम्स, IND का भी नाम जिक्र करा था मैंने, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का भी करा था, टीम ईस्पोर्ट्स एम्पायर, ये परफॉर्मेंस मैंने जो बताई थी, जो मैंने आपको नाम बताए थे, ये बताए थे कि एज कम्पेयर टू डे 3 और डे 4, डे 4 में एक बहुत ही भारी नुकसान इनको पोजीशन का देखने को मिला था, बट आज की अगर हम बात करें ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग ने एक बढ़त ली है, यहाँ पर टॉप 5 में आ चुके हैं और साथ साथ ई स्पोर्ट्स एम्पायर वो तो काफी का 6 मार्जिन के साथ ऊपर आते नजर आए। एंड अगर हम बात करते हैं ई स्पोर्ट्स एम्पायर की, तो इस गेम में थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, हर गेम में अगर आप देखें मिनिमम टू मिनिमम टॉप 5 वो लेके जा रहे थे पोजिशन, लेकिन इस गेम में #6 आते हैं, लेकिन एक जगह इंप्रूवमेंट हमें देखने मिलता है वो है यहाँ पर फिनिशेस, 7 फिनिश निकालते हैं और #6। बिल्कुल सही, इसी के साथ आज के गाइस यहाँ पे सारे मैचेस फिलहाल समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ, पॉइंट्स की तरफ भी, हाइलाइट्स की तरफ भी हम आप लोग को लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक गाइस फॉलो नहीं किया लोगों पे, फटाफट से आप लोगों पे हमें फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे आप जाके सपोर्ट दिखा सकते हो @ESports को। तो ये आप ये दो चीजों गाइस बहुत बहुत जल्दी से आप लोग जाओ क्योंकि वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हो। लेकिन अब आप लोग बात की जाए तो जरूर से हाईलाइट्स की तरफ नजर डालते हैं, उसके बाद हम लोग बातचीत को यहाँ पे जारी रखेंगे। हाईलाइट्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग में ये दो टीम्स की जो क्लैश हुई उसके कारण जरूर से यहाँ पे मुश्किल हुआ, और वापस से अगर हम बात करें जो बातचीत यहाँ पे दोहरा रहे थे उसको वापस से कंटिन्यू रखते हैं कि गाइस मेक श्योर अभी तक आप लोग ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। तो ये कास्टिंग कमेंट्री यहाँ पे तो समाप्त हो चुकी है, अब यहाँ पे से थोड़ी देर हम लोग बातचीत आप लोग से करने वाले थे। इस बातचीत के बाद जस्ट बाद आप हमें भी थोड़ी सी फीडबैक, इंपॉर्टेंट फीडबैक दे दिया करो क्योंकि आपको जो बिल्कुल सुनने में अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, जो नहीं अच्छे लगते हैं वो आप लोग आके बताया करो, उसके अनुसार हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे एक दिन जरूर। आप लोग भी हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे तो जरूर से आप लोग हम दोनों कास्टर को भी इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो वापस से चलते हैं एक बार हाइलाइट्स की तरफ हाइलाइट्स की तरफ। एंड देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन हम लोग को देखने को मिला था स्टार्टिंग में। बिल्कुल, शुरुआत की अगर बात करते हैं 5वें मिनट में ही फाइट्स, और बिटवीन मार्कोस गेमिंग एंड एलीट स्क्वाड, उनको पता है आज अगर देखा जाए एलीट, देखिए काफी टीम्स ऐसे होती है जब उनको पता है ना अपोनेंट टीम्स का देना अच्छा नहीं जा रहा तो कोशिश करते हैं कि वहीं पर ही जाए, और एक सरप्राइज था मार्कोस गेमिंग के लिए, एलीट स्क्वाड आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं था क्योंकि इस फाइट को बेशक जीता गया जरूर एलीट स्क्वाड के द्वारा, लेकिन एक्चुअल में आपने भी दो खिलाड़ी यहाँ पर गंवाए, ये नहीं भूलना चाहेंगे वो भी।
बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में ही आप अपने इतने प्लेयर को ना गवा बैठो कि वो जो आखिर का सफर है वहां पे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, वही शायद यहाँ पे देखने को मिला। ट्राई कर रहे थे, विजुअल था यहाँ पे काफी उमदा, लेकिन ये स्प्रे ग्रेनेड करने की कोशिश थी, दूसरे साइड यहाँ पे प्रो डाउन कर लेते, अपने आप को कवर में रखने की कोशिश की जाती, बट वो कवर ज्यादा देर तक उनके हित पे रहा नहीं, स्पॉट ऑफ गार्ड पाया गया, नॉकआउट किया गया और मैच से बाहर हो जाता है। उसके बाद रौनक की तरफ ये ग्रेनेड आता है, ग्रेनेड का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कट। क्लच गॉड की बात की जाए, जैसे बोला आज के डे में उनका आज दिन नहीं था, या फिर वो चल नहीं रहा था जो भी रीजन से, बट मल्टीपल टाइम्स वो सारी मैचेस में यहाँ पे बात करें थोड़ा सा मुश्किल में अपने आप को पाए। पीछे से बात की जाए तो फिलहाल वापस से वो सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला, और नियो फिर जवाबी कार्रवाई यहाँ पे स्टार्ट करते, ट्राई कर रहे थे इनके तरफ से, फिर कहीं ना कहीं टीम गॉड के लिए मैच काफी अच्छा साबित हो सकता था, लेकिन फिनिश आ रहे थे, पॉइंट्स आ रहे थे, लेकिन वो नॉक के साथ अपने तरफ फिनिश होने से भी टीम गॉड लाइक रोक नहीं पाई। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया था नो डाउट, बट बाकी टीम्स के साथ द्वारा वहाँ पर एलिमिनेशन आना वो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर दे गया। टीएसएम की अगर बात करें, एलिमिनेट करते हुए यहाँ पर उनको नजर आते हैं, पहले रहता है कि यहाँ पर उनका एलिमिनेशन आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर कवर फायर जो दिया गया ना पर वो काफी अमेजिंग था। नियो ने जो यहाँ पर नॉकआउट निकाला वो काफी अमेजिंग था, जिसका वजह से बोल सकते हैं कि एक जो फाइट निकल सकती थी यहाँ पर टीएसएम के फेवर में भी, लेकिन वो गॉड लाइक के फेवर में जाती। एक कैजुअलिटी जरूर मिलती है यहाँ पर जोनाथन के रूप में, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैमन ईस्पोर्ट्स वर्सेस 8bit, काफी एक बोल सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस फाइट फॉर्म में देखने को मिल रही थी, एंड दिस ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग जीरो एक मूविंग व्हीकल में, एक बगी में, और आपको पता है कितना मुश्किल होता है एक बगी के खिलाड़ी को वहां पर उतारना, व्हीकल से एक नॉकआउट करना उस खिलाड़ी का। बिल्कुल काफी टफ होता है, और ये फिलहाल यहाँ पे चीजें होती हुई देखने को मिली, बट मैंटी को इस पॉइंट पे यहाँ पे डाउन किया गया, जिसकी तरफ से ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन जरूर से यहाँ पे आगे अगर बात करें तो चीजें उनके लिए मुश्किलें हुई। फिर आखिर तक बात की जाए तो इनसेन पैटल इनके पास था, स्पॉट किया गया यहाँ पे आदि को, स्पॉट नहीं मिला तो व्हीकल ब्लास्ट करके उन्हें मैच से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलों का कारण बड़ी। कैमन ईस्पोर्ट्स की तरफ बात करें, पोस्टिंग थी, सर्वाइवल काफी अच्छी तरीके से दी जा रही थी, प्लस फिनिशेस भी निकालने में कामयाब हुए थे, और वो चीजें यहाँ पे कंटिन्यू करना भी चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे सफर आगे बढ़ा मुश्किलें इनके लिए भी यहाँ पे बात की जाए तो बढ़ती चली गई। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंस ही इस गेम में नो डाउट है टीम एक्सो के लिए बोलना चाहूंगा इम्प्रूव करा है, लेकिन पिछले तीन मुकाबले उतने अच्छे नहीं नजर नहीं आए। टॉप 5 में यहाँ पर जरूर आते हैं, लेकिन जो चीज आपको पहले तीन मुकाबलों में करनी चाहिए थी वो शायद आपने काफी डिले कर दिया, लेकिन अभी मैं यही बोलूंगा बचे हुए जितने भी यहाँ पर 2 दिन बच रखे, जैसे मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, बचे हुए 2 दिन है इसमें टीम्स को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप काफी लैग कर जाएंगे, काफी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अभी गाइज जो अभी ओवरऑल स्टैंडिंग, उससे पहले हम मैच स्टैंडिंग की तरफ भी जरूर बढ़ेंगे, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि उस मैच को मतलब रिकवरी करने के लिए, वो पॉइंट के बराबर आने के लिए आपके मैच भी यूटिलाइज होंगे, ऐसा नहीं कि आपके आपके पास ज्यादा मैच बच रखे हैं। हर टीम गाइस देखिए बराबर यहाँ पर मैच खेल रही है, टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए 35 मैचेस हैं, और 35 मैच एक काफी इनफ बोल सकते हैं, आपके पास मौके रहते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, ऑन टॉप पहुंचाने के लिए, और ऐसा भी दौर हमें देखने मिला है, और वो चीज आज ई स्पोर्ट्स एम्पायर ने करके दिखाई नो डाउट। मैं काफी बार लोग बोल रहे हो कि ई स्पोर्ट्स एम्पायर का नाम क्यों ले रहे हैं, गाइज देखिए जो टीम सपो जो बोल सकते हैं जो टीम्स यहाँ पर हाईलाइट होती है, एक अंडरडॉग टीम, एक बोल सकते हैं राइजिंग स्टार टीम है, पहले इतना ज्यादा नाम नहीं होता था, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के बल पे जो यहाँ पर वो करके दिखा रहे हैं, कल का दिन कंप्लीटली बोल सकते हैं अच्छा दिन नहीं गया। आप अगर आप D4 का अगर चेकआउट करेंगे परफॉर्मेंस, हर बार गाइज आपको नीचे जाते हुए नजर आए, #3 से #9 का सफर उन्हें यहाँ पर फेस करा, लेकिन आप रखा आज का दिन उनके लिए काफी अच्छा, मतलब बोल सकते हैं अच्छा चाहिए था उनको, परफेक्ट एक स्टार्ट मिलता है उनको, हर गेम में टॉप 5 रहते हैं, और जिसकी बदौलत अभी भी अगर आप ओवरऑल स्टैंडिंग में देखेंगे टॉप 5 में बने होंगे, और हर टीम को हर खिलाड़ी को चाहिए यहाँ पर, हर टीम को चाहिए कि टॉप 5 में एट द एंड ऑफ द डे बना रहे, और जो प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना वो कहीं ना कहीं #5 तक को भी मौका दे रहे हैं, मतलब शेयर लेने का अपना 25,000 एटलीस्ट आपको मिनिमम मिलेंगे। बिल्कुल, इसके साथ एक टैग भी आप साथ में लेके जाओगे कि रणभूमि सीजन 1 के आप टॉप 5 के विजेता रह चुके हैं, बट एक बार जरूर से यहाँ पे वापस हम लोग स्टैंडिंग्स की पॉइंट्स की तरफ तरफ आते हैं और पॉइंट्स टेबल की तरफ देखते हैं, स्टैंडिंग की तरफ देखते हैं। यहाँ पे बात की जाए तो स्टार्टिंग ऑफ द मैच काफी अच्छी तरीके से टीम इनसेन यहाँ पे अपने आप को टेबल टॉपर फिलहाल इस मैच में रखे 23 पॉइंट के साथ, कैमेनी स्पोर्ट्स केवल 20, केवल तो नहीं बोले क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी वापसी कैमेनी स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिला 21 पॉइंट,
करके दूसरे पोजीशन पे। टीम गॉडलाइक भी ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे, पोजीशनिंग यहाँ पे कम है बट फिनिशेस के कारण 14 पॉइंट्स करके यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे अपने आप को रखे। मैं यही बात कर रहा था गेम जो कि आपके पास पोजीशनिंग कम है कोई बात नहीं, आप अपने फिनिशेस का यूज करो कम बैक करने के लिए, जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप यूज करो। एंड एग्जैक्टली टीम गॉडलाइक वे करते हुए देखने को मिले। टीम एक्जो के लिए भी ये मैच बेहतर थोड़ा सा साबित हुआ बाकी मैप के कंपेयर, बाकी मैच के कंपेयर में केवल 13 पॉइंट। यहाँ पे बात करें चौथे पोजिशन पे, टीम एडमिट की बात करें 11, स्पोर्ट्स की बात करें तो 11, पांचवे और छठे पोजिशन पे ऑरंगेटोंग से इलाइट स्क्वाड एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, ये तीनों ही टीमें उन्हें 5 पॉइंट निकाला, सातवें आठवें और नौवें पोजीशन पे अपने आप को पा रहे इस पहले लिस्ट में। देखिए फिफ्थ पोजीशन में थी वैसे गॉड लाइक, लेकिन बेनिफिट मिला उनको अच्छे खासे फिनिश जो निकाले। आखिर के लिए अगर हम बात करें #10 to #18 FNLS इस गेम में अच्छा नहीं कर पाए। 7 सी के भी खिलाड़ी बहुत ही अर्ली एलिमिनेशन का शिकार यहाँ पर बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट 1-1-0, अगर हम बात करें मार्कोस गेमिंग 0 ही यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट, फिनिश पॉइंट निकाले थे उन्होंने 2, इसी वजह से यहाँ पर 2 अंक को जुड़ते नजर आए। टीम तमिलास की बात करते हैं, आज काफी फंबलिंग गेम प्ले, इससे पहले शुरुआत अच्छी दे रहे थे लेकिन इस गेम में तो शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई, प्लेसमेंट पॉइंट भी अच्छे नहीं निकाल पाए। स्काईलाइट्स की बात करते हैं, बेहतरीन मौका था लेकिन कल के जो एक बोल सकते हैं ना, कल जो एक रिकवरी करी थी, आज बहुत ज्यादा बोल सकते हैं डाउनफॉल भी हमें देखने को मिलेगा। टीएसएम शायद बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता। देखिए पहला गेम अच्छा नहीं गया था लेकिन टीएसएम ने रिकवरी करने की कोशिश यहाँ पर करी, बट पहला और चौथा गेम का अच्छा ना जा पाना लेट्स सी कितना ज्यादा हैम्पर करेगा उसकी परफॉर्मेंस को। और टीम आईएनडी एक भी अंक यहाँ से लेके नहीं गई है विद ऑरेंज रॉक एंड राइवलरी। इंतजार रहेगा ओवरऑल स्टैंडिंग का, क्योंकि यहाँ से अब थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिल जाएगी या बचे हुए जो 2 दिन है उसमें किसका दमखम देखने को मिल रहा है। और पहली टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर टीम गॉड लाइक ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पर कर चुकी है, 302 का आंकड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ। एक बार मैं जरूर यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना यहाँ पर फासला अब है मौजूद। तो देखिए एज आई सेड 75 अंक का फासला था, वो अब रह चुका है 68 अंक में। खुश रहेगी यहाँ पर टीम गॉड लाइक क्योंकि कैमिनी, देखिए कैमिनी एक फासला कम क्योंकि कैमिनी स्पोर्ट्स का इम्प्रूव्ड गेम प्ले देखने मिला 234 अंक के साथ। और अब थोड़ा सा जो फासला है ना यहाँ पर कैमिनी और अंगटेन का, अब वो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल जी। यहाँ की अब यहाँ पर आप #2 में काफी अच्छे बफर के साथ है, बट इस बफर को मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा। कभी भी यहाँ पर ऑरंगटेन का एक अच्छा पेस गेम प्ले ऊपर लेके आ सकता है। ई स्पोर्ट्स एम्पायर की बात कर रहे थे, दूसरा मैच जब हमने देखा था ई स्पोर्ट्स एम्पायर 9वें पायदान में नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए आप कितने बड़ी छलांग top 4 में आ चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल top 5 में, top 4 में यहाँ पे अपने आप को लेके आने में यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सफर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आगे लेके जाना पड़ेगा। आगे बात की जाती है इनसेन 200 फिलहाल यहाँ पे कर चुके हैं, क्रॉस नहीं बोलेंगे 200 फिलहाल यहाँ पे गेम है। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की बात की जाए 197 पॉइंट करके यहाँ पे छठे पोजिशन पे अपने आप को रखे हुए। और टीम 8-bit की बात की जाए तो 192 पॉइंट करके यहाँ पे सातवें, मार्कोस की बात करें 183 पॉइंट करके आठवें, टीएसएम की बात करें 179 करके यहाँ पे नौवे पोजीशन पे रखे हुए। तो फर्स्ट चार्ट में तो बात करें तो काफी अच्छे तरीके से टीम्स की डोमिनेशन यहाँ पे बरकरार है, बट टीम गॉडलाइक की एक अलग लेवल पे चल रहा है। इनके लिए कोई अलग सा लीग बना दीजिए क्योंकि ये बाकी टीम जहाँ पे 250 क्रॉस नहीं किया, आप 300 प्लस करके आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं, तो स्टिल इनके लिए तारीफ की यहाँ पे बात करें पात्र है, बट इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होने वाली है। दूसरी चार्ट की तरफ भी यहाँ पे एक बार जरूर से नजर लेके चलते हैं कि फिलहाल यहाँ पे D5 के बाद अब कौन सी टीम्स को यहाँ पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इन टीम्स के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लिमिटेड मैच अब यहाँ से बचेंगे। FNLS Esports 177 पॉइंट करके 10वें पोजीशन पे, सिर्फ स्काईलाइट गेमिंग 176 करके 11वें, IND 171 पॉइंट करके 12वें, टीम एक्सो 164 करके 13वें पोजीशन पे, लाइट स्क्वाड 153 करके 14 पोजीशन, और 7C ई-स्पोर्ट्स की बात करें 145 पॉइंट करके 15वें, टीम तमिलास 142 करके 16, राइवल ई-स्पोर्ट्स 120 करके 17 अंडर, और जॉग ई-स्पोर्ट्स 71 पॉइंट करके यहाँ पे 18वें पोजीशन पे अपने आप को पा रहे हैं। बट आप देखोगे जो टॉप 12 तक अगर नजर डाले, एक बेहतर 30 पॉइंट का गेम आपको सीधा फर्स्ट चार्ट में एक बेहतर पोजिशन में पहुंचा सकता है, और उसके बाद अगर आप एक लूप में उस चिकन को निकालने में कामयाब हो पाए तो आप सीधा top 3 या top 5 में अपने आप को लेके आ सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत बची हुई है, मैचेस बस यहाँ से अच्छे निकालने की आवश्यकता इन्हें पड़ने वाली है। रावन स्काईलाइट्स गेमिंग 166 अंक के साथ चौथे पायदान में चल रहे थे एट द एंड ऑफ D4। अभी अगर आप देख खाली 10 ही अंक वो ऐड कर पाए आज के दिन में, और जिसका एक बाहरी नुकसान उनको उठाना पड़ा है। आप देख सकते हैं चौथे पायदान से 11वें पायदान की तरफ आ चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी उन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करा था। चलिए एक गेम खराब होता है, दूसरा गेम खराब होता है, तीसरा और चौथा भी यहाँ पर खराब गया, इसकी वजह से एक भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। सेम अगर बात करें टीम एक्सो, ये गेम नो डाउट उनका अच्छा रहा एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 गेम्स, लेकिन कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, यही चीज है। टीम आई इंडिया
क्या भरोसा, कल भी हो सकता है गाइस कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाए। तो कोशिश रहेगी आप FNLS, Skylights, टीम INDIE EXO, एली स्क्वाड, 7C और टीम तमिलास के द्वारा कि अपना बेस्ट एफर्ट दे, क्योंकि हर बार गाइस एक एक इवेंट के ना सेकंड लास्ट डे, मतलब जब भी आपका सेकंड लास्ट डे रहेगा ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि आपका क्लियर, मतलब आपका थोड़ा सा क्लियर पाथ, क्लियर मतलब बता देगा कि आप कौन सी पोजीशन में आ सकते हैं। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। रावण देखिए, यहाँ से तो आज का डे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कल से तो आप बोलिए तो आप डिसाइडेड है, बहुत स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा कल में अगर आप यस परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे तो आप कंपटीशन और इस रणभूमि की बात की जाए तो उससे आप अपने आप को मुश्किल में पाने वाले हो। वो विजेता आप नहीं बन बिल्कुल पाओगे, ग्रैंड फाइनल का टैग ही आप पे रखने वाला है, क्योंकि टॉप 5 में आ पाओगे तो आप कुछ यहाँ पे धनराशि अपने साथ लेके जाओगे। और उसके साथ एक काफी अच्छी बात है कि रणभूमि के टॉप 5 टीम्स है फिलहाल, उनमें से ये भी एक थे। तो ये ना जरूर से आप सुनोगे तभी जब आप इस तरीके के परफॉर्मेंस अपने तरफ से निकाल के लाओगे। बट जो भी हो गेम, जो अब यहाँ पे जरूर से हम बात करेंगे हमारी जनता के साथ, तो मेक श्योर गाइज आप लोग यहाँ पे एक बार फॉलो जरूर से कर देना अपतरसी स्पोर्ट्स को इंस्टाग्राम पे। मेक श्योर यस लोगों पे तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं मेरे को पता है, बट जिन्होंने नहीं किया है क्या वेट नहीं कर रहे करा हो, जरूर यस फटाफट से कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जाओगे तो अब स्टोरी एंड पोस्ट के माध्यम से आपको आने वाले इवेंट्स के बारे में यहाँ पे पता चलने वाले, उसमें पार्ट लोगे तो आपकी स्पोर्ट्स करियर के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। एंड कास्टिंग कमेंट्री पसंद आई होगी तो आप जरूर से हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से एंड है। तो एक आखिरी बात यहाँ पे ही बोलेंगे, हमें भी आप लोग के जरूर से सपोर्ट कर दीजिएगा। ऑलरेडी बिल्कुल आपको बैनर में हमारे इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएंगे, मेरा नाम है रावण, मेरा साथ दे रहे थे गेम जो, आप दोनों को ही सपोर्ट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, बातचीत भी हम लोग करते हैं। कई बार हमारे कुछ अच्छे बिल्कुल फैंस कई बार आ जाते हैं, हमारे भी फैंस कई बार आ जाते हैं, तो बिल्कुल से आप लोग से भी हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे बात करने के लिए रेडी है। तो आई थिंक इस नॉट के साथ आज का डे फिलहाल गेम जो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। बिल्कुल। तो गाइस इंतजार जरूर कीजिएगा, कल हम जरूर जुड़ेंगे फिर से। कल हमारा रहने वाला है सेकंड लास्ट डे, यानी डे नंबर 6। तो मेक श्योर गाइस जिस तरह का सपोर्ट आपने आज बनाया था, बेशक आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ कुछ यहाँ पर फैंस थे बिल्कुल मायूस जरूर होंगे, लेकिन मैं यही बोलूंगा उनको सपोर्ट की बहुत जरूर जरूरत है। तो कल जरूर सपोर्ट कीजिए एंड होपफुली क्या पता हमें कल वो टीम ऊपर आती हुई नजर आ जाए, एंड जो टीम आज अच्छा परफॉर्म करी थी वो कल अच्छी तरह से ना परफॉर्म कर पाए। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन गॉड लाइक यहाँ पर कोशिश यही करेंगे कि 50 के नीचे तो बिल्कुल भी वो डिफरेंस ना क्रिएट नहीं होने देना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखिए मौका देते हैं, नो डाउट आज भी उन्होंने मौका दिया यहाँ पर, स्टार्टिंग में कुछ ही एक दो पॉइंट ही बस वो यहाँ पर निकाल के गई थी, कर लिया एलिमिनेशन। बाकी टीम्स के पास मौका था बट जी नहीं, कैमिन अगर वो कर लेती तो शायद आज जो फासला हमें कम करीब 60+ का था वो 30 तक रह जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पाई। गॉड लाइक को चीज का फायदा मिला, बट ऐसे कल भी वो चीज कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं, वो तो जवाब कल ही मिलेगा। लेकिन अभी के लिए गाइज यही मैं बोलूंगा फिर से कि अभी के लिए तो हम कर रहे हैं आप स्ट्रीम को एंड, लेकिन इसके बाद सभी के रिप्लाई जरूर मिलेंगे। तो मेक श्योर गाइज सपोर्ट कीजिएगा जरूर, फॉलो जरूर कीजिएगा, कोई फीडबैक अगर आप हमें देना चाहते हैं रिगार्डिंग कास्टिंग तो बिल्कुल आप भेजक दे सकते हैं। ई-स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो आप भेजक हमसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ है रावण एंड मी एज अ गेम्स टेक वाईटी, जरूर सर्च कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए एंड साथ साथ अपथ्रस को भी जरूर फॉलो कीजिए एंड लोगों को भी जरूर सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए गाइज इसी नोट के साथ लेते हैं हम यहाँ पर अलविदा, मिलते हैं आपको कल, टेक केयर, बाय बाय गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.
tranquility. Experience tranquility. Experience tranquility. Experience tranquility. Experience tranquility. Thank you.
Experience tranquility. Yeah, the game is insane. Far before.
something's wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess how you left me run.
the doorways open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared. Yeah.
Draw all your mind, you. You got
Experience tranquility. 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 Experience tranquility.
Experience tranquility. Try to pop on the left side, put it up in your mind.